गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो के अंदर जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाला लियो ये फिल्म दोस्तों आपको कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन पर किस यूट्यूब चैनल पर ये फिल्म आपको ऑफिशियली फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सभी के ऊपर बात करने वाला हूँ इसके अलावा दोस्तों लियो फिल्म से जुड़ी सभी के सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करने वालों साथ ही में इस फिल्म की कहानी का एक्सप्लेनेशन उसके प्रोडिक्शन इसके अलावा इस फिल्म की बजट मूवी का डी कलेक्शन का प्रोडिक्शन

फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया दोस्तों लोकेश कनगराज ने और लोकेश कनगराज के डायरेक्शन के अलावा उनकी स्टोरी स्टोरी स्क्रिप्टिंग राइटिंग कहानी और स्क्रीन प्ले डायलॉग्स ये सभी चीजें आपको लोकेश कनगराज की आपको देखने को मिलेगी लेकिन स्टोरी के अंदर आपको यहाँ पर लोकेश कनगराज के अलावा रत्न कुमार एंड वीरत की भी आपको देखने को मिलती है फिल्म की राइटिंग और साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया सो ललित कुमार एंड जगदीश पलस्वामी ने फिल्म में आपको लीड रोल में नजर आएंगे तलपति बिजय संजय दत्त त्रिषा एंड अर्जुन सारजा और इस फिल्म में आपको सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी मनोज परामर्श की और साथ में इस फिल्म को एडिट किया है दोस्तों फिलिपन राज ने इसके अलावा आपको इस फिल्म म्यूजिक कंपोजिंग साउंड स्कोर एंड को मिलेगी अनिरुद्ध अनिरुद्ध रविचंद्र की इस फिल्म को दोस्तों स्टूडियो प्रोडक्शन बैनर के नीचे को बनाया जा पर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन आपको रेड जॉय के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है सन टीवी और सेवन स्क्रीन स्टूडियो गोल्ड मैं फिल्म यानी आपको काफी सारे ऐसा

उस कर रहे है या फिर हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी गोल्ड मैन टेलीफिल्म के द्वारा जो की इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर आप सभी को गोल्ड मैन की यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल चुकी है जो की आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बट अभी तक जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी ट्रेलर को नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आप इस फिल्म को ट्रेलर को जाकर देख सकते हो गोल्ड मैन की यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है साथ ही दोस्तों की अगर बात करें बजट की तो दोस्तों इस फिल्म को 250 से लेकर 300 सौ करोड़ के बजट के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ है जहा पर इस फिल्म को दोस्तों पैन इंडियन लेवल पर रिलीज की जाएगी जो कि आपको काफी सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि आपको डायरेक्टली में देखने और आप इस फिल्म को देख सकते हो और इसके साथ तलपति विजय संजय दत्त रिशा सर्जा अर्जुन गौतम मिशकिन मंसूर अली खान प्रिया आनंद मैथ्यू थॉमस एंडी मास्टर बबू एंथनी मोनोबला जॉर्ज मरियन एंड अभिमिनी जेफर सिद्दी इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी जैनी वनी माया एस सनी डैंड स्मिथ मनोजा अनुराग केशव इसके साथ ही आपको रामा कृष्णन किरण राथुर एम सचिन मनी भी देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कैरेक्टर्स की कौन सा एक्टर कौन सा रोल में आपको नजर आएंगे इस फिल्म में कौन सा एक्ट्रेस किस किरदार को प्ले कर रहे हैं तो चलिए उसके ऊपर डिटेलिंग देते हैं तो दोस्तों आपको तलपति विजय सर आपको इस फिल्म में लियो दास या फिर पार्थि के रोल में नजर आएंगे संजय दत्त आपको इस फिल्म में एंटेनी दास के रोल में नजर आएंगे

एंटनी मोनोबला एंड जॉर्ज मरियान और यहाँ पर बात करे जबर सिद्दीक और इवाल काम हो चुका है तो कुछ ही ऐसे जो कैरेक्टर्स है उन्हीं का ही मतलब कन्फर्म हुआ की इस फिल्म के अंदर ये यह किरदार यहाँ पर फिल्म में है बाकी सभी का ऑलमोस्ट बाकी है बाकी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स बात करें एक्टर्स कंफर्म नहीं हुआ बट फिल्म रिलीज होने पर डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगी और आपको तो पता चली जाएगी कि कौन सा एक्टर किस रोल में है जो कि फिल्म रिलीज हो रही है उन्नीस अक्टूबर को तो उन्नीस अक्टूबर को तो आप सभी को पता चल जाएगा अगर आपको पता नहीं भी होता है तो डेफिनेटली जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पर आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी इसके अलावा अगर बात कर दोस्तों इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात करते फिल्म की रिलीज डेट के ऊपर बात करना चाहूंगा रिलीज डेट के ऊपर ऑलरेडी तो बात कर चुका फिर से इसके ऊपर डिटेलिंग देना चाहूंगा बिकॉज आपसे भी अगर नहीं

तो दोस्तों अपडेट वगैरह को मिस नहीं करना चाहती हूँ अपडेटेड रहना चाहती हूँ तो डेफ़िनेटली कहूँगा कि आप सभी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको भी ऑन कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की तमिल वर्ज़न की सैटेलाइट राइट्स की या फिर बात करें डिजिटल राइट्स की तो डिजिटल राइट्स तो ऑलरेडी आपको पता है कि नेटफ्लिक्स के पास या फिर बात करें सैटेलाइट राइट्स की तमिल वर्ज़न की तो जो सन टी ने ख़रीदा है तो इस फिल्म को जैसे तमिल वर्ज़न में रिलीज़ की जाएगी तमिल भाषा में जब भी इस फिल्म को टीवी पर अगर रिलीज़ की जाएगी तो सन टीवी के हिट सैटेलाइट टीवी चैनल पर इस फिल्म कर आपको तमिल वर्जन का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी बाकी इस फिल्म की डिजिटल राइट्स और सेटेलाइट जो राइट्स है कितने में मतलब बेचा गया है इससे रिलेटेड कोई अमाउंट वगैरह रिवील नहीं किया गया मेकर्स की तरफ से फिर कोई एग्जैक्ट अमाउंट को पता नहीं चला कि इतनी बड़ी फिल्म को कितने यानी कि नंबर ऑफ डिजिट के साथ इस को बेचा गया इस को ओटीटी राइट्स या फिर डिजिटल राइट्स की अगर बात करें तो डेफ़िनेटली इससे रिलेटेड भी अपडेट आएगी तो इसकी भी अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगा आपको हमारी चैनल पर और बात करें इस फिल्म की एडवांस बुकिंग की तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग आज चौदह अक्टूबर है यानी कि रिलीज होने में फिल्म को पाँचें दिन बचे हैं तो अभी भी मतलब एडवांस बुकिंग की बात करें तो अभी तक पूरी तरह से एडवांस बुकिंग इस फिल्म को मतलब ओपन नहीं किया गया बट कुछ सेलेक्टेड जगहों के अंदर स्पेसिफिक जगहों के अंदर यहाँ पर इस फिल्म की एडवा एडवांस बुकिंग को स्टार्ट किया गया लाइक like यूएसए के अंदर भी ऑलरेडी स्टार्ट करवा दी गई थी और इसके साथ यानी कि ओवरसीज़ के मार्केट के अंदर इसमें को एडवांस बुकिंग ओपन कर दिया गया बाकी इंडिया की अगर कर बात करें तो हालांकि चेन्नई स्टेट के अंदर कुछ ऐसे जो सिलेक्टेड थिएटर्स हैं उनके अंदर आपको एडवांस बुकिंग का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलती है तो यानी कि मतलब यानी कि ये कंफर्म है कि कुछ कुछ जगहों के अंदर इस फिल्म के एडवांस बुकिंग पूरी तरह से मेकर्स ने यहाँ पर ओपन कर दिया गया बट मे बी मुझे लगता है कि इसी वीक पर इस फिल्म की यानी कि एडवांस बुकिंग को यहाँ पर पूरी तरह से ओपन कर दिया जाएगा यानी कि रिलीज़ होने में अभी पाँच ही दिन है तो लगभग दो या तीन दिन पहले तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को स्टार्ट करवा देंगे या फिर मे भी हो सकता है कि आज डेट एडवांस बुकिंग से रिलेटेड कोई अपडेट वगैरह आ जाए तो देखते क्या होता है तो अगर अपडेट वगैरह आएगी तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा कि रिलीज़ होगी जब ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ही आपको इस फिल्म के ऊपर और, और एक वीडियो मिलेगी उसके ऊपर आप आपको प्रॉपर रिव्यू भी मिल जाएगा कि फिल्म कैसा है और फिल्म के कंटेंट और फिल्म का क्या पोटेंशियल है तो आपको फिल्म रिलीज़ होने पर ही पता चलेगा और मैं भी देख लूँगा और आप भी देख लेंगे जो कि उस दिन रिलीज़ हो ही जाएगी बाकी यहाँ पर सोर्स की अगर बात करें तो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि केरला के अंदर इस फिल्म को यानी कि चार बजे के यानी कि ये सो मिलने वाले हैं तो देखते हैं क्या होता है ये मतलब पूरी तरह से कन्फर्म नहीं बट रूमर्स काफ़ी तक रहा है कि इसमें को केरला के अंदर के सुबह चार बजे तक का मतलब सोए पर मिलने वाला है और उसी सोस के साथ मतलब चलाया जाएगा बाकी तमिलनाडु की अगर बात करें तो या पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इसमें को नौ यानी कि नौ बजे के आई थिंक नौ बजे ही मतलब पहला शो मतलब लग सकती है ए पर तमिलनाडु के अंदर तो देखते देख हैं क्या होता है बाकी हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी की भी एडवांस बुकिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस फिल्म को हिंदी में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही करिए गोलमेंट टेलीफ़िल्म सो होप शो करता हूँ कि यहाँ पर गोलमेंट के द्वारा अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन करे और अच्छे अच्छे स्क्रिन्स मिले बाकी मैं तो चाहूँगा कि अच्छे स्क्रिन्स मिले और बिकॉज इस फिल्म का हाइप काफ़ी कमाल लेवल का है और डेफिनेटली बढ़ सकने के मेरी माने तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इस फिल्म को देखने के लिए मैं तो फर्स्ट डे शो देखने वाला हूँ इस फिल्म को बाकी अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है तो डेफ़िनेटली इसके बारे में बता सकते हो और आप इस फिल्म को कैसे देखना चाहोगे थिएटर्स में विजिट करके या फिर फर्स्ट डे देखने वाले या फिर ओ के लिए वेट करोगे या फिर यूट्यूब या फिर सेटेलाइट चैनल पर देखना पसंद करोगे तो इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो इसके साथ ही अगर आपको इस फिल्म का टीज़र और फिल्म का ट्रेलर आपको कैसा लगा था उसके ऊपर अगर बात करना चाहते हो या कुछ अपना ओपिनियन बताना चाहते हो तो बता सकते हो आप हमारे चैनल पर जाकर कम्युनिटी सेक्शन में जाकर किसी भी एक पोस्ट पर इसके बारे में जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो तो चलिए काफ़ी सारे डिटेलिंग मिल चुकी है आपको एडवांसिंग से रिलेटेड रिलीज डेट से रिलेटेड ओ से रिलेटेड यूट्यूब से रिलेटेड भी आपको मिल चुकी है यानी कि ऑलमोस्ट सभी जानकारी मिल चुकी है तो चलिए आप बात करते हैं इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं प्री प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं तो आप इन सभी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी और इसी वीडियो में आपको आगे चल के इस फिल्म के एक कॉन्सेप्ट फिल्म की स्नोपस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह की प्लॉट को उठा कर या पर आपको ये कहानी देखने को मिलती है और बाकी ये भी रूमर्स था कि एक फिल्म हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है बाकी मेकर्स के द्वारा इस चीज़ को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया बट रूमर तगरा कि एक फिल्म रीमेक है बाकी देखते हैं उन्नीस अक्टूबर को ही पता चलेगी तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं फिल्म की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया था मास्टर को सक्सेस को देखते हुए जो कि अर्ली साल सौ में किया गया था और साथ ही ये रिपोर्ट निकल कर आया था इस्पेसलीकेश कंगराज के द्वारा कि तलब विजय को एक और नए स्क्रिप्ट को पर निरेट किया गया है लुकेस के द्वारा और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर तलापति विजय के द्वारा उनको प्रोजेक्ट और निरेशन और स्क्रिप्टिंग फिल्म का काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद भी आया हुआ था बिकॉज फिल्म की कहानी के अंदर पोटेंशियल था जो कि रूमर्स था जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड बिहाइंड द स्टोरी क्या था मैं वो आप सभी को बता रहा हूँ और इसके साथ ही सपोज करके यहाँ पर तलापति विजय की यहाँ पर सिक्सटी फिल्म पर यहाँ पर किया गया था और साथ ही यहाँ पर बात करें फिल्म की वारसी की ऑलरेडी यानी कि बेस्ट फिल्म के साथ यहाँ पर वारसी पर काम किए थे और ऑलरेडी मतलब प्लान रखे हुए

इस चीज़ को कंफर्म होने में मतलब तो काफ़ी मतलब तो टाइम लग गए थे इसके साथ ही लोकेश के द्वारा एक चीज़ को ऑलरेडी कंफर्म किया गया था कि डायरेक्ट यानी कि ताला बटी विजय की फिल्म यानी कि सिक्सटी सेवन की फिल्म को डायरेक्ट की जाएगी और मई साल दो हज़ार मई में इस चीज़ को कंफर्म किया था और इंटीवियो टाइगर रखाया था तालाबी सिक्सटी सेवन और जिसको कि प्रोजेक्ट किया था जिसको कि इस फाउंडेशन यहाँ पर एज ए प्रोड्यूसर की बात करे थे एस एस ललित कुमार जो कि सेवन स्क्रीन स्टूडियो के ओनर्स हैं जिसके के अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन एज अ को प्रोड्यूसर के तौर पर यहाँ पर मास्टर को यहाँ पर किया गया था और साथ ही विजय मैनेजर जगदीश को भी एज़ अ को प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म में रखा गया था और इस जिसको इस फिल्म को पब्लिकली की अनाउंसमेंट किया गया था तीस जनवरी साल में और जिसको कि कंफर्म किया था कि एज ए प्रोजेक्ट ऑफ ऑफिस जो टाइटल था उसको लियो रखा गया था जिसको कि रिविल किया गया था तीन फरवरी साल दो तेईस में साथ ही फिल्म की विंगनिंग बजट की अगर बात करें तो ऑलरेडी मेकर्स ने डिसाइड किया गया था और ऑलरेडी मेकर्स का प्लान था कि इस फिल्म को दो सौ से लेकर तीन 300 तक यानी कि इस फिल्म का बजट जा सकता है जो कि मेकर्स ने ऑलरेडी रिवील भी किया गया था और बाद में जो इस फिल्म का बजट था अराउंड 120 करोड़ होने वाली थी बट फिल्म की शूटिंग्स के दौरान और यहाँ पर उसी के दौरान यहाँ पर डिस्कस किया गया था इस फिल्म को कि बड़े स्केल पर बनाते हैं बिकॉज यहाँ पर बात करें इस फिल्म की तो तलापते विजय चाहते थे कि इस फिल्म को तमिल में ही रिलीज करना चाहते थे बट प्रोड्यूसर के कहने के दौरान यह सब चीज़ें हुआ था जो कि इस फिल्म को हिंदी में ला रहे बट ये फिल्म पहले तमिल में ही बनने वाली थी और तमिल मतलब फ्लेवर रखे गए थे जब पैन इंडिया अनाउंसमेंट किया गया था तो इसके चलते यहाँ पर स्क्रिप्ट पर मतलब काफ़ी हद तक चेंजेस भी किए गए थे कहानी के अंदर फिल्म की प्रोडक्शन की तो यहाँ पर तलापति विजय के द्वारा जो ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि उनको इस फिल्म को करने के लिए 120 करोड़ मिले हैं इसके साथ ही यहाँ पर इस फिल्म को यानी कि रेवेन्यू शेयर पर यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ था कि इस फिल्म के प्रोडक्शन पर यहाँ पर की जाएगी और जो भी अर्निंग होगी तो यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग के तौर पर यहाँ पर इस फिल्म के मेकर्स मतलब प्रोडक्शन हाउसेस को मिलेंगे बाकी देखते या बाकी देखते हैं कि ये खबर सच है या फिर झूठ है इसके साथ ही लोग की अगर बात करें तो ये ऑलरेडी कंफर्म किया गया था अगले सालों तेज़ में कि ये फिल्म होने वाली है लोकेस से यूनिवर्स की और ये एक फ़िल्म होगी और साथ ही इस चीज़ को यहाँ पर बात करें डायरेक्टर के, के द्वारा तो अभी भी कंफर्म नहीं किया गया उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं कहा कहा कि ये यानी कि एल से कनेक्टेड है या फिर नहीं यानी कि डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स के द्वारा चीज़ को अभी भी खुलासा नहीं किया है बट रूमर्स काफ़ी तगड़ी है और रूमर्स अगर तगड़ी होती तो आप सभी को पता कि वो यानी कि सच ही होती है बाकी फिल्म तो रिलीज़ हो रही है उन्नीस अक्टूबर को उसके बाद तो सबको पता चल जाएगा बाकी यहाँ पर ये भी बीच में सुनने को मिली है कि यहाँ पर इस फिल्म के अंदर जो कोबरा कैरेक्टर यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस की जाएगी उसमें यहाँ पर प्ले करने वाले हैं रामचरण तो उसका भी आपको इस फिल्म में कैम एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी रूमर्स तो काफ़ी मतलब काफ़ी मतलब रूमर्स काफ़ी मतलब क्लेम कर रहे हैं कि वाकई इस फिल्म का है और इवन फिल में पोस्टर वगैरह को भी यहाँ पर रिवील भी किया हुआ है बाकी देखते हैं कि क्या होता है फिल्म तो रिलीज होगी उसके बाद तो पता चल जाएगा बाकी इस फिल्म की बात करिए प्री प्रोडक्शन की तो मुझे क्या जो प्री प्रोडक्शन नियरली सिक्स मंथ तक किया गया था लाइक राइटिंग और फिल्म की प्री प्रोडक्शन को किया हुआ था और राइटिंग के साथ साथ यहाँ पर लोकेश कंग्रास ने यहाँ पर रत्ना कुमार को भी यहाँ पर रखा हुआ था एज ए को राइटर के तौर पर और साथ ही इस फिल्म के अंदर जो को डायरेक्शन की बात करें तो धीनज वदली को भी रखा गया इस फिल्म में लोकेश कैमराज ने कहा था कि कम्पलीटली अनलाइक मास्टर जो कि कंसिडर किए थे फिफ्टी परसेंट भी जाए फिफ्टी परसेंट उनका यहाँ पर इस फिल्म होने वाली है जहाँ पर इस फिल्म का मुहूर्त पूजा यहाँ पर पाँच दिसंबर दो में रखा था और इस फिल्म की जो पूजा रखा गया था इस चेन्नई के अंदर यानी कि एम स्टूडियो के अंदर जो चेन्नई में रखा गया था और साथ ही सात दिसंबर को दिया फिल्म की प्रमोशन वीडियो भी जारी किया गया था मीट जनवरी सालों और तीस को यानी कि मनोज यानी कि फिल्म के जो सिनेमाटोग्राफर उसको अनाउंसमेंट किया गया था और यहाँ पर लोकेश कंगराज या फिर सिनेमाटोग्राफर यानी कि मनोज की आपको यहाँ पर इस फिल्म से फर्स्ट कोलेबरेशन आपको इस फिल्म यानी कि इस फिल्म से देखने को मिलने जा रही है और यहाँ पर बात करें तलपति विजय के साथ तो मनोज ऑलरेडी तलपति विजय के साथ काम कर चुके हैं जो कि नम्बेन बीस्ट और अनुरुद्ध के साथ भी देखने को मिली है और अनुरुद्ध की अगर बात करें उनके थर्ड कोलेब्रेशन आपको देखने को मिलती है और इसके साथ ही यहाँ पर लोकेश कंगराज की जो टेक्नीशियंस हैं उनके द्वारा भी रिटेन भी किया हुआ है जो कि फ़िलिपिन जो कि मूवी के एडिटर है उनके द्वारा एज अ टेक्नीशियन टीम के द्वारा लोकेश कंगराज के साथ री का वर्क मतलब री यूनियन किया हुआ जो कि ऑलरेडी उनकी काफ़ी सारी फिल्मों के अंदर काम कर चुके हैं एज़ डायरेक्टर और टेक्नीस की अगर बात करें तो फिल्म की अगर बात करें शोन की दिनेश कुमार एज ए डांसर सिनेमेटिक कोरोोग्राफर है इस फिल्म से एंड सतीश कुमार आपको इस फिल्म में प्रवीण राजा के रोल में नजर आएंगे और साथ ही कस्टम डिज़ाइन के लिए यहाँ पर विजय के साथ साथ यहाँ पर रेगुलर कस्टम डिज़ाइनर पल्लवी सिंह को यहाँ पर हायर किया गया था बाकी खुँ, प्रोडक्शन डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा जो कि आपको ट्रेलर लेवल पर ही देखने को मिलती है और फिल्म की कास्टिंग से रिलेटेड अगर कर बात करें तो तलबी विजय इस फिल्म के लिए यानी कि इस फिल्म की हेयर स्टाइल उनकी कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी सारे ऐसे जो लुक्स थे मतलब रेडी किए गए थे लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंट लुक ट्राई करने पर यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे जगह लुक यानी कि लुक ट्राई करने पर ही मतलब फाइनलाइज किया गया था लुक पर और इसके साथ ही कृष्ण त्रिशा कृष्णन को एज अ फीमेल लीड हीरोइन के लिए इस फिल्म को उनको कास्ट किया था इस फिल्म में जैसे कि ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है तैयती विजय और त्रिषा कृष्ण की फिल्म जो कि गिल्ली चार दो हज़ार चार में आई थी थ्री पंच जो कि साल और पाँच में आई थी अथी यानी कि आपको तैलपति विजय और त्रिषा कृष्ण की बात करते उनकी आपको काफ़ी सारे फिल्मों के अंदर उनकी आपको जरूरी देखने को मिली है संजय दत्त की अगर बात करें तो आपको इस फिल्म में मेन एंटेनस्ट यानी कि मेन विलन के रोल में नजर आएंगे और यहाँ पर संजय दत्त की पहली तमिल डेब्यू फिल्म होने वाली है इस फिल्म से और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि संजय दत्त को के जी एफ टू यानी कि के, के जी एफ चैप्टर टू से उनको काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आई उनकी कैरेक्टर खासकर बिलन के कैरेक्टर को लोगों को पसंद आई है तो इस फिल्म में अब भी आपको इसका मेन मतलब बिलन के रोल में आपको नजर आएंगे इस फिल्म में इसके साथ ही यहाँ पर बात करें दोस्तों वॉनलाइन डरेट किया गया था प्रयानंद को ऑलरेडी उनका भी आपको इस फिल्म में इम्पॉर्टेंट रोल्स है अर्जुन सारजा को भी कास्ट किया गया है जो कि उसका डिफरेंट मतलब उनका फ्रेश एंड डिफरेंट आपको लुक के अलावा उनके आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि उन्होंने एक को कहा हुआ था और स्पेशली वो जो कैरेक्टर है यहाँ पर जस्टिफाई करती है एक्शन किंग शारजा को ही इसके साथ ही सीन जैनी मास्टर गौतम और सिद्दिबैन मंसूर जो कि परमिनेंट रोल्स के लिए यहाँ पर कास्ट किया था थामस मैथ्यू जो कि उनकी भी पहली डेब्यू फिल्म तमिल डेब्यू फिल्म होने जा रही है इस फिल्म से इसके साथ ही मूवी की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो लेट जनवरी साल तेईस को मनोबला के एंड के द्वारा और जेनी के द्वारा इस फिल्म के प्रोडक्शन को ज्वाइन किया जाता है था और साथ ही परमानेंटली शूटिंग भी स्टार्ट किया गया था और साथ ही फिल्मिंग प्लेसेस की अगर बात करें तो इस फिल्म की जो फिल्मिंग प्लेसेस थी अब फिल्म की जो प्रंसिपल फोटोग्राफी को, को बिगेन किया था फर्स्ट शेड्यूल जो रखा गया था दो जनवरी साल तेईस में एवीन फिल्म सिटी में जो कि चेन्नई में है माइनर पोशन की अगर बात करें तो उसको यहाँ पर कोडिग्राम में किया गया था जनवरी साल हज़ार बीस में उनमिस्किन के द्वारा सम पोशंस को यहाँ पर सूट भी किए गए थे लाइक कश्मीर के अंदर इसके साथ ही शूटिंग की अगर कर बात करें तो मोस्ट ऑफ द इस फिल्म की शूटिंग यहाँ पर किया गया है दोस्तों यहाँ पर कश्मीर के अंदर किया है कश्मीर के अंदर मोहाली में मतलब शूटिंग किया गया जो कि आपको देखने को आपको फिल्म में मिल जाएगी और अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पर शूट किया गया और साथ ही मनोज की अगर बात करें तो मनोज पार्स द्वारा इस फिल्म कहने की यानी कि एक आई सर्टिफाइड रेड वीट एट कैमरा भी से शूट किया गया इस फिल्म को जो कि पहली तमिल फिल्म होने वाली जो इस कैमरे के साथ शूट की जा रही है जो कि शूट किया गया है ग्यारह मौस साल और तेईस के द्वारा फिल्म किया गया था जो संध का पोषण था उसको कश्मीर शेड्यूल के अंदर देखने को मिली है जो कि प्रमोशन वीडियो के अंदर आपको देखने को मिली थी इसके अलावा फिल्म की बात करें जो फिल्मिंग वर्ड्स हाफट कम्प्लीटेड ऑन ट्वेंटी मार्च ड्यू टू तो माइनर अर्थ के, के द्वारा लोकेशन में कुछ माइनर चेंजेस किए गए थे जहाँ पर उसमें एक्शन सिक्वेंसेज थे और उसको क्रिएट करने के लिए अराउंड टेन करोड़ का कंस्ट्रक्शन किया गया था जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्रिएट में मतलब लगा हुआ था बी का जो फाइव सिक्वेंसेस थे उसको सिंपल एंड रखा गया था जहाँ पर आपको ये भी सुनने को मिले थे उस सूट के अंदर जो ट्वेंटी डिग्री के अलावा जो टम्परेचर था वापस उसके शूट किया गया था उसमें और फिल्म के जो शेड्यूल्स के अगर तो के करें तो नोम चेन्नई के अंदर रखा गया था जो कि आपको अलग अलग शूटिंग शेड्यूल्स के अंदर ये सब चीज़ें कंप्लीट विक किया गया था और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म के टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आए थे कि इसकी जो पोस्ट प्रोडक्शन है लोकेश कंग्रस के, के द्वारा मतलब उन्होंने प्रामिस किया था कि सी जो है वो आपको टॉप लेवल के आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी जो कि हमें ट्रेलर लेवल पर देखने को मिल रही है इसके साथ ही दोस्तों इस फिल्म की बात करें गाने की तो टोटल आपको तीन गाने आपको सुनने टोटल चार गाने हैं जो कि कल या फिर आज के दिन एक और एक गाना ड्रॉप किया गया है तो गाने को सुनना चाहते हो तो सभी गाने यानी कि सभी भाषाओं की अवेलेबल लाइक तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम हिंदी में अवेलेबल है तो गाने वगैरह को सुनना चाहते हो सुन सकते हो और आप सभी को पता कि थ्रेटिकल राइट्स ऑफ फिल्म का जो रिलीज़ डेट है ऑलरेडी आप सभी को पता है कि ये फिल्म कब आ रही कब रिलीज़ हो रही है और आई थिंक इस फिल्म के डिजिटल राइट्स और सेटेलाइट राइट्स के ऊपर भी बात कर चुका हूँ और इसके साथ अगर बात कर दोस्तों, इस फिल्म की कहानी की या फिर फिल्म के प्लॉट के ऊपर बात करते कि इस फिल्म को किस तरह की कहानी और प्लॉट के ऊपर या फिर लिखा गया है तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों पार्थी एक चालक व्यवसायी है जिससे गैंगस्टर एंटनी और हैरल दास द्वारा निशाना बनाया जाता है क्योंकि उन्हें संदेह है कि वह उनका छोटा भाई लियोदास है तो ये कहानी है बाकी ये भी आपको एक डायलॉग में ये भी सुनने को मिलेगी अगर मैं उनकी तरह देखता हूँ तो इसमें मेरी क्या कसूर तो ये था आपको पूरी कहानी और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि तलापति बिजा के इस फिल्म में यानी कि डबल रोल है बाकी देखते कि डबल रोल है या फिर सिंगल रोल है वो तो फिल्म में भी पता चलेगी बाकी आपको डबिंग की अगर बात करें तो इस फिल्म का हिंदी डबिंग आपको कैसी लगी उसके बारे में अगर बताना चाहो तो बात यानी कि बता सकते हो एंड मुझे पर्सनली अगर बात करें तलापति बिजा के जिन्होंने मतलब आप वॉइस आवाज़ दिया है जो कि आप सभी को पता कि गोविंद नायक के हैं उनके द्वारा

और स्क्रीन प्ले डायलॉग्स ये सभी चीजें आपको लोकेश की आपको देखने को मिलेगी लेकिन इस स्टोरी के अंदर आपको, आपको लोकेश कनक राज के अलावा रत्न कुमार एंड वीरत वेदिकी भी आपको देखने को को फिल्म फिल्म की राइटिंग और साथ ही में इस प्रोड्यूस किया सो ललित कुमार एंड जगदीश पलस्वामी ने फिल्म में आपको लीड रोल में नजर आएंगे तलपति बिजय संजय दत्त त्रिशा एंड अर्जुन सारजा और इस फिल्म में आपको सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेगी मनोज परामर्श की और साथ में इस फिल्म को एडिट किया दोस्तों फिलिपन राज ने इसके अलावा

अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस फिल्म को और फिल्म के रिलीज डेट की अगर बात करें तो दोस्तों फिल्म को रिलीज की जाएगी उन्नीस अक्टूबर को उन्नीस अक्टूबर को आप इस फिल्म को देख सकते हो सिनेमा घरों में और इस फिल्म को सिनेमा घरों में दोस्तों तेलुगु तमिल के अलावा आप इस फिल्म को हिंदी में भी देख सकते हो जो की हिंदी बैनर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस फिल्म को हिंदी में प्रोड्यूस कर रहे या फिर हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी गोल्डमैन टेलीफिल्म के द्वारा जो की इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर आप सभी को गोल्डमैंड के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल चुकी है है जो कि आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बट अभी तक जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी ट्रेलर को नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आप इस फिल्म को ट्रेलर को जाकर देख सकते हो गोल्ड माइंड के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है साथ ही दोस्तों की अगर बात करें बजट की तो दोस्तों को दो से लेकर तीन सौ के बजट के साथ इस को बनाया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म को दोस्तों पैन इंडिया लेवल पर रिलीज की जाएगी जो की आपको काफी सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर देखने को मिलेगी जो की आपको डायरेक्टली सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी और जो जिसको रिलीज की जाएगी 19 अक्टूबर को और आप इस फिल्म को देख सकते हो थिएटर्स में और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की कास्ट लिस्ट की तो आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे तलपति विजय त्रिशा सरजा अर्जुन गौतम मंसूर अली खान प्रिया आनंद मैथ्यू थॉमस थी मास्टर बबू एंथनी मनोबला जॉर्ज मरियन एंड अभिमिनी जफर सिद्दीक इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी जैनी वनीता माया एस सनी डैंड स्मिथ मनोजा अनुराग केशव इसके साथ ही आपको

स आपको इस फिल्म में हेरोल्ड दास के रोल नजर आएंगे गौतम गौतम सर आपको इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही मंसूर अली खान प्रिया आनंद यानी कि इनके कैरेक्टर अभी कन्फर्म नहीं हुआ बट आपको फिल्म रिलीज होने पर तो आपको पता चली जाएगी इसके अलावा आपको यहाँ पर मैथ्यू थॉमस का जो कैरेक्टर प्ले किया पार्थिश के रोल में नजर आएंगे जैनी मास्टर बाबू एंटनी मोनोबला एंड जॉर्ज मरियान और यहाँ पर बात करे जफर सिद्दीक और इवाल का कैरेक्टर कदम हो चुका है जो की पार्थि का डॉटर का रोल प्ले कर रहे हैं इसके साथ जैनी मेनन माया मिस ऑन या शांति मायदन मायादन के साथ ही बात करें तो कुछ ही ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं का ही मतलब कंफर्म हुआ कि इस फिल्म के अंदर ये ये किरदार यहाँ पर फिल्म में है बाकी ऑलमोस्ट सभी का ऑलमोस्ट बाकी है बाकी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स या फिर बात करें एक्टर्स की कैरेक्टर का मतलब अभी भी कन्फर्म नहीं हुआ बट फिल्म रिलीज होने पर डेफिनेटली कन्फर्म हो जाएगी और आपको तो पता चली जाएगी की कौन सा एक्टर किस रोल में है जो की फिल्म रिलीज हो रही है उन्नीस अक्टूबर को तो उन्नीस अक्टूबर को तो आप सभी को पता चल जाएगा अगर आपको पता नहीं भी होता है तो डेफिनेटली जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन आप पर आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी इसके अलावा अगर बात करें के ऊपर बात करते। उससे पहले फिल्म की रिलीज के रिलीज डेट ऊपर बात करना चाहूंगा की रिलीज डेट के ऊपर ऑलरेडी तो बात कर चुका हूँ फिर से इसके ऊपर डिटेलिंग देना चाहूंगा बिकॉज आपसे भी अगर नहीं भी सुने तो फिर से सुन लीजिएगा तो जी सो एक पैन इंडिया फिल्म है और ये फिल्म रिलीज होने जा रही है 19 अक्टूबर को 19 अक्टूबर को आप इस फिल्म को देख सकती है और ये फिल्म दोस्तों

मिलेगी बाकी ये देखने में इंटरेस्टिंग होगी कि नेटफ्लिक्स के पास क्या इसमें तमिल वर्जन की, की राइट्स है या फिर या फिर हिंदी भाषा की राइट्स नेटफ्लिक्स के डिजिटल ऑडिट राइट्स उन्हीं के पास है कि नहीं तो डेफ़िनेटली अभी तो फिलहाल कंफर्म नहीं है बट आने वाले दिनों में अगर कंफर्म होती है या फिर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो डेफ़िनेटली इसकी भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पर तो दोस्तों अपडेट वगैरह को मिस नहीं करना चाहती हूँ अपडेटेड रहना चाहती हूँ तो डेफ़िनेटली कहूँगा कि आपसे अभी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको भी ऑन कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की तमिल वर्ज़न की सैटेलाइट राइट्स की या फिर बात करें डिजिटल राइट्स की तो डिजिटल राइट्स तो ऑलरेडी आपको पता है कि नेटफ्लिक्स के पास या फिर बात करें सैटेलाइट राइट्स की तमिल वर्ज़न की तो जो आप सन टी ने ख़रीदा है तो इस फिल्म को जैसे तमिल वर्ज़न में रिलीज़ की जाएगी तमिल भाषा में जब भी इस फिल्म को टीवी पर अगर रिलीज़ की जाएगी तो सन टीवी के हिट सैटेलाइट टीवी चैनल पर इस फिल्म कर आपको तमिल वर्जन का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी बाकी इस फिल्म की डिजिटल राइट्स और सेटेलाइट जो राइट्स है कितनी में मतलब बेचा गया है इससे रिलेटेड कोई अमाउंट वगैरह रिवील नहीं किया गया मेकर्स की तरफ से फिर कोई एग्जैक्ट अमाउंट को पता नहीं चला कि इतनी बड़ी फिल्म को कितनी यानी कि नंबर ऑफ डिजिट के साथ इस फिल्म को बेचा गया इस बिल की ओ राइट्स या फिर डिजिटल राइट्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड भी अपडेट आएगी तो इसकी भी अपडेट आपको यहाँ आप पर सबसे पहले मिल जाएगी आपको हमारी चैनल पर और बात करिए इस फिल्म की एडवांस बुकिंग की तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग आज 14 अक्टूबर है यानी कि रिलीज़ होने में फिल्म को पाँचे दिन बचे हैं तो अभी भी मतलब एडवांस बुकिंग की बात करें तो अभी तक पूरी तरह से एडवांस बुकिंग इस फिल्म को मतलब ओपन नहीं किया गया बट कुछ सेलेक्टेड जगहों के अंदर स्पेसिफिक जगहों के अंदर यहाँ पर इस फिल्म की एडवा एडवांस बुकिंग को स्टार्ट किया गया लाइक यू के अंदर भी ऑलरेडी स्टार्ट करवा दी गई थी और इसके साथ यानी कि ओवरसीज के मार्केट के अंदर इस फिल्म को एडवांस बुकिंग ओपन कर दिया गया बाकी इंडिया की अगर बात करें तो हालांकि चेन्नई स्टेट के अंदर कुछ ऐसे जो सिलेक्टेड थिएटर्स हैं उनके अंदर आपको एडवांस बुकिंग का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलती है तो यानी कि मतलब यानी कि ये कंफर्म है कि कुछ कुछ जगहों के अंदर इस फिल्म के एडवांस बुकिंग पूरी तरह से मेकर्स ने यहाँ पर ओपन कर दिया गया बट मे बी मुझे लगता है कि इसी वीक पर इस फिल्म की यानी कि एडवांस बुकिंग को यहाँ पर पूरी तरह से ओपन कर दिया जाएगा यानी कि रिलीज़ होने में अभी पाँच ही दिन है तो लगभग दो या तीन दिन पहले तो इस फिल्म के एडवांस बुकिंग को स्टार्ट करवा देंगे या फिर मे भी हो सकता है कि आज डेट एडवांस बुकिंग से रिलेटेड कोई अपडेट वगैरह आ जाए तो देखते क्या होता है तो अगर अपडेट वगैरह आएगी तो डेफिनेटली मैं सोचूँगा कि रिलीज़ होगी जब ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ही आपको इस फिल्म के ऊपर और, और एक वीडियो मिलेगी उसके ऊपर आप आपको प्रॉपर रिव्यू भी मिल जाएगा कि फिल्म कैसा है और फिल्म के कंटेंट और फिल्म का क्या पोटेंशियल है तो आपको फिल्म रिलीज़ होने पर ही पता चलेगा और मैं भी देख लूँगा और आप भी देख लेंगे जो कि उस दिन रिलीज़ हो ही जाएगी बाकी यहाँ पर सोर्स की अगर बात करें तो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि केरला के अंदर इस फिल्म को यानी कि चार बजे के यानी कि ये सो मिलने वाले हैं तो देखते हैं क्या होता है ये मतलब पूरी तरह से कन्फर्म नहीं बट रूमर्स काफ़ी तक रहा है कि इसमें को केरला के अंदर के सुबह चार बजे तक का मतलब शो पर मिलने वाला है और उसी सोच के साथ मतलब चलाया जाएगा बाकी तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इसमें को नौ यानी कि नौ बजे के आई थिंक नौ बजे ही मतलब पहला शो मतलब लग सकती है यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर तो देखते देख हैं क्या होता है बाकी हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी की भी एडवांस बुकिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस फिल्म को हिंदी में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही करिए गोलमेंट टेलीफ़िल्म सो so, होप सो so करता हूँ कि यहाँ पर गोलमेंट के द्वारा अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन करे और अच्छे अच्छे स्क्रीन्स मिले बाकी मैं तो चाहूँगा कि अच्छे स्क्रीन्स मिले और बिकॉज इस फिल्म का हाइप काफ़ी कमाल लेवल का है और डेफिनेटली बढ़ सकने के मेरी माने तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए मैं तो फर्स्ट डे शो देखने वाला हूँ इस फिल्म को बाकी अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है तो डेफ़िनेटली इसके बारे में बता सकते हो और आप इस फिल्म को कैसे देखना चाहोगे थिएटर्स में विजिट करके या फिर फर्स्ट डे दे देखने वाले या फिर ओ के लिए वेट करोगे या फिर यूट्यूब या फिर सेटेलाइट चैनल पर देखना पसंद करोगे तो इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो इसके साथ ही अगर आपको इस फिल्म का टीज़र और फिल्म का ट्रेलर आपको कैसा लगा था उसके ऊपर अगर बात करना चाहते हो या कुछ अपना ओपिनियन बताना चाहते हो तो बता सकते हो आप हमारे चैनल पर जाकर कम्युनिटी सेक्शन में जाकर किसी भी एक पोस्ट पर इसके में जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो तो चलिए काफ़ी सारे डिटेलिंग मिल चुके है आपको एडवांस से रिलेटेड रिलीज डेट से रिलेटेड ओ से रिलेटेड यूट्यूब से रिलेटेड भी आपको मिल चुकी है यानी कि ऑलमोस्ट सभी जानकारी मिल चुकी है तो चलिए आप बात करते हैं इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं प्री प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं तो आप इन सभी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी और इसी वीडियो में आपको आगे चल कर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट फिल्म की स्नोपसिस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह की प्लॉट को उठा कर या पर आपको ये कहानी देखने को मिलती है और बाकी ये भी रूमर्स था कि एक फिल्म हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है बाकी मेकर्स के द्वारा इस चीज़ को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया बट रूमर तगरा कि एक फिल्म रीमेक है बाकी देखते हैं उन्नीस अक्टूबर को ही पता चलेगी तो चलिए बात, बात करते हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं फिल्म की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया था मास्टर को सक्सेस को देखते हुए जो कि अर्ली साल सौ में किया गया था और साथ ही ये रिपोर्ट निकल कर आया था लोकेश कंगराज के द्वारा कि को एक और नए स्क्रिप्ट को पर निरेट किया गया है लोकेश के द्वारा और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर तलापति विजय के द्वारा उनको प्रोजेक्ट और निरेशन और स्क्रिप्टिंग फिल्म का काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद भी आया हुआ था बिकॉज फिल्म की कहानी के अंदर पोटेंशियल था जो कि रूमर्स था जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड बिहाइंड द स्टोरी क्या था मैं वो आप सभी को बता रहा हूँ और इसके साथ ही सपोज करके यहाँ पर तलापति विजय की यहाँ पर सिक्सटी फिल्म पर यहाँ पर किया गया था और साथ ही यहाँ पर बात करें फिल्म की वारसी की ऑलरेडी यानी कि बेस्ट फिल्म के साथ यहाँ पर पर काम किए थे और ऑलरेडी मतलब प्लान रखे हुए थे कि इस फिल्म को यहाँ पर हम लोग साल और तेईस में ही रिलीज़ करने वाले हैं तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान यहाँ पर शूटिंग्स भी किए गए थे जो कि ऑलरेडी आप सबको बता के वार्स वो फिल्म भी काफ़ी बड़ी सक्सेस रही है और इसके साथ ये भी रिपोर्ट निकल कर आई कि यहाँ पर जो कोलावर्शन देखने को मिलते हैं है बी बीजैन लोकस के भी जो कि फरवरी साल और बाईस में चीज़ को कन्फर्म होते हुए थे मतलब मार्च तक मतलब टाइम लगा लिया गया था और टाइम लग ही गया था फरवरी से लेकर मार्च मतलब इस चीज़ को कंफर्म होने में मतलब तो काफ़ी मतलब तो टाइम लग गए थे इसके साथ ही लोकेश के द्वारा एक चीज़ को ऑलरेडी कंफर्म किया गया था कि डायरेक्ट यानी कि तला बजी विजय की फिल्म यानी कि सिक्सटी सेवन की फिल्म को डायरेक्ट की जाएगी और मई साल दो हज़ार मई में इस चीज़ को कंफर्म किया था और इंटीरियर टाइटल रखा था तलाबटी सिक्सटी सेवन और जिसको कि प्रोजेक्ट किया था जिसको कि इस फाउंडेशन यहाँ पर एज ए प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे एस एस ललित कुमार जो कि सेवन स्क्रीन स्टूडियो के ओनर्स हैं जिसके के अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन एज अ को प्रोड्यूसर के तौर पर यहाँ पर मास्टर को यहाँ पर किया गया था और साथ ही विजय मैनेजर जगदीश को भी एज अ को प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म में रखा गया था और जिसको इस फिल्म को पब्लिकली की अनाउंसमेंट किया गया था तीस जनवरी साल में और जिसको कि कंफर्म किया था कि एज ए प्रोजेक्ट ऑफ ऑफिस जो टाइटल था उसको लियो रखा गया था जिसको कि रिवील किया गया था तीन फरवरी साल सौ तेईस में साथ ही फिल्म की विंगनिंग बजट की अगर बात करें तो ऑलरेडी मेकर्स ने डिसाइड किया गया था और ऑलरेडी मेकर्स का प्लान था कि इस फिल्म को दो सौ से लेकर तीन 300 तक यानी कि इस फिल्म का बजट जा सकता है जो कि मेकर्स ने ऑलरेडी रिवील भी किया गया था और बाद में जो इस फिल्म का बजट था अराउंड 120 करोड़ होने वाली थी बट फिल्म की शूटिंग्स के दौरान और यहाँ पर उसी के दौरान यहाँ पर डिस्कस किया गया था इस फिल्म को कि बड़े स्केल पर बनाते हैं बिकॉज यहाँ पर बात करें इस फिल्म की तो तला विजय चाहते थे कि इस फिल्म को तमिल में ही रिलीज करना चाहते थे बट प्रोड्यूसर के कहने के दौरान ये सब चीज़ें हुआ था जो कि इस फिल्म को हिंदी में ला रहे बट ये फिल्म पहले तमिल में ही बनने वाली थी और तमिल मतलब फ्लेवर रखे गए थे जब पैन इंडिया अनाउंसमेंट किया था तो इसके चलते यहाँ पर स्क्रिप्ट अपर मतलब काफ़ी हद तक चेंजेस भी किए गए थे कहानी के अंदर फिल्म की प्रोडक्शन की तो यहाँ पर विजय के द्वारा जो ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि उनको इस फिल्म को करने के लिए 120 करोड़ मिले हैं इसके साथ ही यहाँ पर इस फिल्म को यानी कि रेवेन्यू शेयर पर यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ था कि इस फिल्म के प्रोडक्शन पर यहाँ पर की जाएगी और जो भी अर्निंग होगी तो यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग के तौर पर यहाँ पर इस फिल्म के मेकर्स मतलब प्रोडक्शन हाउसेस को मिलेंगे बाकी देखते या बाकी देखते हैं कि ये खबर सच है या फिर झूठ है इसके साथ ही लोकेश की बात करें तो ये ऑलरेडी कंफर्म किया गया था आगे सालों तेज़ में कि ये फिल्म होने वाली है सिनेमेटिक यूनिवर्स की और ये एक फ़िल्म होगी और साथ ही इस चीज़ को यहाँ पर बात करें डायरेक्टर के, के द्वारा तो अभी भी कंफर्म नहीं किया गया उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं कहा कहा कि ये यानी कि एल से कनेक्टेड है या फिर नहीं यानी कि डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स के द्वारा चीज़ को अभी भी खुलासा नहीं किया है बट रूमर्स काफ़ी तगड़ी है और रूमर्स अगर तगड़ी होती तो आप सभी को पता कि वो यानी कि सच ही होती है बाकी फिल्म रिलीज़ हो रही है उन्नीस अक्टूबर को उसके बाद तो सबको पता चल जाएगा बाकी यहाँ पर ये भी बीच में सुनने को मिली है कि यहाँ पर इस फिल्म के अंदर जो कोबरा कैरेक्टर यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस की जाएगी उसमें यहाँ पर प्ले करने वाले हैं रामचरण तो उसका भी आपको इस फिल्म में कैम एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी रूमर्स तो काफ़ी मतलब काफ़ी मतलब रूमर्स काफ़ी मतलब क्लेम कर रहे हैं कि वाकई इस फिल्म का है और इवन फिल्म में पोस्टर वगैरह को भी यहाँ पर रिवील भी किया हुआ है बाकी देखते हैं कि क्या होता है फिल्म तो रिलीज होगी उसके बाद तो पता चल जाएगा बाकी इस फिल्म की अगर बात करिए प्री प्रोडक्शन की तो मुझे जो प्री प्रोडक्शन नियरली सिक्स मंथ तक किया गया था लाइक राइटिंग और फिल्म की प्री प्रोडक्शन को किया हुआ था और राइटिंग के साथ साथ यहाँ पर लोकेश कंग्रास ने यहाँ पर रत्ना कुमार को भी यहाँ पर रखा हुआ था एज ए को राइटर के तौर पर और साथ ही इस फिल्म के अंदर जो को डायरेक्शन की बात करें तो धीनज वदली को भी रखा गया इस फिल्म में लोकेश कैमरा ने कहा था कि कंप्लीटली अनलाइक मास्टर जो कि कंसिडर किए थे फिफ्टी परसेंट भी जैन फिफ्टी परसेंट उनका यहाँ पर इस फिल्म होने वाली है जहाँ पर ये इस फिल्म का मुहूर्त पूजा यहाँ पर पाँच दिसंबर दो बाईस में रखा था और इस फिल्म की जो पूजा रखा था इस चेन्नई के अंदर यानी कि एम एम बी स्टूडियो के अंदर जो चेन्नई में रखा गया था और साथ ही सात दिसंबर को दियारा इस फिल्म की प्रमोशन वीडियो भी जारी किया गया था मीट जनवरी सालों और तीस को यानी कि मनोज यानी कि फिल्म के जो सैमेटोग्राफर उसको अनाउंसमेंट किया गया था और यहाँ पर लोकेश कंगराज या फिर सिनेमाटोग्राफी यानी कि मनोज की आपको यहाँ पर इस फिल्म से फर्स्ट कोलाब्रेशन आपको इस फिल्म यानी कि इस फिल्म से देखने को मिलने जा रही है और यहाँ पर बात करिए तलपति विजय के साथ तो मनोज ऑलरेडी तलापति विजय के साथ काम कर चुके हैं जो कि नम्बेन बीस्ट और अनुरुद्ध के साथ भी देखने को मिली है और अनुरुद्ध की अगर बात करें उनके थर्ड कोलाबरेशन आपको देखने को मिलती है और इसके साथ ही यहाँ पर लोकेश कंगराज की जो टेक्नीशियंस हैं उनके द्वारा भी रिटेन भी किया हुआ है जो कि फिलिपिन जो कि मूवी के एडिटर हैं उनके द्वारा एज ए टेक्नीशियन टीम के द्वारा लोकेश कंगराज के साथ री इनका वर्क मतलब रीयूनियन किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी उनकी काफ़ी सारी फिल्मों के अंदर फिल्म काम कर चुके हैं एज़ डायरेक्टर और टेक्नीस की अगर बात करें तो फिल्म की अगर बात करें शोनोडोग्राफी की दिनेश कुमार एज ए डांसर सिनेमेटिक कोरोोग्राफर है इस फिल्म से एंड सतीश कुमार आपको इस फिल्म में परवीन राजा के रोल में नजर आएंगे और साथ ही कस्टम डिज़ाइन के लिए यहाँ पर विजय के साथ साथ यहाँ पर रेगुलर कस्टम डिजाइनर पल्लवी सिंह को यहाँ पर हायर किया गया था बाकी खुँ, प्रोडक्शन डिजाइन तो काफ़ी अच्छा जो कि आपको ट्रेलर लेवल पर ही देखने को मिलती है और फिल्म की कास्टिंग से रिलेटेड अगर कर बात करें तो तलबी विजय इस फिल्म के लिए यानी कि इस फिल्म की हेयर स्टाइल उनकी कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी सारे ऐसे जो लुक्स थे मतलब रेडी किए गए थे लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंट लुक ट्राई करने पर यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे जी सो लुक यानी कि लुक ट्राई करने पर ही मतलब फाइनलाइज किया गया था लुक पर और इसके साथ इस त्रिशना कृष्ण कर, त्रिशा कृष्णन को एज अ फीमेल लीड हीरोइन के लिए इस फिल्म को उनको कास्ट किया था इस फिल्म में जैसे कि ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है तैयति विजय और त्रिषा कृष्ण की फिल्म जो कि गिल्ली चार दो हज़ार चार में आई थी थ्री पंची जो कि साल और पाँच में आई थी अथी यानी कि आपको तैयति विजय और त्रिक कृष्ण की बात करते उनकी आपको काफ़ी सारे फिल्मों के अंदर उनकी आपको जरूरी देखने को मिली है संजय दत्त की अगर बात करें तो आपको इस फिल्म में मेन एंटेगन यानी कि मेन बिलन के रोल में नजर आएंगे और यहाँ पर संजय दत्त की पहली तमिल डेब्यू फिल्म होने वाली है इस फिल्म से और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि संजय दत्त को के जी एफ टू यानी कि के जी एफ चैप्टर टू से उनको काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आई उनकी कैरेक्टर खासकर बिलन के कैरेक्टर को लोगों को पसंद आई है तो इस फिल्म में अब भी आपको इसका मेन मतलब बिलन के रोल में आपको नज़र आएंगे इस फिल्म में इसके साथ ही यहाँ पर बात करें दोस्तों वॉनलाइन डरेट किया गया था प्रिया आनंद को ऑलरेडी उनका भी आपको इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल्स है अर्जुन सारजा को भी कास्ट किया गया है जो कि उसका डिफरेंट मतलब उनका फ्रेश एंड डिफरेंट आपको लुक के अलावा उनकी आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि उन्होंने एक चीज़ को कहा हुआ था और स्पेशली वो जो कैरेक्टर है यहाँ पर जस्टिफाई करती है एक्शन किंग शारजा को ही इसके साथ ही सीन जैनी मास्टर गौतम और बेन अलो मंसूर जो कि परमानेंट रोल्स के लिए यहाँ पर कास्ट किया जाता है थेमस था, मैथ्यू जो कि उनकी भी पहली डेब्यू तमिल डेब्य फिल्म होने जा रही है इस फिल्म से इसके साथ ही मूवी की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो लेट जनवरी साल तेईस को मनोबला के एंड के द्वारा और जेनी के द्वारा इस फिल्म की के प्रोडक्शन को जॉइन किया जाए तो और साथ ही परमानेंटली शूटिंग भी स्टार्ट किया गया था और साथ ही फिल्मिंग प्लेसेस की अगर बात करें तो इस फिल्म, फिल्म की जो फिल्मिंग प्लेसेस थी अब फिल्म की जो प्रंसिपल फोटोग्राफी को बिगन किया था फर्स्ट शेड्यूल जो रखा गया था दो जनवरी साल तेईस में एवीन फिल्म सिटी में जो कि चेन्नई में है माइनर पोशन केयर बात करें तो उसको यहाँ पर कोडीग्राम में किया गया था जनवरी साल हजार बीस में और मिसकिन के द्वारा सम पोर्शंस को यहाँ पर सूट भी किए गए थे लाइक कश्मीर के अंदर इसके साथ ही शूटिंग की अगर कर बात करें तो मोस्ट ऑफ द इस फिल्म की शूटिंग यहाँ पर किया गया दोस्तों यहाँ पर कश्मीर के अंदर किया कश्मीर के अंदर मोहाली में मतलब शूटिंग किया गया जो कि आपको देखने को आपको फिल्म में मिल जाएगी और अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पर शूट किया गया और साथ ही मनोज की अगर बात करें तो मनोज प्रनस ने द्वारा इस फिल्म कहने की एक आई सर्टिफाइड रेड विट एट, एट कैमरा भी से शूट किया गया इस फिल्म को जो कि पहली तमिल फिल्म होने वाली जो इस कैमरे के साथ शूट की जा रही है जो कि शूट किया गया है ग्यारह मार्च साल और तेईस के द्वारा फिल्म किया गया था जो संधि का पोषण था उसको कश्मीर शेड्यूल के अंदर देखने को मिली है जो कि प्रमोशन वीडियो के अंदर आपको देखने को मिली थी इसके अलावा फिल्म की बात करें जो फिल्मिंग वर्ड्स हाफट कंप्लीटेड ऑन ट्वेंटी मार्च ड्यू टू तो माइनर अर्थ के द्वारा लोकेशन में कुछ माइनर चेंजेस किए गए थे जहाँ पर उसमें एक्शन सिक्वेंसेज थे और उसको क्रिएट करने के लिए अराउंड टेन करोड़ का कंस्ट्रक्शन किया गया था जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्रिएट में मतलब लगा हुआ था बीजे का जो फाइव सिक्वेंसेज थे उसको सिंपल एंड रखा गया था जहाँ पर आपको ये भी सुनने को मिले थे उस सूट के अंदर जो ट्वेंटी डिग्री के अलावा जो टम्परेचर था वापस के शूट किया गया था उसमें और फिल्म के जो शेड्यूल्स के अगर बात करें तो नोम चेन्नई के अंदर रखा गया था जो कि आपको अलग अलग शूटिंग शेड्यूल्स के अंदर ये सब चीज़ें कम्प्लीट वीक किया गया था और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म के टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट निकल कर आई थी कि इस फिल्म की जो पोस्ट प्रोडक्शन है लोकेश कंग्रस के, के द्वारा मतलब उन्होंने प्रोमिस किया था कि सी जो है वो आपको टॉप लेवल के आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी जो कि हमें ट्रेलर लेवल पर देखने को मिल रही है इसके साथ ही दोस्तों इस फिल्म की बात करें गाने की तो टोटल आपको तीन गाने आपको सुनने टोटल चार गाने हैं जो कि कल या फिर आज के दिन एक और एक गाना ड्रॉप किया गया है तो गाने को सुनना चाहते हो तो सभी गाने यानी कि सभी भाषाओं के अवेलेबल लाइक तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम हिंदी में अवेलेबल है तो गाने वगैरह को सुनना चाहते हो सुन सकते हो और आप सभी को पता है कि थ्रेटिकल राइट्स ऑफ फिल्म का जो रिलीज़ डेट है ऑलरेडी आप सभी को पता है कि ये फिल्म कब आ रही कब रिलीज़ हो रही है और आई थिंक इस फिल्म के डिजिटल राइट्स और सेटेलाइट राइट्स के ऊपर भी बात कर चुका हूँ और इसके साथ ही बात कर दोस्तों, इस फिल्म की कहानी की या फिर फिल्म के प्लॉट के ऊपर बात करते हैं कि इस फिल्म को किस तरह की कहानी और प्लॉट के ऊपर या फिर लिखा गया है तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों पार्थि एक चालक व्यवसायी है जिससे गैंगस्टर एंटनी और हैरल दास द्वारा निशाना बनाया जाता है क्योंकि उन्हें संदेह है कि वह उनका छोटा भाई लियोदास है तो ये कहानी है बाकी ये भी आपको एक डायलॉग में ये भी सुनने को मिलेगी अगर मैं उनकी तरह दिखता हूँ साथ ही मैं आपको इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलेगी चेतन भरतवाज की इसके साथ इस फिल्म को एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाया जा रिलीज किया गया था चौदह अक्टूबर साल इक्कीस को वन मिनट रन टाइम के साथ तेलुगु भाषा में सिनेमा में जिसके की बजट की अगर बात करें तो अराउंड मुझे तो बजट एग्जैक्ट कितना था बजट इसका तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है बट दो कलेक्शन ऐसे यानी कि दो ऐसे बजट सामने निकल कर आए कि मे भी हो सकता है तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया हो तो एक आर्टिकल पर दिखा रहा है कि 25 करोड़ और एक फॉर अराउंड 40 यानी कि 14 करोड़ के आसपास दिखा रहा है बट आप समझ जाना और कलेक्शन की अगर बात करें तो इस फिल्म ने कलेक्ट जहाँ तक मुझे पता है कि ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तो, तो एक हिसाब से मान सकते हो कि ये फिल्म अपना बजट को रिकवर नहीं कर पाया तो जिसके चलते ये फिल्म फ्लॉप हुआ था बट खैर वो तो अलग बात है बट हालांकि ये फिल्म तेलुगु ऑडियंस फ्लॉप हुआ है तेलुगु ऑडियंस ने इस फिल्म को ना देखा है और ये फिल्म फ्लॉप हुआ है बट हिंदी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए हिंदी ऑडियंस देखने के लिए इस फिल्म को वेट कर रहे दोस्तों ये तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ और उन्हीं में से मैं भी हूँ बिकॉज सर्वानंद की मुझे फिल्म में देखना पसंद है बाकी इस फिल्म के अंदर उनकी अगर बात करें कुछ हट के ट्राई किया हुआ था इस फिल्म के अंदर जो की आपको ट्रेलर अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको इस फिल्म का थीम आपको पता चलेगी जो की एक्शन थ्रिलर पर ज्यादा फोकस करके बनाई है अगर आप सभी सर्वानंदा की फिल्मों को

सकती है इस फिल्म को तो अगर आप लोग उसी हिसाब से देखना चाहते हो एक एक्शन एक लव रोमांटिक ड्रामा के साथ कि आप इस फिल्म में कुछ नया देखने को मिलेगी फिल्म की कहानी कुछ हट के साथ ही लव स्टोरी भी कुछ हट के देखने को मिलती है यूनिक देखने को मिलती है तो उस हिसाब से ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर सकती है बट जनरल ऑडियंस के लिए मस्ट वॉच फिल्म रहेगी ये मेरा मानना

पर ये फिल्म दोस्तों आपको विथ सब के साथ देखने को मिल जाएगी चाहे आप इंग्लिश सबटाइल के साथ देखो या फिर हिंदी सब के साथ देखो नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिल जाएगी इसके साथ अगर बात करें इस फिल्म की ओ राइट्स की या फिर इस फिल्म की बात करें हिंदी डमिंग राइट्स की तो अगर इसके ऊपर बात की जाए तो सबसे पहले बात करें इस फिल्म की डबिंग राइट्स की यानी कि हिंदी डबिंग राइट्स की अगर बात करें तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस फिल्म की हिंदी डबिंग राइट्स यहाँ पर गोलमैंड टेली फ़िल्म के पास है जी हाँ सो आप ने बिल्कुल सही सुना है इस फिल्म की डबिंग राइट्स हिंदी डबिंग राइट्स यहाँ पर गोलमैन के पास है और आप सभी जानते हो कि गोलमैंड की अगर बात करें अगर इस फिल्म की उनके ऊपर राइट्स है तो आप गोलमैट को अच्छी तरह से जानते हैं कि फिल्मों को रिलीज़ करने में वो कितना टाइम लेते हैं कितना लेट करवाता है तो इस हिसाब से आप टाइम मतलब लगा ही सकते हो कि ये फिल्म अगर आप लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको और मतलब और वेट करना होगा हालांकि इस फिल्म के डबिंग से रिलेटेड भी कोई अपडेट वगैरह बीच बीच में नहीं आई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब और टाइम लगेगा आपको इस फिल्म को हिंदी में देखने के लिए पर टाइम दे ही सकते बिकॉज अगर आप इतने कितने देर से वेट कर ही रहे तो और मतलब और थोड़ी दिन सही है उसके बाद देखने को मिल जाएगी बट लेकिन अपडेट आएगी तो अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगी बाकी सब टाइल के साथ ये तो फिल्म आपको देखने को मिल ही रही है तो एक बार देख लेना सब टाइल के साथ बाद में जब हिंदी में आएगी उसके बाद देख ही लेना बट अगर आप लोग हिंदी में भी देखना चाहते हो तो और एक तरीका जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ तो जी हाँ सो अगर आप लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस फिल्म का जो एच वर्जन है वो आपको नेट पर देखने को मिल जाएगी तो अगर आप लोग इंटरनेट इंटरनेट का और इंटरनेट पावर को यूज़ करना जानते हो तो नेट पर आपको देखने को मिल जाएगी बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उस यानी कि हाई क्वालिटी वर्जन को देखें बिकॉज डबिंग वगैरह अन प्रोफेशनल फ़ैन डब के ज़रिए मतलब फ़ैन के द्वारा की जाती है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बट जो लोग अभी देखना चाहते हो तो कंसिडर कर सकते हैं बाकी अगर आप लोग इंटरनेट को पावर को यूज़ करना जानते हो तो देख लेना बाकी वेट करना इस फिल्म के ऑफिशियली डब्ड के लिए और ऑफिशियली यूट्यूब पर प्रीमियर के लिए बाकी तो गोल्ड माइंड के पास है तो ये फिल्म आपको गोल माइंड की यूटूब के अलावा उनके सेटेल चाँद पर देखने को मिलेगी ये तो डेफिनेटली कन्फर्म है बट सवाल ये आती है कि कब आएगी तो इससे रिलेटेड अपडेट आएगी मूवी से रिलेटेड तो अपडेट वगैरह मतलब आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगी जो कि आप सभी को बता चुका हूँ कि आप सभी को बता चुका हूँ कि अपडेट वगैरह को पाने के लिए हमारे चैनल को अपडेट वगैरह को मिस नहीं करना चाहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो चलिए कास्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं तो आपको इस फिल्म में सर्वानंदम सिद्धार्थ अदिति राव जगपति बाबू राव रमेश रामाचंद्र राजू अन नीमा शरणा पूनम हर्षरा चौमंदी ओसा रेड्डी एन आनंद रामाजू नंदा मोरी श्रीनिवास एन प्रभु साथी ही गोपी राजो हिमांशु कैरेक्टर की बात कर ही लेते तो कैरेक्टर सर्वानंद जो कैरेक्टर प्ले करे अर्जुन का साथ ही मैं आपको सिद्धार्थ आपको अजय के करोर मजाएंगी अदिति तो हैदरी आपको इस फिल्म में महालक्ष्मी के रोल नजर आएंगे जगत प्रदीप आपको इस फिल्म में यानी कि चंचू मामा के रोल नजर आएंगे राव रमेश आपको इस फिल्म में गोनू बज्जी के रोल नजर आएंगे इसके साथ ही आपको रामाचंद राजू आपको इस फिल्म में धंदुजय के रोल में नजर आएंगे अन्य इमानल आपको इस फिल्म में सुमिता के रोल नजर आएंगे शरणा पूनम आपको इस फिल्म में अर्जुन का मदर के रोल में नजर आएंगे हर्षा चमंदी आपको इस फिल्म में अर्जुन के फ्रेंड का रोल में नजर आएंगे होसारेडी आपको इस फिल्म पूजा के रोल नजर आएंगे आनंद रामा राजू आपको इस फिल्म में गुब्बारी के रोल नजर

बट बाद में यहाँ पर बलम कुंडा की जगह यहाँ पर सरमानंदम यहाँ पर सिद्धार्थ को कास्ट किया हुआ था और साथ ही ये फिल्म के जो मेकर्स का जो अनाउंसमेंट था और जो मेकर्स का जो फर्स्ट जो कंसीडर था वो था नागा चैतन्य और समानता को यहाँ पर कास्ट करने का बट ये सब चीज़ें नहीं हो पाई थी और बाद में जाकर इन दोनों रोल को लिए यानी कि सर्वानंदम और सिद्धार्थ को कास्ट किया हुआ था और साथ ही जो समानता को रोल देने वाले थे तो वो रोल यहाँ पर अदिति राव हैदरी को यहाँ पर कास्ट किया है था और साथ ही कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर अनु इमालन को भी कास्ट किया है था अक्टूबर सात हजार बीस में साथ ही चेतन भरद्वाज को भी यहाँ पर प्रीवियसली कंपोजिंग के लिए मतलब मेकर्स का फर्स्ट चॉइस था जो कि ऑलरेडी उन्होंने आर एक्स हंड्रेड्स के काम आर एक्स हंड्रेड साथ ही एस आर कल प्रोरम जैसे फिल्मों के अंदर काम भी किया हुआ है

बीच में स्टार्ट किया था साथ ही फिल्म की जो पूरी शूटिंग का कंप्लीट हुई थी या फिर अप बोल सकते रैप हो अप हुई थी 9 जुलाई सात में ही साथ ही दोस्तों इस फिल्म के साउंड ट्रैक की अगर बात करें तो यहाँ पर साउंड ट्रैक एल्बम को किया था चेतन भरतवाज ने और साथ ही इस फिल्म के जो गाने वगैरह को रिलीज़ करना स्टार्ट किया था चौबीस अक्टूबर सात से और इस फिल्म के जो गाने वगैरह के रिकॉर्ड किए थे साल हज़ार में और साथ ही इस फिल्म की स्टूडियो की अगर बात करें तो ड्यूगिनोप स्टूडियो स्टूडियो फोर थ्री एंड स्टूडियो एच के द्वारा मतलब गाने वगैरह को रिकॉर्ड किया था इन्हीं स्टूडियोज़ में साथ ही गाने की लेंथ की अगर बात करें तो आप इस आपको इस फिल्म में जितनी टोटल गाने सुनने को मिल जाएंगे उन सभी टोटल गाने की लेंथ की अगर बात करें तो 18 मिनट 42 मिनट है और सभी गाने आपको तेलुगु में देखने को मिल जाएंगे और तेलुगु के अलावा तमिल में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन अगर आप लोग गाने वगैरह को अभी देखना चाहते हो तो गाने वगैरह भी आपको लिरिक्स फॉर्मेट के अलावा वीडियो फॉर्मेट के साथ भी देखने को मिल जाएगी जो कि यूट्यूब पर सर्च करने पर देखने को मिल जाएगी या फिर इस फिल्म के गाने को सुनने के लिए आप सोनी म्यूज़िक इंडिया के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर विजिट करके देख सकते हो साथ ही म्यूज़िक प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो जी चेतन भरतवाज के द्वारा भरत जो म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर भी इस फिल्म में काम किया है इसके अलावा अगर बात करें चेतन भरतवाज की कर्नोल जिन्होंने साल दो हज़ार इक्कीस के अंदर दो फिल्मों के अंदर काम किया था सबसे पहले महाशमंत्रम और दूसरे एस आर के कल्याणम पूम फिल्म के अंदर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम किया हुआ था और इस फिल्म में टोटल गाने की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में टोटल पाँच गाने हैं और पाँचों गाने की बात करें टाइटल की सबसे पहले गाने का टाइटल रखा कतः रंबा रंबा इस गाने को लिरिक्स को लिखे थे भास्कर भाटलानी और साथ ही गाने को गाया था चेतन भरदवाज ने और साथ ही गाने की लेंथ की अगर बात करें तो तीन मिनट तैतीस सेकंड था दूसरी गाने, तो गाने, 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 तो फोर गाने की बात करें टाइटल की तो दूसरी गाने का टाइटल नाम रखा था चपके चपके इस गाने को लिस्ट को लेकर तेजेतन है भरत प्रसाद ने और साथ ही गाने को गाया था दीपति परसाना ने और साथ ही गाने के लंक की बात करें तो फोर मिनट फोर्टी थ्री सेकेंड थे तीसरे गाने की बात करें टाइटल की तो तीसरे गाने का टाइटल नाम रखा था हे थमाका मोडेली गाने को जो गाया हुआ था कुट्टू विशरप पराडा ने और साथ ही गाने को गाया था हरीशरा न्यूटला मोहन और गा, गाने की लेंथ की बात करें तो तीन मिनट फिफ्टी फोर सेकेंड थे चौथे गाने की बात करें टाइटल की तो दोस्तों चौथे गाने का टाइटल नाम रखा था जगडाला रानी इस गाने को भी भास्कर भाटला ने गाने को ड्रिस को लिखे थे और साथ ही गाने को गाया था बेदला हेंच मंद्रा ने और साथ ही लेंथ की बात करें तो तीन मिनट नाइनटीन सेकेंड थे लास्ट गाने यानी कि पाँचवें गाने की बात करें टाइटल की तो पाँचवें गाने का नाम रखा था मनसु मिर्जे ओ मनोगे इस गाने को ऊपर लिरिक्स को ले थे चैतन्य प्रसाद ने और साथ ही इस गाने को गाया था गौतम भरद्वाज ने और साथ ही गाने की लेंथ की बात करें तो तीन मिनट थर्टीन सेकेंड थे और सभी गाने को लेंथ को कैलकुलेट करने जाओ तो अराउंड आपको सेवेंटी मिनट फोर्टी सिक्स सेकेंड होंगे हालांकि लेंथ की अगर बात करें तो एटीन मिनट के आसपास बताया हुआ था तो वो भी नहीं मतलब है बट कुछ गाने वगैरह आप पर रीवेडिट यानी कि फिल्म में आपको मतलब नहीं सुनने को मिलेंगे बाकी अगर बात करें इस फिल्म से रिलीज डेट से जो इंटरेस्टिंग जानकारी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात करें खासकर इस फिल्म को रिलीज डेट से लेकर तो दोस्तों इस फिल्म का मेकरस का जो इस फिल्म का रिलीज डेट था जो इनिशली जो रिलीज डेट प्लान रखा हुआ था 19 अगस्त साल दो को बट पोस्टपोन होना पड़ा था बिकॉज ड्यू टू को बीट या फिर बोल सकते हो कि पैंडेमिक के चलते और बाद में फिल्म की अगस्त साल इक्कीस को फिल्म के न्यू रिलीज डेट को अनाउंसमेंट किया था जो जो की था चौदह अक्टूबर साल सौ इक्कीस जो कि आप सभी को पता होगा कि ये फिल्म इसी डेट को रिलीज हुई है सिनेमा घर में और आप सभी ने ऑलरेडी देख साथ ही मूवी के बजट की अगर बात करें तो दो महीने बजट के ऊपर बात किया के कि बारे में ऑलरेडी बात किया हो वीडियो में आगे चलकर जो कि वीडियो में आगे चलकर ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि ये एक आर्टिकल के जरिए 25 करोड़ दिखा रहा है बट एक एक आर्टिकल में 14 करोड़ का अराउंड दिखा रहा है तो यहाँ पर कलेक्शन की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये भी बता चुका हूँ कि ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जो कि अराउंड इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था टेन सिक्स का यानी कि टेन टेन पॉइंट सिक्स करोड़ के आसपास मतलब ऑल वर्ल्ड क्रस कलेक्शन क्या हुआ तो इस हिसाब से आइडिया लगा सकती है भी अगर फोर्टीन करोड़ भी बजट होती है तो टेन करोड़ के आसपास कलेक्शन किया हुआ तो इसी हिसाब से भी ये पूरी तरह से फ़्लॉप हुई है तो ये पूरी तरह से फ़्लॉप हुई है मतलब ये जान लो कलेक्शन की हालांकि ऊपर नीचे हो सकती है बजट वगैरह ऊपर नीचे हो सकती है अमाउंट की बात कर रहा हूँ तो ऊपर नीचे हो सकती है बट ये फिल्म फ्लॉप हुई है इतना आप जान लो इसके अलावा अगर बात करें तो उस फिल्म की कहानी के ऊपर बात करते हैं चलिए कहानी के ऊपर एक्सप्लनेशन देते हैं कि आपको इस फिल्म में पूरी कहानी क्या देखने को मिलेगी तो चलिए कहानी को पर के ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं कि आपको इस फिल्म किस तरह की प्लॉट स्टोरी देखने को मिलेगी हालाँकि मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बट जब आप इस फिल्म को मतलब देखने बैठोगे उसके बाद एक्सपीरियंस कर सकते हो कि हवा के फिल्म कहानी अच्छी है फिर आपके लिए मतलब कहानी आपको कैसे लगे बिकॉज आप किसी भी चीज़ को मतलब बगैर देखे जज करना मेरे लिए ये मेरा मानना है कि सही नहीं है हालांकि ये फिल्म भले ही तेलुगु ऑडियंस को पसंद ना आए बट इस तरह की जो कहानी है, प्लॉट फिल्म जो देखना पसंद करते हैं ख़ासकर हिंदी ऑडियंस देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पर टीवी पर तो उस हिसाब से खुद से जज करके आप इस फिल्म के ओपिनियन के इस फिर के ऊपर बात कर सकते हो मेरे ख्याल से ये सही तरीका होगा बट बिना चाहिए मतलब बिना देखे उसको जज करना उसके ऊपर नेगेटिव वे के साथ बातें करना वो मेरे ख्याल से सही नहीं है तो चले बात करते फिल्म की कहानी के ऊपर विजय और अर्जुन गहरे दोस्त हैं विजय भ्रष्ट योजना वाले एक महावंशी सिविल सेवा उम्मीदवार एक अनाथ है और उसकी महालक्ष्मी उर्फ महानामक की एक प्रेमिका है जो एक नृत्य शीर्षक है विजय अर्जुन और महा के साथ रहता है वहाँ महा के साथ अपने रिश्तों को लेकर गंभीर नहीं है और अर्जुन के घर में रहता है अर्जुन अपनी मा, विधाओं माँ विधवा माँ के साथ रहता है जो अर्जुन के विपरीत एक अनाथ होने के बावजूद यानी कि महाकांक्षी और कड़ी मेहनत करके कड़ करने के लिए विजय की प्रशंसा करती है अर्जुन के एक चाचा यानी कि चुन्नू मामा है जो एक मछुआरे हैं विजय के विपरीत अर्जुन अपने पिता की मृत्यु से पहले जमा किए गए धन के एक व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है अर्जुन की मुलाकात सीमिता से होती है जो उसे यानी कि गलत समझ समझती है लेकिन उसने अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं एक दिन विजय अर्जुन को आवेद दवाओं की एक फैक्ट्री में ले जाता है और बताता है कि वह फैक्ट्री धनुजय नामक एक तस्कर की है जिसका एक विकलांग बड़ा भाई गुन्नू बाबूजी है जिसने एक अविनाशी अपराध सिंडिकेट बनाया है उनकी तस्करी गतिविधियों को देखकर अर्जुन विजय की सराहना करता है और उसे उसके खिलाफ़ यानी कि जांच करना जांच करने के लिए कहता है लेकिन विजय बताता है कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने और पैसा कमाने के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए पुलिस बल में सख्ती शामिल सॉरी पुलिस बल में शामिल हुआ था क्रोधित होकर अर्जुन विजय से बहस करता है और, और गंभीर बहस करता है विजय यानी कि दुनिया धनुजय का पीछा करता है और उनके गोदाम में पहुंच जाता है जहां वह गलती से धनुजय को चाकू मार देता है और हैरान विजय अर्जुन और चाकू चंचू से मिलने जाता है चंचू से मिलने जाता है उनके मामा से मिलने जाता है और घटना का खुलासा करता है कि चंचू उसने अपने सुरक्षा के लिए जानने जा, सुरक्षा के लिए जानने के लिए कहता है अर्जुन ने उसे रेलवे स्टेशन जाने के लिए कहा और वहाँ आएगा इनके पहुंचने के बाद विजय ने उसे छोड़ दिया यह पता चलता है कि महा विजय के बच्चे से यानी कि गर्भवती है अर्जुन उसे अपने घर ले आता है जो अपनी मां के साथ मिलकर उसकी देखभाल करता है चुनचू अर्जुन को बाबाजी के क्रोध से बचाने के लिए तस्कर बनने की सलाह देता है बहुत झिझक के साथ अर्जुन एक तस्कर बन जाता है और विजय की गलतियों के लिए उसे दोषी ठहराया जाता है इसी बीच महा एक लड़की को जन्म देती है और उसका नाम पूजा रखती है चार साल बाद अर्जुन चचू को अपने दाहिने हाथ बनाकर प्रमुख तस्कर बना जाता है। महा और पूजा अर्जुन और उसकी मां के साथ रहता है और महाविजय के बारे में पूजा को नहीं बताती है महा के मन में अर्जुन के लिए भावना विकसित होती है अर्जुन बाबजी के खिलाफ अपने मामलों के लिए अदालत में पहुंच है जहां उसकी मुलाकात एक सफल वकील सीमिता से होती है और वो वो और वो घूमने लगती है अर्जुन सीमिता को अपनी माँ से मिलवाने के लिए लाता है सीमिता को देखकर महा यानी कि सोच कर निराशा हो जाती है कि वह उससे शादी करना चाहती है लेकिन सीमिता को पता चलता है कि महा को अर्जुन से प्यार है जो उसे महा और पूजा की खुशी के लिए महा से शादी करने के लिए कहता है इसी बीच विजय महा को देखने के लिए वापस आता है जहाँ उसे पूजा अर्जुन और उसकी माँ के साथ पाता है जब विजय अर्जुन पूजा और माँ को एक साथ देखता है तो वह स्थिति को गलत समझता है जहाँ वह बाबूजी को मिलता है और उसे पता चलता है कि धनंजय की मृत्यु नहीं हुई लेकिन वह उसका व्यवसाय नहीं संभाल सकता बाबूजी विजय को अर्जुन के साथ उसकी दोस्ती के बारे में समझाता है विजय को अर्जुन की लोकेशन का पता चलता है और वह उससे मिलने जाता है उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है जिस पर अर्जुन कहता है कि उसने समझाने की ज़रूरत नहीं अर्जुन के साथ युद्ध छेड़ जाता है जहाँ विजय बाबूजी के साथ शेन में शामिल हो जाता है और वह पूजा और चाचू को अपहरण कर ले जाता है चचू को पता चलता है कि पूजा विजय की बेटी है और विजय की गलतियों के कारण अर्जुन तस्कर बन गया सच्चाई सुनकर दुखी होकर चचू को मुक्त करता है पूजा को गले लगाता है विजय ने अर्जुन को फोन किया और उसे कहता है कि उसने दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि अपने पुराने दोस्त के रूप में मिलना चाहता है और पूजा को उसे सौंप देगा अर्जुन सहमत हो जाता है लेकिन बाप जी के कारण उसकी दुर्घटना हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है दूसरी यह जानने के बाद कि अर्जुन और विजय एक साथ मिल रहे हैं बाबजी अपने गुरु के साथ आता है और विजय को गोली मार देता है पूजा को अपने साथ ले जाता है अर्जुन को होश आया और उसने विजय को मृत्यु पाया वह बाबजी की फैक्ट्री के लिए निकलता है और चाकू की मदद से बाबजी को मारकर पूजा को बचाता है और अर्जुन महा और पूजा एक समुद्र तट पर अच्छे समय बिताते हुए पाए जाते हैं जहाँ अर्जुन महा के सामने प्रस्ताव रखता है जिससे वह पूरे दिल को स्वीकार कर लिखने का जो काम किया था विजय एंटनी ने जो कि फिल्म को कहानी को भी किया हो गया था की आपको इसमें एक विलेनर बिजनेसमैन की देखने को मिलती है पूरी कहानी की जो कि सीक्रेटली फोर्टी डेज तक एक भिखारी बनने का काम करते हैं और इसके आगे क्या है इसको देखने के लिए आपको फिल्म पूरी देखनी होगी जो की छोटा सा कहानी भी भी डिस्क्राइब हुआ फिल्म मेकर्स ने फिल्म रिलीज होने से पहले जो की काफी इंटरेस्टिंग इस फिल्म को बनाई हुई थी और इस फिल्म को आर डी रेटिंग की तरफ से की रेटिंग मिली हुई थी और ये फिल्म ऑर्डियस के अलावा क्रिटो की फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई थी और काफी हाईली पॉजिटिव रिव्यूज मिली हुई थी दोनों की इक्वली परफॉर्मेंस में रिस्पॉन्स मिले होते थे फिल्म तो इस फिल्म को ऑडियंस एंड क्रिटिक की तरफ से वन लाइन रिव्यू को अलावा बेस्ट परफॉर्मेंस फिल्म ये फिल्म होगी जो की मैं डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूंगा की यह फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच फिल्म है बिकॉज फिल्म का कंटेंट काफी अच्छी है फिल्म के कंटेंट के अलावा बात करें फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी मूवी की थ्रिलिंग

फाइव पर देखने को मिल जाएगी जो की ओटीजी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसके अलावा इस फिल्म की सैटेलाइट राइट की बात करें तो जी हाँ भी हमें काफी पहले देखने को मिली थी जी सिनेमा के सैटेलाइट टीवी चैनल पर तो देखते हैं की आने वाले दिनों में इस फिल्म की रिलीज डेट प्रीमियर रिलीज डेट से जरूरी कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली हमारे चैनल पर बनी रहेगा तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है इसको भी ऑन कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन हर एक अपडेट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू मिली जाए एज ए नोटिफिकेशन के जरिए तो जुड़े रहिएगा जरूर तो अपडेट आएगी तो जरूर अगर आप लोग हमें हमारे चैनल जुड़े हो तो डेफिनेटली इसकी प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको बताई जाएगी और अपडेटेड भी की जाएगी इसके अलावा अगर बात करें यूट्यूब की तो फिलहाल यूट्यूब से रिलेटेड तो कोई अभी तक अपडेट वगैरह नहीं आई है लेकिन अगर यूट्यूब पर देखने को मिलेगी तो मे भी आपको सिर्फ और सिर्फ जी नेटवर्क यानी कि जी सिनेमा के किसी भी यानी कि एकटेलाइट कंपनी के यूट्यूब चैनल पर ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी बट कब तक देखने को मिलेगी कब तक आएगी क्या रिलीज डेट होने वाली

कार्ती बालाकृष्णन जानकी अम्मा लथिया थलयन सुरेश गुनाशेखर तमजी मोहन रामन मूर्ति एंड विनोद सागर कैरेक्टर बात करें तो विजय एंटनी आपको इस फिल्म में अरुल सलवर कुमार के रोल नजर आएंगे एंड तुनास आपको इस फिल्म में मैगजीनी यानी कि मैगजीनी अरुल के लव इंटरेस्ट बाद में वाइफ भी दिखाई गई है जो आपको देखने को मिलेगी साथ ही भाग्यनाथिन पेरुमल भी आपको नजर आएंगे जो कैरेक्टर प्ले कर राजेश अरुल पर्सनल सिक्योरिटी का विशेष कैरेक्टर है इसके साथ ही वेकुनू आपको इस फिल्म में अविनेश के रोल नजर आएंगे दीपक राजामन आपको इस फिल्म में भावेश

आपको इस फिल्म में ट्राफिक पुलिस का रोल प्ले करिए सुरेश आपको इस फिल्म में

स्टार्ट क्या हुआ था इस फिल्म की साथ इस फिल्म को मेन लीड हीरो के तौर पर कास्ट किया गया था विजय एंटनी को साइन किया गया था इस फिल्म में और के साथ ही इस कैरेक्टर को भी ऑलरेडी मतलब डिस्क्राइब भी किया हुआ था उनके साथ साथ इस फिल्म में लीड रोल भी होने वाली थी इसके साथ ही अर्ली वर्क किए थे और शशि कुमार और विजय एंटोनी की ऑलरेडी वह खामे देखने को मिली थी सी फिल्म के अंदर जो कि सालों सोलह में रिलीज़ हुई थी और दोनों की कॉम्बिनेशन लोगों ने काफ़ी हद तक पसंद भी किया हुआ था साथ ही विजय एंटोनी की स्पेशली इस फिल्म में उनकी खुद की म्यूजिक कंपोजिंग सुनने को मिलेगी साथ ही इस फिल्म की जो शेड्यूल थी पोलाची नियर इवेन स्विमिंग मिल्स नियर एबी विलेज के अंदर फिल्म की कहानी को सूट किया हुआ था और उसको एज ए पौडेच्वरी यानी कि जनवरी में पूरी शूटिंग कंप्लीट की होती है जनवरी साल और पंद्रह में इस फिल्म की जो मूविंग इस्टार्ट हुई पूरी प्रोडक्शन टी वी आप पर पौडेच्वरी में यानी कि पंद्रह जून में क्या हुआ है इस फिल्म के साउंड ट्रैक की अगर बात की तो इस फिल्म के की साउंड ट्रैक तो की एल्बम की अगर बात की तो पिचायकर की विजय ने खुद किया हुआ है साथ ही गाने वगैरह को रिलीज़ करना स्टार्ट किया था चार मार्च साल और सोलह से ही इस फिल्म के गाने उसी साल रिलीज़ किए गए थे यानी कि साल और में ही रिलीज़ किया गया था और सभी गाने सिर्फ तेलुगु के स्वर तमिल के अलावा तेलुगु में डब्ड करके रिलीज़ भी किया हुआ है साथ ही इस फिल्म के सभी म्यूजिक राइट्स विजय एंटनी म्यूजिक एंड डी डीबा कंपनी के पास थी और इसमें एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर था विजय एंटनी और विजय एंटनी की क्रिक्नोलॉजी की बात करें तो उन्होंने साई कुमार एंड पिचाकरन एंड नंबियर फिल्म के अंदर उन्होंने काम किया था जो कि साई कुमार साल दो में रिलीज़ हुआ था और साथ ही पिचाकरण और नंबिकर जो कि साल दो सोलह में रिलीज हुआ था तो इस फिल्म के अंदर यानी कि तीनों फिल्मों के अंदर एज म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया हुआ है साथ ही इस फिल्म के साउंड ट्रैक बैकग्राउंड स्कोर और कम्पोजिंग एल्बम के, के अंदर सभी ऐसे साउंड ट्रैक आपको देखने को मिलती है और सभी गाने की टाइटल के ऊपर बात करते हैं तो सबसे सब पहले गाने का जो इस फिल्म के जो टाइटल का नाम था ग्लैमर इस गाने को गाया हुआ था वह मोर्गन गाने को लिखे थे लोगन ने इसके साथ ही लेंथ केयर बात तो चार मिनट दस सेकंड। दूसरी गाने का टाइटल का नाम था एंड जारूथली और ये जो गाना है इसको फीमेल वर्जन के साथ गाया हुआ है साथ ही इस फीमेल वर्जन के साथ जो जोशी प्रिया देखने को मिलती है गाने को लिरिक्स को लिखे तो अन्ना मालिया ने इसके साथ ही गाने की लेंथ की बात करें तो फोर मिनट थर्टी सेकेंड तीसरी गाने की बात करी टाइटल की तो तीसरी गाने का नाम रखा था नूरुलू समी गल इस गाने को गाया हुआ था विजय एंटनी ने इसके साथ ही गाने को लिरिक्स को लिखे देखनाथ ने और गाने लेंथ था दो मिनट फोर्टी फोर सेकेंड चौथे गाने की बात करें टाइटल की चौथे गाने का टर नाम रखा था उनागा उर्वैन इस गाने को गाया हुआ था जानकी अय्यर ने और साथी को गाने को लिखा था प्रियान ने गाने का लेंथ की बात करें तो तीन मिनट थर्टी नाइन सेकेंड पाँचवें गाने की बात करें टाइटल की तो पाँचवें गाने का टर नाम रखा था और विल्लाई सोट्रुका इस गाने को गाया हुआ था यजी निज़र ने और गाने को लिखा हुआ था अनमलाई ने और साथ ही गाने की अगर बात करें लेंथ की तो तीन मिनट थर्टी वन सेकेंड इसके साथ अगर बात करें पाँच यानी कि छठे गाने की बात करें तो ये गाना नेंड्रो जेतिल है जो कि एक फीमेल वर्जन के साथ में बताया हुआ था और ये जो वही गाना है इस फिल्म को मेल वर्जन के गाया हुआ था और मेल वर्जन में आपको दीपक दोबोड़िया देखने को मिलती है गाने को ही अन्ना मलाइनी लिरिक्स को लिखे थे और गाने का लन था फोर मिनट थर्टी सेकेंड यानी कि लास्ट गाने की बात करें जो पिक्चर ग्रन मूवी का थीम सॉन्ग था इस थीम सॉन्ग को गाया हुआ था अन्नाथू ने गाने को लिरिक्स को लिखे थे विजय एंथनी ने और साथ ही लेंथ था एक मिनट सेवन सेकेंड एंड इस फिल्म को लेकर कुछ क्रिटिक के ओपिनियंस की बात करें उनकी रेटिंग की अगर बात करें तो चलिए इसके ऊपर बात डिटेल के साथ बात कर ही लेते हैं जिसके जिस क्रिटिक के द्वारा तो को रेटिंग किया उसी क्रिटिक के ऊपर बात करने वाला हूँ द मूवी क्राउ के तरह से उनको थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार की रेटिंग मिली हुई है इसके साथ ही इंडिया जिलिट की तरफ से इस फिल्म को थ्री पॉइंट एट आउट ऑफ फाइव स्टार की रेटिंग मिली हुई है और ये इन दोनों की रेटिंग मिली हुई है हाला, हालाँकि काफ़ी सारे क्रिटिक ने इस फिल्म को ओपिनियन भी किया हुआ है बट सभी की तरफ से पॉजिटिव ही रिव्यू निकल कर करे बट दो ही ऐसे क्रिटिक हैं जो जिनके द्वारा इस फिल्म को रेटिंग मिला हुआ है जो कि बता चुका हूँ सभी को इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बात की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का जब बजट था अराउंड सोलह करोड़ तमिलनाडु और इस फिल्म के ट्वेंटी पॉइंट फाइव करोड जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म की मतलब राइस सॉट बॉक्स कलेक्शन किया हुआ था जो उसके यहाँ पर बुगाचू भी रखा हुआ था तेलुगु वर्जन में जो कि डिक्लेयर किया गया था एक ब्लॉकबस्टर फिल्म वर्ल्ड वाइड जो कि क्रॉस कलेक्ट किया था ऑलमोस्ट 42.5 करोड़ यानी कि 16 करोड़ बजट के साथ बनाया गया था और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी कलेक्शन को मिलाकर ओवर के कलेक्शन को मिलाकर इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 42.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया हुआ था जो कि मेकर्स की तरफ से ऑलरेडी इस फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म घोषित भी किया हुआ है और इस फिल्म की अगर बात करें क्या ये इस फिल्म एक सीक्वल भी आने वाली है तो डेफ़िनेटली इस फिल्म का यानी कि इस फिल्म को रिलीज़ होती मेकर्स की तरफ से कन्फर्म ये क्या हुआ था कि इस फिल्म का यानी कि पिचाकरण का एक स्टोन यानी कि स्टैंड अलोन सीक्वल होगी जिसका टाइटल पिचाकरण होगी जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिल जाएगा पिक्चाकरण टू के साथ वो भी हिंदी में देखने को मिल जाएगी और जिसको रिलीज़ भी किया हुआ था ऑफिसियल रिलीज डेट की बात करें कि इस फिल्म का सीक्वल पिचाकरण टू की तो बीस जून साल सौ में बीस जून साल सौ में रिलीज़ भी किया हुआ है और आपको इस फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन भी आपको देखने को मिल जाती है जो कि अभी आर के स्टूडियो ने उनकी खुद के यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किया हुआ था आर किडी स्टूडियो के चैनल पर बट अभी जो फिल्म अपलोड किया गया है आर के डी प्राइम यूट्यूब चैनल पर ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी तो देख सकते हो बाकी पता नहीं आर के स्टूडियो ने इस फिल्म को बार बार डिलीट भी किया हुआ था और बार बार इस बिल को अपलोड भी कर रहे हैं तो यानी कि इस फिल्म का पार्ट वन और पार्ट टू भी आपको देखने को मिल जाती है जो कि यूट्यूब पर और यहाँ पर सैटेलाइट चैनल या फिर ओ पर भी आपको देखने को मिल जाती है तो दोस्तों मैंने पार्ट वन को भी देखा है पार्ट टू को भी देखा है जो कि मेरे नज़र में जो ओपिनियन थी जो कि ऑलरेडी मैंने डिटेलिंग रिव्यू के साथ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की परफॉर्मेंस के ऊपर तो सभी एक्टर्स ने ट्राई कारण वन के अंदर सभी ने बेस्ट ट्राई किया हुआ है स्पेशली आपको यहाँ पर विजय एंटे की ढासू परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो उनकी ढासु परफॉर्मेंस है और संतना की भी काफ़ी सही है संतना टीटर्स की भी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी देखने को मिलती है बाकी सपोर्टिंग और इम्पोर्टेंट जिस जिसने भी रोल प्ले किया है फिल्म उनकी भी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी हद तक सही देखने को मिल जाती है जो कि आपको देखने में अच्छा फील होती है तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूज़िकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर मुझे कि डायरेक्शन की तो शशि कुमार की डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था और फिल्म की स्टोरी भी काफ़ी यूनिक थी और राइटिंग भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया हुआ था लेकिन फिल्म का कहानी आकाश की थी बट उसको लिखा था शशि कुमार ने ही और तीस स्टोरी आइडिया भी आकाश की मानी जाएगी बिकॉज उन्होंने कहानी को लिखा था उनकी स्टोरी थी उनकी आइडिया थी बट जो लिखा हुआ था शशि ने तो काफ़ी अच्छे से लिखा था दोनों का माइंड काफ़ी प्योरली काफ़ी अच्छा था और उससे बढ़िया मुझे, मुझे डायरेक्शन काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम में कमाल के डायरेक्शन क्या हुआ था शशि कुमार सर के द्वारा तो डायरेक्शन स्टोरी राइटिंग आपको बेस्ट देखने को मिलती है तो यही कारण है कि फ़िल्म को एक अच्छा नंबर जनरेट करने में फिल्म पूरी तरह से कामयाब हुई है बॉक्स ऑफिस पर जो कि 16 करोड़ में बजट में बनी ये फिल्म 42 का प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ इस फिल्म ने इस फिल्म ने बिजेंटे ने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ था इसके साथ ही फिल्म का सैनमेटोग्राफी की बात करें तो बर्शना कुमार की आपको इस फिल्म में सैनमेटोग्राफी देखने को मिलती है और उस टाइम की सीनेमाटोग्राफी की बात करें जिस उसमें बात करूँ साल सो साल और सोलो की उस टाइम में काफ़ी बेहतरीन की सैनेमाटोग्राफी दी हुई थी जो कि आपको देखने में काफ़ी अच्छा फील हो और आप कहोगे कि अब वाकई फिल्म का सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बेहतरीन है कैमरा एंगल सभी चीज़ें बेस्ट ट्राई किया हुआ है इस फिल्म में फिल्म की एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड वीरा शांति राज की आपको फिल्म में एडिटिंग देखने को मिलती है अराउंड ये फिल्म दो घंटे दस मिनट के आसपास लेंथ के साथ आती है और डेफिनेटली ये लेंथ भी अच्छे से फास्ट फेस रखा हुआ है जिसकी वजह से जब फिल्म देखते वक्त आप कब कब खत्म हो जाती है इसका मतलब पता ही नहीं चलने देती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और फिल्म की लेंथ को भी काफ़ी बेहतरीन से एडिटिंग हुई यानी कि ओवरऑल फिल्म की एडिटिंग काफ़ी शानदार क्या हुआ इस फिल्म में फिल्म का बी भी काफ़ी अच्छा जैसा फ़िल्म का बी भी काफ़ी लाजवाब भी है और बीजेम बी भी आपको काफ़ी हद तक इंगेजिंग करके रखती है फिल्म के कहानी से जुड़ने में काफ़ी हद तक, तक मदद भी करती है जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है फिल्म के लिए और ओवरऑल सभी यानी कि बेस्ट ही आपको देखने को मिलते हैं लाइक कास्ट से लेकर टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर म्यूजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आपको सभी चीज़ आपको यहाँ पर बेस्ट लेवल की ही देखने को मिली है तभी तो इस फिल्म ने बेस्ट लेवल की कलेक्शन में किया हुआ है इसके अलावा बात करते फिल्म की कहानी की और फिल्म की की तो के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो कि फिल्म इसकाइल इंटरटेन के फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था जो कि काफ़ी हद तक से डिस्ट्रीब्यूशन भी इस फिल्म को मिली हुई थी तो चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की कुछ रीमेक्स के बारे में अगर आप सभी को पता नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि पिचाई कारण वन फिल्म की काफ़ी यानी कि मेरे ख्याल से तीन या चार ऑलरेडी रीमेक भी बन चुके हैं सबसे पहले उड़ीसा में इस फिल्म की रीमेक बनाया गया था जो कि टाइटल दिया गया था उड़ीसा वर्जन के यानी कि रिमेक वर्जन में वे भी साथ ही मराठी वर्जन में इस फिल्म को भी रीमेक किया हुआ है जो जिसका नाम रखा था भिखाड़ी इस्पेसली कनाडा में भी इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ है जिसका नाम था मम्मा आई लव यू तो उन सभी रीमेक्स भी, भी आई थिंक मामा यानी कि आई लव यू फिल्म आपको मेरे ख्याल से देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर वो भी फिल्म ट्राई कर सकते हैं जिसमें कि आपको ध्रुव सारजा के भाई अर्जुन सारजा आपको नजर आएंगे तो चलिए बात करते फिल्म की कहानी के ऊपर तो दोस्तों अरुल सेल्वा कुमार तिरुपुति जिले के पलमदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी हैं अरुल की माँ भवेशनरी अपने पति की प्राविक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय का विकास के पीछे की व्यक्ति है अविनाशी भविष्यवाणी एक बुनाई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों की हड़पने की योजना बना रहा है अरुण गुरुस्थेलक्स के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसाय की जिम्मेदारी लेती हैं इसी बीच भुवेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कुमा में चली जाती है अरुल द्वारा उसके इलाज के लिए किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हैं संयोग से अरुण अरुल एक अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी मां का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी मां को बचाने का एक तरीका है जो कि रीति यानी कि भीख से उन्हें दो शर्तों के साथ आर्निक के फोर्टी एट डेज तक भिखारी का जीवन जीने की सलाह दी पहले यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा शर्त ये था कि, कि उसे किसी और को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए अगर वह इसे पूरा कर लेता है तो उसकी माँ को जी यानी कि जीवित रहने का मौका मिलेगा अपनी माँ को बचाने का कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुल दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राकेश को उसके लौटने तक यानी कि व्यवसाय की, की देखभाल करने के लिए कहता है और और अरुल चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिकारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहाँ उसकी मुलाक़ात मैगजीनी से होती है और उसके दानशील व्यक्तित्व को देख उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्हें और उनकी मां ने शुरू में एक व्यवसाय यानी कि वैवाहिक साइट के माध्यम से यानी कि मैगजीनी से शादी करने का संपर्क करने का फ़ैसला किया हुआ था मैगजीनी के भी मैगजीनी को भी बाद में अरुल से यानी कि सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जानने बिना कि वह एक भिखारी है और अविनेशी को अरुल की अनुपस्थिति को एहसास होता है और वह अरुल को व्यावसायिक से संभालने की कोशिश करता है एक विवाहिक समारोह में मैगजीनी को पता चला कि अरुल ने उसे गुमराह किया और वह अभी भी यानी कि बचती है नहीं वह अब भी उसे बचाती नहीं क्योंकि वह उसके पीछे यानी कि स्वभाव से अधिक प्रभावित होता है एक दिन मैगजनी की माँ अपने लैपटॉप में अरुल की तस्वीर देखती हैं और याद करती है कि वह एक अमीर व्यापारी है उसने कुछ महीने पहले वीवासाइट्स के माध्यम से उसके साथ अपनी तस्वीर भी साझा की थी मैगजीन चौक जाती है और अरुल से मिलने की कोशिश करती है जहां वह अरुल और राकेश के बीच की बातचीत सुनती है जिसे उसे एहसास होता है कि अरुल एक भिकारी के रूप में जीवन अपनी माँ को बचाने के लिए और वह उसके अच्छे स्वभाव से प्रभावित है राकेश ने अरुल को वापस लौटने का आग्रह किया लेकिन अरुण के साथ आने से इनकार कर दिया मैगजनी ने अरुण को यानी कि अब तक परेशान नहीं करने का फैसला किया तब तक कि एक भिकारी के रूप में उसका जीवन अभी भी अधूरा नहीं है इसी बीच अरुल को एक भिकारी जो मानसिक रूप के विकलांग होने का नाटक कर रहा है उसे पता चला कि मानसिक स्वस्थ केंद्र के प्रबंधन करने वाले डॉक्टरों का एक समूह अपने चिकित्सक का प्रयोग के लिए रोगियों का उपयोग करता है यह जानकर डॉक्टर अरुल की हत्या के लिए गुंडों की नियुक्त करते हैं जो गुंडे उसे बचाने में सफल हो जाते हैं भिकारी के रूप में अपने आखिरी दिन अरुल को अविनाशी ने देखा जहां वह उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन गलती से मैगजीनी को चाकू मार देता है जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है अरुल जिसे अभी तक अपनी यानी कि भिकारी जीवन पूरा नहीं किया गया निराश हो गया क्योंकि वह मैगजीनी के लिए अस्पताल के खर्च का भुगतान करने में असमर्थ है लेकिन उसके भिकारी दोस्त उसे अरुल की मदद करने के लिए कुछ पैसे देते हैं जबकि अविनाशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया अरुल अरुल यानी कि फोर्टी डेज दिन के बाद राजेश के बाद अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर वापस आता है और उसे पता चलता है कि उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसके ठीक होने की प्रार्थना करते हैं अचानक उसने माँ के हाथ थिलते हुए महसूस होते हैं उसे उस होते हैं छः महीने के बाद भविन्श पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अरुल और मैगजीनी दोनों को दोनों की शादी हो जाती है और क्रेडिट में एक भिखारी एक मंदिर के सामने अरुल से पैसे मांगता है लेकिन अरुल एक फ़ोन कॉल में व्यस्त हो जाता है और भिखारी पर ध्यान देने में विफल रहता है इसके साथ भविष्य भिखारी को भिक्षा देती है और अरुल से कहती है कि एक भिखारी का जीवन बहुत दयानीय हो होता है और उन्हें कभी भी उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि उसका जैसे लोग एक उसके जैसे लोग एक दिन भी भिकारी का जीवन नहीं जी सकते जिसका अर्थ है कि भवेश्वर अरुल को जीवन शैली

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर टू थर्टी थ्री करोड़ के आसपास फिल्मों ने टोटल यहाँ पर बॉक्सिस कलेक्शन कड़ी हुई है तो ये फिल्म दोस्तों साल दो हजार तेईस की अगर बात करी या फिर चिरंजीवी मेगा स्टार चिरंजीवी की अगर बात करी तो कम बैक मूवी है जी हाँ की बैक टू काफी जो फिल्में आ रही थी और सभी फिल्में फ्लॉप हो रही थी बट साल दो तेईस में जब ये फिल्म रिलीज हुई है तो उनको काफी अच्छा खासा का कम बैक भी मिला एंड जो भी मेकर जो प्रोड्यूस किए थे इस फिल्म को तो उसको भी यहाँ पर इस फिल्म से अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुई है तो ये काफी कमाल की बात हुई है जहा पर ये स्पेशली यहाँ पर बात करें मेगा चिरंजीवी की तो उनके लिए काफी बेहतरीन मूवी साबित रही है दोस्तों क्योंकि दोस्तों काफी उन्हें ऑलरेडी दो फिल्में फ्लॉप दे चुके थे बॉक्स ऑफिस पर आचार्य या फिर बात करें जो रीमेक आई थी मलयालम फिल्म की तो वो भी का, काफी बुरी तरह से यानी कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप गई थी और इस फिल्म से उन्होंने अपना कम किया था दोस्तों तो काफी उनके लिए बेटर या फिर एक लक्की फिल्म साबित हुई इस फिल्म को तो काफी अच्छी फिल्म है तो डेफिनेटली अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो तो यहाँ अगर आप सभी को मेगा स्टार चिरंजीवी के बहुत बड़े फैन हो डाई हार्ट फैन हो साथ साथ अगर आप लोग अगर डाई हर्ट हाँ फैन हो या फिर नहीं हो या फिर अगर आप सभी को एक्शन थ्रिलर या फिर कह सकते हो मास इंटरटेनिंग फिल्म देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रहेगी जी हाँ सो मूवी काफी अमेजिंग है जहाँ पढ़ी इस फिल्म को जो बनाए दोस्तों उन ऑडियंस के लिए जो ऑडियंस मास इंटरटेनिंग फिल्में देखना पसंद करते हैं तो अगर आप भी इन्हीं में से हो तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट एक मस्ट फिल्म फिल्म रहेगी क्योंकि दोस्तों मूवी के अंदर आपको ऐसे मूवी के अंदर ऐसे मास एंटरटेनिंग एबर एलिमेंट या पर कह सकते हो सीन वगैरह डाले गए जो कि उन्हीं को कंसिडर करके इस फिल्म को बनाया दो तो अगर इस तरह की जोनरा वाली फिल्म देखना पसंद कर दो मास इंटरटेनिंग के बहुत बड़े फैन हो इस तरह की जोनरा के तो डेफिट बात करेगा ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट मूवी रहेगी जहाँ सो आपको घोषम डेफिटली करवाई गई एंड अगर आप थिएटर्स में देखने वाले हो तो आपके लिए और भी एक अलग लेवल की एक्सपीरियंस करने वाली मूवी रहेगी मेरे ख्याल से मूवी काफ़ी अच्छी है जहाँ पर मूवी की स्टोरी अगर कर बात करें तो भी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाती है बाकी कंपेयर कर की अगर बात करें इसके अलावा मूवी की स्टोरी राइडिया में काफ़ी दम था स्टोरी राइटिंग की जितनी दम थी उतनी ही दम यहाँ पर आपको इस स्टोरी में भी देखने को मिल जाती है इसके अलावा मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी बेहतरीन था मूवी की एक की एक डायरेक्शन एक एक फिल्म आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाती है जो कि मूवी को देखने में इंटरेस्ट और भी कई गुना बढ़ा देती है तो इसीलिए मूवी को वॉच करिएगा मूवी काफ़ी बेहतरीन की फिल्म है यहाँ पर बात करें मूवी की कहाँ देख सकते हो इसके ऊपर डिटेल करते हैं तो यहाँ सो अगर आप सभी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना अगर आपको पसंद करते हो तो अभी के लिए आप इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो तो जहाँ मूवी क्यों ओ टी टी या फिर कह सकते हो डिजिटल राइट्स की अगर बात करें या फिर स्ट्रीमिंग राइट्स की अगर बात करें तो उसको खरीदा है दोस्तों नेटफ्लिक्स ने तो जहाँ सो नेटफ्लिक्स के द्वारा इस फिल्म की जो डिजिटल राइट्स या फिर स्ट्रीमिंग राइट्स है तो नेटफ्लिक्स बैनर के द्वारा इस को खरीदा गया था ओ टी टी अगर बात करें राइट्स की और इसके अलावा बात करें मूवी की सैटेलाइट ड्राइव्स की तो उसको ख़रीदा था जेमिनी टीवी ने जो कि तामिल फिर वर तेलुगु वर्जन को ख़रीदा हुआ था इसके अलावा बात करें मूवी की हिंदी वर्जन की तो जी हाँ सो अगर आप सभी को अभी देखना ही चाहते हो तो ये फिल्म दोस्तों आपको तेलुगु तमिल लैंग्वेज के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो जहाँ सो ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी ऑफिस मिल को फ्री में देख सकते हो एंड या पर बात करें हिंदी वर्जन की तो सबसे सब पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हिंदी वर्जन के ऊपर डिटेल करता हूँ उसके बाद ही आपको आइडिया होने वाली कि हिंदी वर्जन के साथ कैसे देख सकते हो तो मूवी के हिंदी बात कर हिंदी वर्जन की या फिर हिंदी डबिंग से रिलेटेड अगर इसके ऊपर डिटेल करते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस फिल्म को दोस्तों एक तेलुगु तमिल के अलावा इस फिल्म को में रिलीज की हुई थी बाकी कन्नड़ा या फिर मलयालम लैंग्वेज की साथ यहाँ पर नहीं रिलीज की हुई थी बट स्पेशी मतलब स्पेशली तीन ही लैंग्वेज के साथ यानी कि तीन भाषाओं के साथ यहाँ पर इस फिल्म को रिलीज की हुई थी जिसमें कि जो हिंदी बैनर इस फिल्म का वी फोडी मूवीज तो या सो वी फोडियोज मूवीज के बैनर के द्वारा इस फिल्म को डबिंग से लेकर जो भी हिंदी डब से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन में खर्चा होती है तो उसका जो पैसा लगाया तो यहाँ पर वी फोर मूवीज ने यहाँ पर बात करें V4 Movies के की यूटूब चैनल उनके सेटेट चैनल की अगर बात करें तो उनका ख़ुद का सेटलाइट चैनल इसके अलावा उनका जो काफ़ी सारे आपको यूट्यूब चैनल पर उनका, उनका मतलब वी फोर की कंपनी के आपको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल भी देखने को मिल जाती हैं एंड जैसे कि अगर आप सभी को याद होगा कि मास्टर फिल्म को जो कि तालापति विजय की बिजय फिल्म आई थी तो मास्टर फिल्म को जो हिंदी जब हिंदी में रिलीज़ हुई थी जो कि पूरा खर्चा यानी कि हिंदी जो बैनर था वी फोर मूवीज़ तो आप सभी को आइडिया होने वाली कि वी फोर मूवीज़ की यूटूब चैनल पर आपको ये फिल्म यानी कि मास्टर फिल्म को भी देख सकते हो तो इसी तरह से इसको जो राइड्स वगैरह की अगर बात करें जो कि पूरा हिंदी वर्धन की अगर बात करें तो उसको जो सभी की राइड्स यहाँ पर बिफोर यू मूवीज के पास है तो फिलहाल अगर आप इसमें अभी देखना चाहते हो तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप इसम को विथ इंग्लिस या फिर हिंदी सप्टल के साथ देख सकते हो ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर वर हिंदी वर्धन की अगर बात करें तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कि यूट्यूब पर कब तक देखने को मिलेगी बट डेफिनेटली आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगी इसके अलावा टीवी प्रीमियर की अगर बात करें तो वो भी आपको फोर यू मूवीज के कंपनी के ही किसी भी सटला चांद पर इसका प्रीमियर देखने को मिलेगी बट कब तक देखने को मिल सकती है कोई आइडिया है नहीं बट अगर आप सबको बट अग्राफ़ी से उनको अभी देखना चाहते हो ये फिल्म आपको नेट पर भी अनऑफिशियली मतलब आ, प्रिंट यानी कि प्रिंट तो आपको ऑफिशियल देखने को मिल जाती है बट आपको जो वॉइस सुनने को मिलती है उस प्रिंट के साथ जो तो कि थिएटर प्रिंट के साथ आपको वॉइस वगैरह सुनने को मिलेगी तो अगर आप उस वर्जन को देखना चाहते हो तो आपको नेट पर देखने को मिल जाएगी अनऑफिशियली यहाँ पर नेट पर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाती है बट अगर आप आपको ओरिजिनल प्रिंट के साथ वित ओरिजिनल क्वालिटी के साथ देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको आने वाले दिन में बहुत जल्द दोस्तों यहाँ पर वी फो के यूट्यूब चैनल के साथ साथ ये फिल्म आपको उन्हीं के चैनल पर देखने को मिल सकती है एंड हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका जो हिंदी डब वर्जन वाला आपको ये नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल हो सकते हैं फिलहाल कोई अपडेट है नहीं बट जैसे कोई अपडेट आती है तो उसकी अपडेट यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड कराने की मेरी तरफ से पूरी की पूरी यहाँ पर कोशिश की जाएगी बट अगर आपको अभी देखना चाहूँ तो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि ऑफिस में कोई नेटफ्लिक्स पर जाकर देख लीजिएगा आपके लिए काफ़ी बेहतरीन की मूवी रहने वाली है बात करें सेटेलाइट चैनल की अगर तेलगु तामिल वर्जन की अगर बात करें तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें जो सेटेलाइट जो राइट्स है दोस्तों पर तेलुगु तमिल वर्जन की तो उसको जमीन टी वी नेटवर्क के द्वारा खरीदी हुई है तो ये फिल्म आपको आने वाले दिनों में उनकी ही सेटेलाइट चैनल पर उसका प्रीमियर वगैरह देखने को मिल सकती है और इसके अलावा अगर आप लोग तेलुगु तमिल लैंग्वेज के साथ देखना पसंद करते हो तो बट तो नेटफ्लिक्स पर जाकर वाच कर सकते हो दोनों ही लैंग्वेज के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों दोस्तों मूवी की अगर बात करें कास्टिंग के ऊपर और डिटेल करते हैं उसके बाद प्रॉपर वे के साथ यहाँ पर बात करने वाला मूवी के प्रोडक्शन के ऊपर तो सबसे पहले कास्टिंग के ऊपर डिटेल करते हैं तो सबसे पहले बात करें मेगा स्टार चिरंजीवी तो मेगा स्टार चिरंजीवी के अलावा रबी तेजा सूरती हसन कैथरिन त्रिजा राजेंद्र प्रसाद प्रकाश राज, राज अनुभवी शिमा इसके अलावा बोवी श्री शास्त्री नसर सत्यराज वैलना किशोर सब्बा राजू श्रीनिवास रेड्डी संपद गिरी सकला संकड़ इसके साथ ही प्रदीप रावत राजेंद्र जयप्रकाश प्रभुषिनु मोनोवाला झांसी रघु बाबू कल्याणी नटराजन बी एपी अनिश माइकल मिम्मी गोपी जॉन विजय सूढ़िया परवीन अनिश कुरुला विनय वर्मा वासु इंतुरु, चमक चंद्रा मैथ्यू साथ ही में केंद्र शंकर पोदानी कलावती उर्वश रोटा लगा इस फिल्म कैज है मतलब इस फिल्म में आपको उनके एज ए कैम अपरेंस देखने को मिल जाती है गाने के अंदर तो ये सभी आपको कलाकार इस फिल्म में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको जितने भी कलाकार आपको देखने को मिल जाती है जो कि आज के डेट में सभी के सभी कलाकार आपको एक बहुत ही बड़ी एक्टर माने जाते तो इसीलिए भी आपको बजट देख सकते हो कि मूवी का जो बजट वो टोटल कितना था इसलिए कास्टिंग को भी मतलब साइन करते हुए मूवी का जो उनका जो फीस होता है उसको कंसिडर करें तो उसको ए, जस्टिस करता है इस तरह की बजट तो एक सौ फोर्टी बजट के साथ उसको बनाए थी और काफ़ी सारे बड़े बड़े आपको यहाँ पर एक्टर वगैरह देखने, तो तो देखने को मिल जाती है तो इसी अंदाज़ा लगा सकते हो फिल्म में आपको किस तरह की कंटेंट या फिर बात करें स्टोरी वगैरह देखने को मिल जाती है एंड कैरेक्टर की अगर बात करें कौन सा किरदार प्ले करें मूवी के अंदर तो या फिर बात करें मेगा स्टार चिरंजीवी तो मेगा स्टार चिरंजीवी फिल्म में एज अ वल्तर विडय का कैरेक्टर देखने को मिलेंगे इस फिल्म में जो कि एज अ गैंगस्टर का कैरेक्टर प्ले करे इस फिल्म में और इसके अलावा बात करें रवि तेजा की तो रवि तेजा फिल्म में जो ए सी पी विक्रम सागर आई पी एस का रोल निभा रहे इस फिल्म में जहाँ पर वल्तर विडैया या फिर विक्रम सागर की अगर कर बात करें तो दोनों का ब्रदर का रिलेशन रिलेशन हमें यहाँ पर इस फिल्म में दिखाया गया so, है दोस्तों सूरती हसन फिल्म में रोजेंट आदि के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कैथरीन त्रिश फिल्म में डॉक्टर नित्या जो कि विक्रम के वाइफ के कैरेक्टर प्ले करें फिल्म में राजेंद्र प्रसाद फिल्म में संबिकित के कैरेक्टर प्ले करे प्रकाश राज कि मूवी के अंदर से नेगेटिव रोल देखने को मिलेंगे उस फिल्म में बॉबी सिम्बा का भी नेगेटिव कैरेक्टर देखने को मिल जाती है जो कि माइकल का ब्रदर यानी कि सलवन का कैरेक्टर प्ले करे उस फिल्म में साथ ही बात करें नसर की तो नसर फिल्म में जो कॉन्स्टेबल कोटा राव के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे सत्या राज फिल्म में जो सत्या मूर्ति के कैरेक्टर प्ले करें उस फिल्म में जो कि आपको एक छोटा सा या फिर कह सकते हो एक्सटेंडेड कैमियो उसका देखने को मिल जाता है उस फिल्म में जो कि ये रोल काफ़ी छोटा देखने को मिल जाता है इसी वजह से आपको एज ए एक्सटेंडेड कैमियो के कंसिडर करके आपको ये फिल्म देखनी चाहिए अगर आपको उनके लिए फिल्म देखना देखना चाहते हो तो वेलाना किशोर की बात करें तो बेलाना किशोर एज ए फिल्म एज सपीता जो कि ब्रादर ने को कैरेक्टर प्ले करे तो उस कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर बात करें वेलाना किशोर की तो जब भी ये कैरेक्टर आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगी तो डेफिनेटली ये कैरेक्टर आपको हंसाएगी उनके कॉमेडी बड़े डायलॉग उनके कॉमिक टाइमिंग तो ये सब चीज़ है उनकी अगर मिला के अगर बात करें तो डेफिनेटली आपको पर्दे पर हंसाने वाली है, ये कैरेक्टर मूवी में सब बड़ा जो फिल्म में जो इंडो के कैरेक्टर में देखने को मिल जाती है श्रीनिवास रेड्डी फिल्म में है वल्टर वीराई के फ्रेंड का रोल प्ले करे संपत गिरी का भी वही काम है वल्टर बीराई का कैरेक्टर यानी कि फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं एंड सकला शंकर फिल्म में वल्टर वीराई का ही फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करे प्रदीप रावत फिल्म में है वल्टर बीराई का मतलब वल्टर बीराई का वल्टर बिरया का ही फ्रेंड ये भी प्ले करे उस फिल्म में राजेंद्र फिल्म है गुड्डू मनी के कैरेक्टर में देखने को मिल जाती है जयप्रकाश फिल्म में हाई कोर्ट के जज के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं साथ ही बात करें है की तो परवर फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले कर रहे बिजू का मनोबला फिल्म में के मूर्ति यानी कि जज का कैरेक्टर प्ले कर रहे बाबू फिल्म में एज ए डिफेंस लॉयर के कैरेक्टर में देखने को मिल जाती है कल्याण नटराजन फिल्म में जब विक्रम का मदर का रोल प्ले कर रहे और बी एस अभिनेश फिल्म में जय वलपन कुरूपन के कैरेक्टर देखने को मिल जाती है जो कि माइकल का जो कि बिजनेस पार्टनर के कैरेक्टर प्ले करे वही माइकल जो कैरेक्टर प्ले करे प्रकाश राज जो कि नेगेटिव कैरेक्टर है तो उसका जो बिजनेस जो भी संभालते तो इस ये कैरेक्टर हमें उस फिल्म में देखने को मिल जाती है वो सभी चीज़ें संभालते हुए मिम्मे में गोपी फिल्म दास का कैरेक्टर में देखने को मिल जाती है जॉन विजय फिल्म से अब्दुल्ला का कैरेक्टर प्ले कर जो कि माइकल का असिस्टेंट है उस फिल्म में सोडिया फिल्म रिटर्न ऑफिसर का कैरेक्टर देखने को मिल जाती है परवीन फिल्म या पुलिस ऑफिसर के, के, के रोल प्ले कर रहे अनिश कुरविल्ली फिल्म में एज़ नेवी ऑफिसर का कैरेक्टर देखने को मिल जाती है विनय राय फिल्म में जो पुलिस एसपी के कैरेक्टर प्ले कर वासु इंट्री फिल्म में जैसे प्रेस्ट के कैरेक्टर में देखने को मिल जाती है चमक फिल्म में जो चंद्रा के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं साथ ही बात करी मैथ्यू वर्गी की तो जो को यानी जॉइंट कमिश्नर का कैरेक्टर प्ले कर करें बाकी केदार और शंकर की बात कर दो नितिया का मदर का रोल प्ले कर करें प्रमोदी फिल्म में संगीता का वाइफ कैरेक्टर कैरेक्टर को देखने को मिल जाती है ना ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओड वैसे रोटाला का मतलब इस फिल्म में उनका आइटम गाने के अंदर उनका कैम्य अपने देखने को मिल जाती है तो ये सभी चीज़ें आर्टिस्ट वगैरह देखने को मिल जाती है एंड ओवरऑल सभी की परफॉर्मेंस की अगर कर बात करें तो आपको सभी की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी डिसेंट से देखने को मिल जाती है इस इसमें सिर वलते राय की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आपको कमाल लेवल के इस फिल्म में देखने को मिल जाती है बाकी सूरती हसन का भी काम ओके ओके था कैथरीन त्रिशा का भी मेरे ख्याल से काम ठीक ठाक देखने को मिल जाती है बाकी राजेंद्र प्रसाद का काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फिल्म में उनका जो रोल काफ़ी देखने लायक है मूवी के अंदर जो कि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खास इंगेजिंग भी बना बनाकर रखती है इसके अलावा भवि सिंघा बोवी सिंबा की अगर बात करें तो उसका भी काम मेरी नज़र इससे काफ़ी परफेक्ट थी उनकी एक्शन वगैरह काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है उनके डायलॉग वगैरह भी आपको मूवी के अंदर काफ़ी बेहतरीन सुनने को मिलती हैं पविश रिश्ता का काम भी ठीक ठाक था देखने लायक था फिल्म में नसर का, का काम बहुत ही फंटास्टिक लेवल का था सत्या का, का काफ़ी कॉमेडी क्रिएट करने में ये भी कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपको आसानी वाले तो इसका काम मेरी नजर से काफ़ी ठीक ठाक था वेनाना किशोर का फंटास्टिक लेवल था आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस किया है उनकी परफॉर्मेंस के साथ डायलॉग डिलीवरी या फिर कॉमिक टाइमिंग जो भी ले लो उनकी आपको परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली याद रखने लायक इस तरह से उन्होंने इस फिल्म के अंदर परफॉर्मेंस किया है दोस्तों सब्बा राजू का काम मेरे ख्याल से ठीक ठाक था देखने लायक था एक बार और इसके साथ ही बात करें श्रीनिवास रेड्डी का तो उसका काम मेरी नज़र ये परफेक्ट था कला का भी काम ठीक ठाक था एंड कॉमेडी क्रिएट करने एज़ ए वल्टर विराय का जो कैरेक्टर में जो फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं तो उस हिसाब से कैरेक्टर वाइज काफ़ी आपको जस्टिस दे पाती है एक्शन वाइज या फिर कॉमेडी वाइज़ या फिर परफॉर्मेंस वाइज़ ये सभी चीज़ें आपको अगर ध्यान में रखते देखने वाले तो ये सभी आर्टिस्ट वगैरह को या फिर एक्टर वगैरह को तो आपको इनकी भी परफॉर्मेंस आपको सभी अच्छी देखने को मिल जाती है प्रदीप का काम ठीक ठाक था राजेंद्र का काम बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती जो कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक गूसबम भी दिलाती है उस फिल्म में बाकी इस जितनी भी आपको आर्टिस्ट वगैरह या फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो भी सपोर्टिंग रोल वगैरह प्ले करें मूवी के अंदर सभी की परफॉर्मेंस आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है अगर मेरे नजर से देखने वाले तो ओवरऑल अगर सभी के परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी ने अच्छा काम किया इस फिल्म में दोस्तों और दोस्तों मूवी अगर प्रोडक्शन के ऊपर अगर बात करते हैं अब तो ये दोस्तों मूवी की प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो जहाँ से मूवी को अनाउंसमेंट वगैरह की हुई थी प्रोडक्शन कंपनीज ने पर बात करी मेकर्स प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से जो कि अगस्त साल दो को मूवी का अनाउंसमेंट किया गया था चिरंजीवी एंड के एस रजेंद्र चंद्र जो कि उन्होंने ऑलरेडी और एज के साथ उन्होंने वर्क करी हुई थी जो कि मेगा अम्बिका फिफ्टी फोर टाइटल के साथ तो उन्होंने एज ए फिल्म को कंप्लीट करी हुई थी साथ से जो मूवी का जो वर्किंग टाइटल होती है तो उसके साथ ही मूवी का जो पोषण वगैरह था कुछ कुछ सूट ऑलरेडी हो चुके थे तो उन्हें एक्टर के बीच उसके बाद अंडर द प्रोडक्शन ऑफ मायत्री मूवी मेकर्स इस चीज़ को ऑफिसियली लॉन्च खड़ी हुई थी नवम्बर साल दो को जो कि अप्रैल साल दो को चिरंजीवी ने इंटरनेशनी उन्होंने रिवील करी हुई थी एज अ टाइटल को एज ए विल्टर एंड एज अ वल्टर टाइटल रिवील की हुई थी और कन्फर्म की हुई थी जैसा अक्टूबर के साथ ही उसके अलावा बात करें रविचंद्र जो कि राइटर इस फिल्म के लिखे हुए थे जो कि स्टोरी के अलावा उनके डायलॉग भी हमें सुनने को मिल जाती है इसके अलावा उसके अलावा आपको जो राइटिंग या फिर डायलॉग में जो इम्प्रूवमेंट करने के साथ जो कम्प्लीट करी हुई है आ, कुना बैंकेट के चक्रवर्ती रेड्डी एंड आर्थन विलियमसन को ऐजा साइन करी हुई थी सिनेमाटोग्राफी के लिए और ये अगर बात करें बॉबी सिंबा और या बस सिनेमाटोग्राफी की तो उनका काफ़ी ऐसा मतलब कोलावरेट ऑलरेडी हमें दे, देखने को मिल चुकी थी उसके बाद पावर द सरदार सिंह जैसे कि ऑलरेडी उन्होंने एडिट करी हुई थी निरंजन ने और इसीलिए इसमें को ऐसा साइन हुई थी एंड इन मार्च आ, इन मार्च साल दो को एज ए रवि तेजा को एज ए कास्ट खड़ी हुई थी एज़ ए रिटर्निंग जो कि ऑलरेडी उन्होंने बाईस साल उन्होंने काम करी हुई थी एक फिल्म में जो कि चिरंजीवी एंड रवि तेजा को हम पर्दे पर देखने को मिली थी साल दो हज़ार यानी कि साल 2000 मेरे ख्याल से 2000 में जो फिल्म आई थी अनन्नया तो उस फिल्म में दोनों का हमें जोड़ी देखने को मिली मिली थी एंड फिर से बाईस साल बाद उन दोनों की इस फिल्म में उनका दोबारा कोलेबरेट देखने को मिली इस फिल्म में उसके बाद जो कि ऑलरेडी उन्होंने रवि तेजा के द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपना जो कैरेक्टर था उसको रिवील करते हुए बताया था कि इस फिल्म में उनका जो काफ़ी अच्छा रोल होने वाले वाली सासद जो रोल प्ले करने वाले पुलिस ऑफिसर का तो इस तरह की ऑलरेडी जो हिंट ऑलरेडी दे चुके थे इंटरव्यू के दौरान उसके अलावा फिर से उनको कास्ट वगैरह कड़ी हुई थी सूरती हसन को एज़ ए एस्पायर्ड अपोजिट यानी कि एस्पायर्ड अपोजिट कास्ट कड़ी हुई थी रवि तेजा को यानी कि सूरती हसन को इसके अलावा रवि तेजा की अगर बात उनको अपोजिट कास्ट कड़ी हुई थी कैथरीन त्रेशा को उसके अलावा अगर बात करें मूवी की तो सबसे पहले बात करें जो कैरेक्टर प्ले करने वाले थे प्रकाशराज तो उस कैरेक्टर को लिए सबसे पहले जो आ, अप्रोच किया गया था नवजन सिद्दीकी को बट उस फिल्म को आ, किया गया था जैसे कि नेगेटिव रोल के लिए, जैसे कि आप सबको पता कि अटनो रोल के लिए उनको सबसे पहले अप्रोच किया गया था बट बाद में उस रोल को जो कंफर्म करे उनकी रिप्लेसमेंट में हमें यहाँ पर भविष्य में देखने को मिली हुई थी साथ ही में मलयालम एक्टर और बिज्जू मैन उनको एज ऑल्सो ऑफर की हुई थी इस रोल के लिए बट उस फिल्म ने भी उनको उसके रिप्लेसमेंट में जो जो प्रकाश राज प्ले कर रहे वो सॉरी मैं थोड़ा सा आपके बताने में मिस्टेक हो चुका हूँ तो जो नवाजुद्दीन ना, सिद्दी को जो कैरेक्टर ऑफर करी खड़ी हुई थी तो उसको सबसे पहले ऑफर करी हुई थी कौन से कैरेक्टर जो कैरेक्टर मूवी के अंदर प्ले करे बॉबी सिम्बा तो उस कैरेक्टर को यहाँ पर हायर की हुई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को और जो कैरेक्टर प्ले करे मूवी के अंदर प्रकाश राज तो उस कैरेक्टर को मलयालम एक्टर बिजू मैन को सबसे पहले ऑफर करी हुई थी उसको उसको ऑफर करी हुई थी बट उसके शेड्यूल ना मिलने होने की वजह से यहाँ पर उसको बाद में फाइनलाइज करके यहाँ पर प्रकाश राज को साइन करी हुई थी साथ ही में नवंबर साल दो हज़ार बाईस को अगर उर्वे से रोटालो को अगर साइन करी हुई थी एज मूवी के अंदर स्पेशल अपेयरेंस एज ए आइटम मतलब आइटम सॉन्ग के अंदर उनको अप्रोच किया गया था एंड उसका भी आपको गाना ऑलरेडी सुनने को मिल चुकी थी और इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उस वीडियो में इसके अलावा मूवी की अगर बात करें पेंसिल फोटोग्राफी की तो उसको दिसंबर साल दो को हैदराबाद के अंदर शूट करी हुई थी जहाँ पर अप्रैल साल दो को मूवी का जो सेकेंड शेड्यूल था उसको उस शेड्यूल से उस सेट के साथ यहाँ पर बात करें शेड्यूल में जॉइन हुई थी सूरती हसन इसके साथ बात करें वेंकटापूरम इन जुलाई साल दो को जो मूवी का जो थर्ड शेड्यूल था उस शेड्यूल के साथ उन्होंने रबीती जा ज्वाइन हुई थी सेट के साथ एंड यहाँ पर शेड्यूल ऑल्सो जो सेट था मलेशिया में था तो ये सभी चीज़ें आपको प्रोडक्शन के अंडर जो सभी चीज़ें डिटेल आती है तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिली है एंड में आपको काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स भी जानने को मिले क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कैरेक्टर कौन कौन से प्ले करने वाले तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बा, बाती के अंदर ये सभी चीज़ें आती हैं तो ऑलरेडी मैं आपको सभी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पर बात करें मूवी की गाने वगैरह की तो दोस्तों मूवी के अंदर आपको टोटल गाने की अगर बात करें तो टोटल सभी गाने आपको पाँच देखने को मिल जाती हैं एंड अगर आप इन सभी गाने को देखना चाहते हो तो ये सभी गाने आपको पर देखने को मिल जाएंगे आप इन सभी गाने को वीडियो फॉर्मेट के साथ यूट्यूब पर ऑफिशियल देख सकते हो यूट्यूब पर ऑफिशियल अवेलेबल है तो आप इन सभी गाने को वल्टर वीरो फिल्म अवेलेबल है सभी गाने को देख सकते हो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो माइथल मूवीज़ के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो इसके अलावा मूवी की अगर बात करें इसके अलावा दोस्तों अगर मूवी की डिटेल के साथ अगर बात करें मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट ऊपर बात करते हैं तो दोस्तों वल्टर बड़े या फिल्म की डायरेक्शन की अगर बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि वो भी की बात करी कोहली की उनकी वर्क की अगर बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन काफी अच्छी थी मूवी के अंदर जो भी एक्शन के लिए जो कि डायरेक्टर को हायर कर दी हुई थी कोरियोग्राफर के लिए तो भी काफी नेक्स्ट लेवल की थी एंड मूवी का जो क्लाइमैक्स आपको देखने को मिल जाती है जो कि डायरेक्टर के द्वारा जो शूट करी है उस मूवी के अंदर तो क्लाइमैक्स आपको डेफिनेट पसंद आएगी मेरे ख्याल जो कि एक्शन देखने को मिल जाती है जो कि बड़े स्केल पर एक्शन वगैरह को या क्लाइमैक्स को जो शूट करी किया है दोस्तों तो वो सभी चीजें आपको मूवी को अच्छा खासा दिलाती है उस टाइम आपको एक मूवी तो का पसंद आएगी जिस तरह से मूवी जो जो के तो है बाकी बोवी कली की आपको डायरेक्शन आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल के देखने को मिल जाती है अगर बात करें स्टोरी आइडिया की तो तीन राइटर ने मिलकर लिखी है इस फिल्म को बोवी कोहली के अलावा कोना बैंकेट के चक्रवर्ती रेड्डी ने लिखी है तो ये सभी चीज स्टोरी ने लिखी है सांस द्वारा भी आपको डायलॉग वगैरह भी आपको को मिल जाती है तो यह डायलॉग वगैरह भी मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी थी और स्पेशली अगर बात करें हिंदी डब्ड डायलॉग की तो वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी थी एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट के द्वारा डबिंग आर्टिस्ट के द्वारा डबिंग कंप्लीट करवाई थी और जो आर्टिस्ट रवि तिजा को आवाज़ दे रहे थे अमर बबड़िया तो उसी वॉइस आर्टिस्ट के द्वारा ही मूवी के जो डबिंग था वो कंप्लीट करवाई गई थी और हिंदी डबिंग की बात करें तो भी आपको हिंदी डबिंग भी आपको काफ़ी बेहतरीन सुनने को मिलेगी इस फिल्म में और साथ ही बात करें मूवी के सिनेमाटोग्राफिक की तो अगर आपको बजट के अगर और गर रिपीट कर दे दोबारा तो वन फोर्टी करोड़ के बजट के साथ इसमें को बनाया गया था और इस बजट के साथ उस लेवल के आपको एक्शन देखने को मिल जाती है उस लेवल के एक्शन स्टैंड देखने को भी मिलती है और उस लेवल की आपको सिनेमाटोग्राफिक भी आपको देखने को मिल जाती है तो अगर आप लोग अभी मूवी नहीं देखी हो तो आपको ट्रेलर अगर आप लोगों ने देखा है तो उसको स्केल से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि सिनेमाटोग्राफिक कितनी बारीकी से देखने को मिलती है बाकी बड़ी किसी किस लेवल की सिनेमाटोग्राफिक फिल्में डाला गया है दोस्तों जो कि देखने में काफ़ी अच्छा और मूवी को इंगेजिंग बनाती है मूवी को विजुअलाइज भी और भी देखने में काफ़ी सुंदर बनाती है मेरे ख्याल से जिस हिसाब से मूवी के अंदर जो सेटअप वगैरह देखने को मिल जाती है तो ये सभी चीज़ें पॉसिबल होता है अच्छी सिनेटोग्राफिक के ही जरिए तो ये सभी चीज़ें आपको मूवी के अंदर नोटिस करके अगर आप लोग देखने वाले तो ये डेफिनेटली आप लोग देखने वाले हो तो तो डेफिनेटली चीज़ों को भी नोटिस करके देखिएगा तभी आपको मूवी का देखने का एक्चुअल सिनेमाटोग्राफिक एक्सपेयर करने का आपको मौका भी मिले या फिर आपको जानने को भी मिले तो सिनेमाटोग्राफी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाती है बात करें मूवी की एडिटिंग की तो मेरे ख्याल से मूवी का एडिटिंग काफी अच्छा था जिस तरह से मूवी का प्लॉट हमें देखने को मिल जाती है उस हिसाब से अगर मूवी की अगर बात करें रन टाइम की अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत बात करें तो मूवी के अगर रन टाइम अगर और छोटा मेरे ख्याल से किया जा सकता है तो बेटर हो सकती है क्योंकि दोस्तों मूवी का जो फर्स्ट हाफ था मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं बट मूवी का जब सेकंड हाफ देखने को मिल जाती है फास्ट फेजिंग देखने को मिलती है एंड काफ़ी इंगेजिंग भी नज़र आ रही थी तो इसीलिए अगर आप सेकेंड हाँ यानी फर्स्ट हाफ को अगर आप थोड़ा बहुत ट्रीम करके मूवी को अगर छो अगर ट्रिम करके छोटा किया जा सकता तो मूवी मेरे ख्याल से और भी बेटर हो सकती है एंड मेरे ख्याल से जो मूवी के अंदर जो गाने वगैरह डाले गए तो मेरे ख्याल से वे फजूल सभी गाने डाले गए अगर मूवी के अंदर ये सभी गाने ना भी होते तो मेरे ख्याल से परफेक्ट रहते मूवी की एंड मूवी के अंदर दो ही आपको गाने सुनने को मिल जाते हैं जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी थी जबकि रवि तेजा चिरंजीवी जो गाना गा रहे हैं उसी गाने में आपको जो अच्छा सा घुसबम दिला सकती है बाकी अगर गाने की बात करें तो मेरे ख्याल से अगर ये सभी गाने को मूवी का अगर नहीं डालते तो मेरे ख्याल से और भी बेटर हो सकती है बट मेकर्स का अलग अलग चॉइस होती है बट मेरा काम है बताना तो मैं आपको बता रहा हूँ बट ये सभी चीज़ आपको मूवी को कंसिडर करके ही देखनी चाहिए बाकी आपको सभी रेडिंग भी आपको बेहतरीन देखने को मिल जाती है एंड मूवी का ऑलरेडी बता चुका कि सेकेंड हाफ मुझे कुछ खास लगे बस मूवी का जो मूवी का सेकंड हाफ को डेफिनेटली पसंद आएगी और काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग भी है मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर डिटेलिंग करते हैं तो दोस्तों मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं उस फिल्म में हमें बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर इवन बात करें कंपोजिंग की बीजीएम की तो ये सभी चीज़ों का काम किया है दोस्तों देवी श्री प्रसाद ने तो आपको आइडिया होने वाली है कि देवी श्री प्रसाद किस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर है किस लेवल की बैकग्राउंड म्यूजिक देते तो आपको उस लेवल की एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस फिल्म में आपको उस लेवल की बीजीएम दिया है इस फिल्म में आपको सुनने में भी मज़ा आएगा और मसाला इंटरटेनर एक्शन थ्रिलर फिल्म के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन बिजीम डाले गए इस फिल्म में एक एक एलिमेंट आपको मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा घोष बम दिलाएगी एंड काफ़ी अच्छा खासा एक देखने का जो इंटरेस्ट होती है जो इंगेजिंग बनाती है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक के जरिए भी वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है एंड अच्छा माहौल सेट करती है बैकग्राउंड म्यूज़िक के ही ज़रिए तो ये सब चीज़ें इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक काम करती है इस फिल्म में जो कि सुनने में और मूवी देखने में और भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस बढ़ा देती है इस फिल्म का और इंटरेस्ट या फिर इंगेजिंग भी बनाती है तो ये सभी चीज़ें काम कर जाती है इस फिल्म के साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको काफ़ी बेहतरीन सुनने को मिल जाती है दे, देवी श्री प्रसाद ने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड अच्छा खासा एक ब्लॉक टाइप ब्यूजियम भी देने में कामयाब हुई है, है इस फिल्म में एंड पर बात करें गाने की तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पाँच गाने इस फिल्म के अंदर टोटल सुनने को मिलेंगे जहाँ पर सभी गाने की टाइटलों की अगर बात करें तो सबसे पहले गाने का नाम था बॉस पार्टी जो कि इस गाने के अंदर आपको रोटाला का इस फिल्म में आपको उनका इस गाने के अंदर कैमियो प्रिंट देखने को मिल जाती है दूसरी गाने के टाइटल की बात करें तो श्रीदेवी चिरंजीवी गाने का टाइटल का नाम था और तीसरी गाने की बात करें तो जो कि मूवी का टाइटल सॉन्ग था विरैया और बात करें चौथे गाने की तो पुना कालो जो कि लोडिंग पूना कालो लोडिंग इस गाने के अंदर जो रबी तेजा या फिर बात करें मेगा स्टार चिरंजीवी की जो दोनों का डांस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हो तो ये गाना आपको गोजबम दिला सकती है मूवी में और दूसरी गाने की ने की बात करें पाछू गाने की टल की तो नीमा को गाने का टाइटल का नाम था और ये भी गाना आपको मेरे ख्याल से कुछ खास लगा इस मूवी के अंदर एंड सभी गाने की अगर करे, बात करें लेंथ वगैरह की तो सबसे सब पहले बॉस पार्टी के गाने का लेंथ था तीन मिनट बीस सेकेंड के आसपास उस इस गाने के जो लिरिक्स को लिखे थे देवी श्री प्रसाद ने ही और देवी श्री प्रसाद के द्वारा गाया था और इसके अलावा नाकिश अजीज भी देखने को मिल जाते दूसरी गाने की बात करें तो टू अंठावन सेकंड के आसपास था और इस गाने के लिरिक्स को लिखे थे देवीश्री प्रसाद ने ही और इस गानों के गाया था दोस्तों जसप्रीत और सम्राज भरदवाज ने दूसरे गाने की यानी कि तीसरे गाने की बात कर लेंथ की तो चार मिनट के आसपास देखने को मिल जाती है और चंद्र बोस ने सभी गाने को लिरिक्स को लिखे थे और अनुराग कुलकर्णी ने या फिर पवित्रा चत्री के द्वारा इस गाने को गाया था और पाँच यानी कि चौथे गाने की बात करें तो टोटल थ्री अट्ठारह तीन मिनट अठारह में के आसपास हो जाती है और इस गाने के लिए उसको लिखे थे रोल रिड्डा ने और इस गाने को जो गात और रोल गाया था सो राम मिरैया और रोल मीरडा के द्वारा गाया था पाछू गाने की बात करें तो लगभग आपको तीन मिनट पच्चीस सेकंड के आसपास देखने को मिल जाती है और इस मिलेगी रबी वैसरो की और इस फिल्म में जो गाने आपको सुनने को मिलेगी उन सभी गाने के अंदर जो आपको टो टोटल जितनी भी सॉन्ग्स है उन सभी के अंदर जो म्यूजिक सुनने को मिलेगी आपको मनही शर्मा की आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगी इस फिल्म को दोस्तों वैश्नेवी इंटरप्राइज उदय के मेहता प्रोडक्शन बैनर

करिए तो डेफिनेटली इस रिलीज डेट के ऊपर बहुत ही मतलब थोड़ा तो डिटेल देने वालों को पता नहीं तो मैं आप सभी को नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा इस डेट पर काफी सारी फिल्में आ रही है दोस्तों जी हां सो लाइक हर एक से ले लो लाइक हिंदी इंडस्ट्री के ले लोक कैनडा की अब मार्टिन ले लो सभी मतलब इंडस्ट्री की बात करें तो सभी इंडस्ट्री की इस डेट पर मतलब काफी सारे ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है और जहां पर इस फिल्म के मेकर्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस डेट पर इस फिल्म को रिलीज करना चाहेंगे बिकॉज हिंदी की अगर बात करें हिंदी में यहाँ पर काफी सारे फिल्म लाइक यहाँ पर उसे मैंने महीने पर रिलीज आपको देखने को मिलती है मतलब काफी सारे ऐसे लाइनअप आप आपको देखने को मिलेगी लाइक उस डेट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एनिमल और भी कई सारी फिल्में आ रही है और साथ ही तेलुगु तमिल में भी रिलीज डेट मतलब इस डेट को ये फिल्म आ रही है लाइक सालार भी रिलीज होगी उसी मतलब महीने में रिलीज हो रही है तो मेकर्स नहीं चाहेंगे कि इतने बड़ी गलती करेंगे बाकी देखते कि क्या मेकर्स का डिसीजन रहता है क्या मेकर्स इसी डेट को इस फिल्म को रिलीज करते हैं रिलीज करवाते हैं कि नहीं तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर इस डेट को ये फिल्म अगर आ भी जाती है मैं कहूंगा कि मेकर्स बहुत ही बड़ी गलती करने वाले बिकॉज मेकर्स को एक अच्छा डेट सेलेक्ट करके इस फिल्म को रिलीज करना चाहिए बिकॉज इस फिल्म का हाइप काफी मतलब अलग लेवल पर है हर एक लाइक हर एक ऑडियंस के बीच इस फिल्म का हाइप काफी तगड़ा है तो मैं कहूंगा की एक अच्छे से डेट्स के साथ आओ ये एटलीस्ट ये डेट के साथ आओ कि इस डेट के यानी कि जो डेट आप रिलीज करो जिस डेट पर आप इस फिल्म को ला रहे हो ये देखोगे कि उस डेट पर कोई बड़े स्टार की फिल्म आ रही है कि नहीं तो अगर नहीं आ रही तो उसी डेट कि उसी डेट को ये फिल्म रिलीज करना चाहे और फिल्म ही चाहें कि को किसी भी एक फेस्टिवल को टारगेट करके रिलीज करे बाकी देखते हैं जो डिसीजन लिया है मेकर के वो सही है या फिर उसको गलत मतलब होता है कि नहीं तो वक्त ही बताएगा बाकी तो ये फिल्म जो अभी ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट किया से मेकर बीस दिसंबर को ही आप इस फिल्म देख सकते हो सिनेमाघरों में और सभी भाषाओं के साथ अभी भी कंफर्म है को

इंटरेस्टिंग होगी कि सालार का ट्रेलर रिलीज डेट को भी अनाउंसमेंट किया गया जहाँ पर इस वीक यानी किसी महीने के एंड तक इस फिल्म का यानी कि सालार फिल्म का ट्रेलर को रिलीज की जाएगी और जिसको मेकर्स या फिर ऑफिशियली तो कन्फर्म नहीं किया है बट सोर्स काफ़ी तगड़ा है कि इस फिल्म का ट्रेलर आपको इसी महीने यानी कि आपको देखने को मिल सकता है मे बी आपको आई थिंक अक्टूबर महीने के अट्ठाईस सत्ताईस तारीख को मे बी सालार फिल्म का ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा तो ये काफ़ी तगड़ा रूमर्स है बाकी देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो दोस्तों आपको इस फिल्म कास्ट में नजर आएंगे ध्रुव शारजा वैष्णवी संधालिया अविनेश जैन एंड सरिक्ता वागले चिकेनना शु कोकीला मलविका अविनेश अचयत कुमार एन निकित दे नवाब शाह एंड रोहित पाठक एंड नेथेन जॉनस और आदिर शाह कैरेक्टर की बात करें तो हालांकि सभी का कैरेक्टर कन्फर्म नहीं है बट कुछ कुछ का ऑलरेडी हो चुका है लाइक दो तीन का ऑलरेडी हो चुका है सबसे पहले बात करें मेन लीड हिरो की यानी कि ध्रव शारजा की अगर बात करें तो इस फिल्म में अर्जुन के रोल में जाएंगे इसके साथ ही अगर बात करें अचंत कुमार की तो अशोक कुमार के रोल में जाएंगे बेसिकली नेवी ऑफिसर का रोल है इस फिल्म के अंदर बाकी रोहित पाठक की अगर बात करें तो एक पाकिस्तान सोल्जर है कि रोल में नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर बाकी आदर शाह की बात करें उसको ऑलरेडी कन्फर्म हो जाए कि बेसिकली एक फ़ाइटर होने वाले इस फिल्म में बाकी ही मतलब कुछ ज, ज, जैसे कि मैंने आपसे बता चाहूँ कि दो या तीन का कैरेक्टर कन्फर्म हुआ बाकी का पता नहीं चला बाकी आने वाले जैसे जैसे ट्रेलर रिलीज हुए उसके बाद ही पता चले कि बाकी हालांकि मेकरस के द्वारा कुछ भी मतलब अपलोड वगैरह नहीं किया गया था एटलीस्ट ऐप पर कुछ ही दिन पहले इस फिल्म की एक पोस्टर जारी करके इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंसमेंट किया गया है तो देखते हैं मेकर्स इसी भी और कुछ अपडेट वगैरह देते हैं तो डेफ़िनेटली इसकी भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर तो अपडेट वगैरह को पाना चाहते हो अपडेटेड रहना चाहते हो तो अगर आपसे मैंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगा कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ से जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कि हर वीडियो की अपलोड या फिर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसके साथ अगर दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की ट्रेलर सॉरी टीज़र की अगर बात करें ब्रेक डाउन करें टीजर के अकॉर्डिंग किसकी मतलब क्या क्या देखने को मिलती है उसके बारे में बात करें तो टीज़र के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर फाइट सीक्वेंसेस देखने को मिलती हैं जो कहूँगा कि काफ़ी अच्छा थे और ट्रेलर को भी लोगों ने बेहतरीन का रिस्पॉन्स मिला लाइक अभी ट्रेलर को यूट्यूब पर अगर व्यूज़ चेक करना चाहोगे तो आई थिंक आपको नाइन्टी मिलियंस के पार या फिर उससे नीचे आपको व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वाकई इस फिल्म को लेकर खासकर नॉर्थ के यानी कि हिंदी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उनमें से मैं भी हूँ बिकॉज टीज़र काफ़ी अच्छा था टीज़र था, इस हिसाब से टीज़र को होना चाहिए तो ऐसा ही इस फिल्म का टीज़र को हुआ है लोगों को फिल्म देखने का जो टीज करना है इस फिल्म के डीज़र ने वो काम करके दिखाया है जो कहूँगा कि एक फिल्म के लिए एक बहुत ही अच्छी यानी कि एक कमाल का मतलब होता है तो आप समझ जाओ कि, कि मतलब पाइप जो क्रिएट किया है तो वो कहूँगा कि बेस्ट था बाकी फिल्म के टीजर के अंदर हमें एक्शन देखने को मिलता है एक्शन के अंदर हमें ढेर सारा जो और यहाँ पर एकशनस के अंदर आपको टीज़र एंड होते होते आपको जो लास्ट में जो फाइट सी देखने को मिलती है दो बड़े ऐसे फ़ाइटर के भी जो ध्रूप आर्था सा फ़ाइट करते तो वो वाला सीन मेरे ख्याल से थिएटर्स के अंदर तो घूसबम मतलब देंगे और इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल टीज़र की तो ओवरऑल टीज़र काफ़ी अच्छा था एक्शन सब काफ़ी अच्छे थे बट कुछ कुछ जगह ऐसे वी में मतलब नज़र आ रही है कि वी और कमियाँ मतलब नजर आ रही है कि वी एफ काफ़ी कमज़ोर है बट मैं चाहूंगा कि मेकर इसे उसको पॉलिश करे बिकॉज ट्रेलर में तो एटलीस्ट उसको पॉलिश करके एटलीस्ट उसको तो इम्प्रूवमेंट करिए और ताकि उसमें तो एक अच्छा आउटपुट दे बिकॉज वी एफ वगैरह नज़र आती है जब फाइट वगैरह जो गाड़ी वगैरह जो ब्लास्ट वगैरह होती है तो उस टाइम आपको फील होती है कि ये हैवीली वी एफ यूज़ किया गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको ऐसा मतलब रियल काफ़ी तक रखना चाहिए कि हाँ मतलब फ़ील करा रही है कि वी नहीं है तो ऐसा होना चाहिए जो कि आपको होता है ऐसा तो नहीं कि इतनी बड़ी बजट की अगर बात करें एटलीस्ट मूवी के बजट की अगर बात करें तो मेकर्स के द्वारा अभी भी मतलब फाइनल बजट को रिवील नहीं किया गया मूवी का एक्चुअल बजट है कितना बट अराउंड मूवी का बजट 50 करोड़ के अराउंड मूवी का बजट मतलब मेकर्स का यही कहना है कि पचास करोड़ का बजट में भी है बाकी मेकरस ने चे को कन्फर्म नहीं किया बट रूमर्स ये है कि अराउंड पचास करोड़ के बजट के साथ को बनाया गया है बाकी देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि मूवी का फाइनल बजट है कितना और कितने बजट के साथ को बनाया गया है इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म की साउंड ट्रैक तो इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक एल्बम को किया है मनीष शर्मा ने और रवि उष्टर के आपको इस फिल्म में कंपोजिंग बैकग्राउंड स्कोर आपको इस फिल्म में सुनने को मिलेगी और इस फिल्म के सभी म्यूजिक राइट्स यहाँ पर लाहौरी म्यूजिक टी सीरीज के पास है और लाइक टी सीरीज़ के पास हिंदी कनाडा एंड सभी मतलब साउथ इंडियन भाषा के साथ हिंदी लैंग्वेज के राइट्स उन्हीं के पास है और इसके साथ हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो फिलहाल हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी कोई जानकारी वगैरह अभी तक नहीं मिला है कि इसमें को हिंदी में कौन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी किस बैनर के द्वारा की जा सकती है एंड मेरे ख्याल से टी सीरीज ही देखने को मिल सकती है बिकॉज टी सीरीज के पास कोई म्यूजिक राइट्स है तो मे भी हो सकते कि उसके पास इसमें की राइट्स हो डैमिंग राइट्स इंदेमिंग राइट्स हो और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के द्वारा इस फिल्म को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसको हिंदी में रिलीज़ की जाएगी बाकी आने वाले दिन में अभी कन्फर्म बट आने वाले दिन में कन्फर्म हो जाएगा बाकी इस फिल्म के ऑफिशियल बैनर्स की अगर बात करें दो ही बैनर्स हैं इंटरप्राइज़ और है उदय के मेहता प्रोडक्शनस हैं तो मे भी उस में भी हो सकता है कि इन दोनों प्रोडक्शंस को इस को सभी भाषाओं के साथ रिलीज़ करें बाकी मेरी चीज़ को मतलब श्योरिटी मेरे पास है नहीं कि अलग अलग बैनर या फिर इसी बैनर के द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ की जाएगी फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इसके साथ अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की कास्ट की ट्रेलर से ट्रेलर वॉल राउंड टीजर के हिसाब से अगर बात करें इस फिल्म के परफॉर्मेंस की तो सभी की परफॉर्मेंस हमें बेस्ट ही नज़र आ रही है बिकॉज अगर आप लोग टीजर लेवल पर देखते हो एक अच्छे मतलब बार रिपीट रिपीटेड मोड से अगर आप लोग देखते हो तो आपको फिल्म की टीजर के अंदर ऐसे काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें आप नोटिस करते हो और जो कि फिल्म देखने का जो एक्साइटेड है वो आपको काफ़ी हद तक बढ़ा देती है वो ये वो मेरे साथ ऐसा हुआ है जी हाँ सो कुछ झूठ भी बोल रहा हूँ कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है बट जो मुझे सही लगता है वो मैं बोलता हूँ आप मानो या ना मानो बाकी मुझे तो पर्सनल टीजर काफ़ी अच्छा था मुझे क्या सभी को टीजर पसंद आई इवन ऑडियंस की तरफ से भी जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बेस्ट है बेस्ट है जो कि आपको टीजर मतलब व्यूज़ पर ही देखकर आप आइडिया लगा सकते हो हालांकि टीजर के अंदर एक ही टीज़र को रिलीज़ किया गया था और टीजर के द्वारा इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा काफ़ी अच्छा मार्केटिंग स्टेडीज़ यूज़ किया गया जो कि उनमें जो डायलॉग्स हमें सुनने को मिलेगा टीजर के अंदर जो सभी डायलॉग्स सुनने को मिलती है वो इंग्लिश में है जो कहूँगा कि सभी हिंदी ऑडियंस लाइक सभी ऑडियंस के लिए मतलब कनेक्टेड होना काफ़ी हद तक सिंपल हो जाती है बिकॉज इंग्लिश में है सो so ऑलमोस्ट सभी को मतलब इंग्लिश आती है एटलीस्ट अगर वो स्पीक नहीं कर पाते तो डेफ़िनेटली वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या उन्होंने डायलॉग्स के जरिए कहा हुआ है तो ये है बाकी मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा था और इसीलिए एक ही ट्रेलर को रिलीज़ किया मेकर्स के द्वारा जो कि काफ़ी सही डिसीजन एंड सभी यूज़र सभी ऑडियंस उसी ट्रेलर को देखे जो कि रीच वगैरह काफ़ी मतलब बढ़ा था इसके वजह से टीज़र को काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स भी यूट्यूब तो पर इस फैसले मिला हुआ है और यहाँ पर इस बात से भी मेकर चाहेंगे कि हाँ फिल्म के अंदर पोटेंशियल है और मेकर चाहेंगे कि इसको पैन इंडिया रिलीज करें बिकॉज टीजर को उनको एक अच्छा मतलब आउटपुट मिल गया है कि लोग कितना एक्साइटेड इस फिल्म को लेकर बाकी मैं कहूँगा कि इसी बीच फिल्म को लेकर लोगों का एक्साइटमेंट की बात करें मेरे ख्याल से वो काफ़ी कम हो चुका है सभी को अगर पता नहीं तो इस फिल्म का डीज़र कब आया था आपको याद है नहीं है जी हाँ सो आई थिंक एक साल पहले इस फिल्म का डीज़र बैर को रिलीज़ किया गया था तो टीज़र को मतलब तो रिलीज़ करके मेकर्स के द्वारा मतलब तो ये भूल ही गया था कि उनके पास मार्टिन जैसी फिल्म भी है तो फाइनल तो अब जाके फिल्म मेकर्स के द्वारा रिलीज़ डेट को अनाउंसमेंट किया अगर वो रिलीज़ डेट को अगर अनाउंसमेंट भी किया हुआ है तो क्लास के साथ मत हो रही है तो मेकर्स का मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा डिसीजन था इतने मतलब टाइम था इसके वजह से आप किसी भी डेट पर आप इस फिल्म को रिलीज़ कर सकते थे इसके पीछे क्या रीज़न आई थिंक मोई की पोस्ट प्रोडक्शन का मे वी वर्क हो सकता है बाकी क्या इसके पीछे क्या रीज़न है इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं बट मेरे ख्याल से मे वी यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन का ही वर्क होगा बिकॉज़ इस फिल्म को शूटिंग काफ़ी का मतलब टाइम हो चुका है बिकॉज इस बिल की अनाउंसमेंट आई थिंक दो हज़ार के मेरे ख्याल से इक्कीस के मतलब ख़त्म होने में <coughs> ख़त्म होते हुए इस फिल्म को अनाउंसमेंट में भी क्या होगा बट मैं पूरी तरह से शॉर्ट नहीं हूँ तो मेकर्स और मुझे एक टाइम ऐसा भी लगता था कि ये फिल्म बंद हो चुकी है फिल्म नहीं आ रही है बाकी फाइनली मेकर्स के द्वारा कुछ कुछ ना कुछ एटलीस्ट पोस्टर के जरिए तो जो फैंस हैं जो इस फिल्म को देखने के लिए एक सारेड उसका तो थोड़ा बहुत होप क्रिएट मतलब बनाए रखा है कि हाँ फिल्म आ रही है और उस रिलीज़ हो रही है बट uh, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फिल्म आपको इसी डेट को भी ये फिल्म देखने को नहीं मिल सकती है बट ये मेरा मानना है क्योंकि क्लैश हो रही है तो मेकर्स अच्छा मतलब डेट चाहेंगे कि उसकी फिल्म अच्छा कलेक्शन करे तो अच्छा, अगर अच्छा कलेक्शन करना ही है तो अच्छी स्किन्स भी तो मिलने चाहिए अगर स्क्रंस के अगर मारा मारी करेंगे तो स्क्रंस कब मिलेगा अगर जैसे कि आप सभी को पता कि हर, हर इंडस्ट्री में उनकी जो रीजनल लैंग्वेज को ही ज़्यादातर उनको मतलब प्रायोरिटी मिलती है जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है तो ऐसा ही चाहेंगे कि मेकर्स को अच्छा डिसीजन लेकर ही इस फिल्म को रिलीज़ करना चाहिए और मतलब इतना तो इंतज़ार करवा दिया है फैंस को तो और कुछ ही देने से फैंस और वेट कर लेंगे एटलीस्ट फैंस के भी कुछ अपडेट वगैरह तो एटलीस्ट तो एटलीस्ट गाने वगैरह की अनाउंसमेंट वगैरह तो करो कि गाने वगैरह आ रहे हैं एटलीस्ट फैंस के बीच एकसाथ, एकसाथ, तो एक्साइटेड क्रिएट एक्सपायर एक्साइटमेंट तो एटलीस्ट क्रिएट रहे उसको बना रहे कि हाँ आ रहा है कुछ मतलब ड्रॉप हो रहा है देखने को मिल रही कुछ कुछ फिल्म से रिलेटेड कुछ जानकारी आ रहा है बट ये फैंस जानकर भी मतलब अपने मतलब मन को शांत करेंगे तो मेकरस को भी मतलब ये बात पहुँची गई होगी कि हाँ डिमांड करे इस फिल्म के अपडेट वगैरह तो मेकर्स ने एक पोस्टर के ज़रिए अपडेट किया गया था जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा एटलीस ट्विटर के द्वारा चीज़ को अनाउंसमेंट वगैरह किया हुआ है और जहाँ पर फिल्म की रिलीज डेट को यहाँ पर मैंशन किया गया था कि बाईस दिसंबर को इस फिल्म को हम लोग ला रहे हैं तो ठीक है लाइए इसमें क्या बात है बाकी आपकी फिल्म के अंदर कितना पोटेंशियल है शो तो आई तो, थिंक ट्रेलर को मतलब ट्रेलर देखने पर ही पता चलेगा बिकॉज एक फिल्म की अगर बात करी कनाडा की फिल्म थी उसमें किच्चा सुदीप नजर आए थे फिल्म का नाम है विक्रांत रोना तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि वो फिल्म कैसा था और उस फिल्म के अंदर क्या किया थी जैसे कि टीजर जैसे रिलीज़ किया था फिल्म वगैरह था तो कितना मतलब हाइप बना हुआ था लोग काफ़ी एक्साइटेड थे एटलीस्ट यहाँ पर उस फिल्म से हॉलीवुड से कंपेयर कर रहे थे बट जैसी फिल्म रिलीज़ हुई अब मतलब क्या था तो वो सब चीज़ें इस फिल्म से ना हो मतलब स्कैम ना हो मैं चाहूँगा कि स्कैम ना हो और जिस तरह की टीजर हम जो हमें देखने को मिलती है वो सभी चीज़ अच्छे से वर्क हो और फिल्म की कहानी अच्छे से काम करे हालांकि अर्जुन सारजा के द्वारा इस फिल्म की कहानी को लिखा गया बाकी देखते हैं कि एज एक्टर के द्वारा इस फिल्म की कहानी को किस तरह से लिखा गया है हालाँकि अर्जुन सारजा एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर राइटर भी है बाकी देखते हैं कि इस फिल्म के ज़रिए अर्जुन शाहजा को किस तरह के स्क्रिप्ट दिया गया उनको किस तरह की कहानी दी गई है वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी हालांकि अगर फिल्म की अगर बात करें स्नॉपस के कॉन्सेप्ट की बात करें कि किस तरह के प्लॉट हमें देखने को मिलती है तो ये जो कहानी आपको देखने को मिलती है मार्टिन के इर्द गिर्द पूरी कहानी को लिखा गया यानी कि मार्टिन यानी कि अर्जुन के इर्द गिर्द लिखी यानी कि इर्द गिर्द घूमती कहानी लिखी है तो मार्टिन या फिर कह सकते हैं अर्जुन जिसकी यात्रा उसे पाकिस्तान से भारत तक ले जाती है ताकि उसकी वास्तविक पहचान की खोज की जा सके और काले बाज़ार के डीलर के खिलाफ लड़ाई लड़ाइय हो जो देश में बड़े पैमाने पर हमले के लिए आतंकवादी के साथ जुड़े हुए हो तो आप एक काइंड kind ऑफ of, मतलब मान सकते हो कि जो फिल्म में एक स्पाइस होगी आई थिंक ये जो आपको कॉन्सेप्ट जो स्नोप की अगर बात करें तो एक स्पाई ऑफिसर का हिंट जा मेरे ख्याल से ज़्यादा दे रही है और ऐसा है तो फिल्म के टीज़र में हमें एक स्टार्टिंग सीन में देखने को मिलती है कि अर्जुन शारजा को किसी एक जेल से किसी एक जेल में और शिफ्ट किया जा रहा है जिसमें कि उस जेल के अंदर काफ़ी सारे आई थिंक बड़े बड़े फाइटर्स हैं वहाँ पर फाइटिंग हमें देखने को मिलती है जो कि आपको ट्रेलर में भी देखने को मिलती है कि वीडियो के लास्ट में वो फाइट वगैरह देखने को मिलती है कि किस तरह से दोनों फाइटरों से अर्जुन शाहजा मतलब फाइट करते हैं और एक जो टीजर अभी रिलीज सॉरी एक जो पोस्टर भी रिलीज किया है तो उस पोस्टर के अंदर आई थिंक एक बहुत ही बड़े वेपन आई थिंक टैंक दिख रहा है उस टैंक में बहुत ही बड़े यानी वेपन की अगर बात कर दी यानी कि गम गन लगा हुआ है जो कि मैं कहूँगी कि एक प्रॉपर मासिस फिल्म होगी बाकी फिल्म की मतलब देश से रिलेटेड भी है बाकी आतंकवादी देश से रिलेटेड पैम मानी कि हम लोग तो से रिलेटेड है उससे रिलेटेड भी कहानी है जो कहूँगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब इस अकॉर्डिंग तो मतलब फिल्म है अभी बाकी एक्चुअल कंटेंट क्या है वो तो हमें ट्रेलर पर ही आपको पता चलेगा बिकॉज ट्रेलर में एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऑडियंस गेस कर लेते फैन थी और लगा ही लेते कि एटलीस्ट ये फिल्म के अंदर कहानी है ये ये हो सकती है ये पॉसिबल हो सकता है बिकॉज ऐसा ही होता है बाकी अगर बात करें और एक फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ जहाँ उससे मैं बात करूँ टाइगर थ्री तो टाइगर थ्री के लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसमें पर्सनली मैं फर्स्ट डे का सोच रहा हूँ कि मैं फर्स्ट डे इसम को देखूँ बाकी लिए, बाकी इसी में फिल्म की बात करें कुछ जो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो सबसे पहले लियो उसके बाद टाइगर नागेश्वर रहा और भगवंत केसरी को लेकर भी मैं एक्साइटेड था बिकॉज आप सभी को पता कि भगवंत केसरी वो हिंदी में नहीं आ रही है बल्कि वो तेलुगु में रिलीज़ हो रही है बट उस फिल्म का ट्रेलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था बिकॉज इसलिए मैं वो फिल्म देखने वाला था भगवंत केसरे भगवंत केसरी फिल्म जो कि उस फिल्म के अंदर जो एक्शन की अगर बात करें वो हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलती है और काफ़ी हद तक मतलब लॉजिक रखे थे एक्शन ऐसा नहीं कि लॉजिक और फिजिक्स मतलब कुछ भी करते थे आ, तो, बालाकृष्ण सर बट इस फिल्म में कुछ हट के किया है और कैरेक्टर की बात बाद भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक भतीजी और एक चाचा की बीच की कहानी देखने को मिलती है तो वो कहूँगा कि कुछ डिफरेंट ट्राई किया इस फिल्म के अंदर उन्होंने बाकी ये तो देखते हैं अगर मेरे से होती है तो तीनों फिल्म को मैं ट्राई करूँगा इस फिल्म को तो एक्साइटेड भी हुई इस फिल्म के लिए ऐसा नहीं कि मार्टिन फिल्म के लिए भी एक्साइटेड हूँ तो बट ये फ़िल्म मे बी इस साल में भी देखने को ना मिले अगर इस साल देखने को मिलती है तो पक्का मैं तो देखूंगा बाकी भले ही क्लैश हो बट इस फिल्म को भी मैं देखने वाला हूं पक्का इतना तो डेफिनेटली मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूं और दोस्तों इस फिल्म के बात के की बात करें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी की हालांकि मेकर्स ने इस फिल्म से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही जानकारी नहीं दिया गया है जो भी जानकारी थी जो कि ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि जो जो एटलीस्ट जो जो जानकारी थी ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ और इसी बीच इस फिल्म से रिलेटेड और कोई नई जानकारी अगर आती है एटलीस्ट कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि इसकी भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रो जानने को मिले बाकी आप समझ सकते हो कि आप कितना एक्साइटेड है बाकी अपडेट वगैरह तो जैसी आएगी मैं पूरी ट्राई करूँगा कि जैसे ही अपडेट आई तुरंत ही मतलब आपको वीडियो बनाकर उसको मतलब जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करा दूं। हालांकि इस फिल्म की अपडेट की बात करें रिलीज डेट की कर बात करें तो काफ़ी समय पहले आई आई थिंक तीन वीक पहले पंद्रह सोलह दिन हो चुके जब एक वीडियो अपलोड किया था इस फिल्म के ऊपर ही अपलोड किया गया था तो उस अपलोड उस वीडियो को अपलोड करने के बाद आई थिंक एक या दो दिन बाद ही इस फिल्म की आई थिंक और रिलीज डेट को अनाउंसमेंट किया गया था तो इसी बीच मतलब काफी सारे आप ज्यादा बताओगे इसी वीक काफी ज्यादा जो फिल्में आई थी जो उसको देखना और उसको अपलोड करना दोस्तों तो अगर आप सभी को हॉरर थ्रिलर फिल्म अगर आपको देखना पसंद करते हो तो मैं कहूँगा कि आप एक बार इस फिल्म को देख सकते हो ये फिल्म आपके लिए वन टाइम वॉचेबल मूवी रहेगी जी सो फिल्म का हॉरर और फिल्म की थ्रिलिंग और बात करी मिस्ट्री की तो फिल्म के अंदर ये सभी चीजें काफी लाजवाब की है और काफी बेहतरीन तरीके से इन सभी को लिखा गया है और लिखने के साथ साथ फिल्म के जो डायरेक्शन देखने को मिलती है जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलती है जो की पूरी तरह आपको फिल्म में एंगेजिंग करके रखती है जो कहूंगा आप इस में को एक बार देख सकते हो और साथ ही अगर अगर आप आप सभी सभी के बहुत बड़े फैन उनकी पिछली फिल्म को आप सभी ने देखा है साथैन की बात कर रहा हूँ दाड़ा फिल्म की तो अगर आप सभी ने दाड़ा फिल्म को देखा है तो आप उसको तो आप सभी को पता होगा कि एक्टर का किस तरह की पोटेंशियल है खासकर उनकी एक्टिंग के मामले में तो सभी चीजें आपको लाजवाब की अगर कह सकते हो बेस्ट ही देखने को मिलेगी तो देख सकते हो और ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी प्लस हॉटस्टार पर डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर वॉच कर सकते हैं और यह फिल्म दोस्तों प्लस हॉट स्टार पर फ्री जाएगी और डिजनी प्लस हॉटस्टार पर यह फिल्म फिल्म आपको तमिल भाषा के साथ देखने को को मिल जाएगी बिकॉज इस डायरेक्टली ही प्रीमियर किया गया था एक अक्टूबर साल हजार इक्कीस को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर और दोस्तों इस फिल्म के हिंदी वर्जन की अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा अगर नहीं भी पता तो चलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा तो दोस्तों इस फिल्म की जो हिंदी डबिंग राइट थी यहाँ पर गोलमेंट टेलीफिल्म ने काफी समय पहले खरीद के रखा हुआ था और साथ ही डबिंग को भी इसी साल कम्पलीट करवाई थी और जहां पर यह फिल्म हमें इसी साल देखने को मिल चुकी है जी से बात कर रहा उस फिल्म को तो जी हाँ सो इस फिल्म को दोस्तों अगस्त महीने में प्रीमियर किया था एग्जैक्ट हालांकि डेट नहीं बट इसी महीने इस फिल्म को प्रीमियर किया गया था गोलमैन के सैटेलाइट चैनल पर तो दोस्तों ये फिल्म हमें देखने को मिल चुकी है हिंदी में भी देखने को मिल चुकी है और हिंदी डबिंग की अगर बात करें तो गोलमैन ने कम्प्लीट करवाई थी उनके डबिंग स्टूडियो में गोलमैन के ही डबिंग स्टूडियो में इस फिल्म की डबिंग कम्प्लीट करवाई थी और उस फिल्म का प्रीमियर भी अगस्त महीने में ऑलरेडी करवा दी

टीवी रिलीज डेट या फिर यूट्यूब से रिलेटेड भी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट किया जाता है तो डेफिनेटली इसकी भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पर तो दोस्तों अगर अपडेट वगैरह को मिस नहीं करना चाहते हो अपडेटेड रहना चाहते हो तो डेफिनेटली कहूंगा की अगर आप सभी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ से जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन तो उसके नोटिफिकेशन को एटलीस्ट ऑन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों दोस्तों इस फिल्म की अगर बात करें कास्ट की यानी कि पूरी कास्ट की अगर बात करें तो आपको इस फिल्म में मेन के बात करना चाहूँगा, बिकॉज इस फिल्म में कम ही ऐसे कलाकार आपको देखने को मिलती है, और जो भी कलाकार तो है कि फिल्म का अपलोड एक्चुअल क्या हो सकता है तो वही आप अगर आपसे मैंने ट्रेलर को भी देखा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही गया होगा क्या हो सकता है तो फिल्म की अगर बात करें कास्ट की तो कैबिन अमृता गायत्री रेड्डी एंड किरण कोंडा एंड बालाजी और साथ ही कैरेक्टर की अगर बात करें तो कैबिन आपको इस फिल्म में गुरु प्रसाद यानी कि गुरु रोल में नजर आएंगे जो कि ऑफ डेल्टा प्रोजेक्ट में टीम लीडर का रोल प्ले करे जो कि आपको फिल्म देखने पर पता चल जाएगा अमृता आपको इस फिल्म में हिरनी यानी कि एच में रोल में नजर आएंगे और साथ ही गुरु और यहाँ पर बात करे गुरु प्रसाद की यानी कि दोनों की लव इंटरेस्ट भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी गायत्री रेड्डी आपको इस फिल्म में तारा के रोल में नजर आएंगे जो की एक एच आर मैनेजर के रोल मिलेंगे इसके साथ ही किरण कुंडा आपको इस फिल्म फिल्मर के रोल मिलेंगे और साथ ही बालाजी आपको इस, इस फिल्म में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ के कंपनी का रोल प्ले करे इस फिल्म में दोस्तों मूवी की प्रोडक्शन की बात करें तो इस प्रोडक्शन को अनाउंसमेंट किया था डेब्यूटी डायरेक्टर के साथ की तो की पहली डेब्यू झियासोनीत की पहली उनकी फिल्म है और इस फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया हुआ एज ए डायरेक्टर के तौर पर तो विनीत प्रसाद के डेब्यू डायरेक्टर ये फिल्म है और साथ ही कास्ट किया था इस फिल्म को लीड एक्टर के तौर पर पर कैबिन और साथ ही ऑफर तो किया हुआ सबसे पहले ऑफर किया गया था और साथ ही उस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया हुआ था तो दोस्तों आज अगर बात करें मेरे एक्सप्लेनेशन का एक्सपीरियंस का अगर आज की अगर बात करें तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बिकॉज आज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट अच्छे से रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रही नहीं है, जैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ बाकी ठीक है अगर कुछ आज गलतियां भी होती है तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कुछ अगर गलतियां होती है तो डेफिनेटली उसके लिए आप मुझे माफ डेफिनेटली करेगा बिकॉज आज चलता है एक दो दिन के लिए चलता है सब चलता है तो चलिए खैर वो तो अलग बात है चलिए फिल्म की मेन टॉपिक पर आते हैं तो दोस्तों इस फिल्म की फिनज फोटोग्राफी को रिपब्लिक

लेकर इस फिल्म की प्रोडक्शन को कंप्लीट किया था लाइक पोस्ट प्रोडक्शन को कम्प्लीट किया था शूटिंग कितने दिन में कम्प्लीट हुआ था तो इससे रिलेटेड मेकर्स के द्वारा कुछ ज्यादा जानकर रिवील नहीं किया हुआ और पब्लिकली रिवील नहीं किया हुआ है जहाँ तक मुझे पता चला है जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया तो उसके अकॉर्डिंग यही मुझे पता चला है बाकी ठीक है मतलब इनफ एक प्रोडक्शन से रिलेटेड इतनी जानकारी मेरे ख्याल से एक इनफ होती है साथ ही दोस्तों के इस फिल्म की गाने की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में आपको टोटल दो ही गाने सुनने को मिलेंगे फिल्म की अगर कॉन्सेप्ट की अगर बात करें स्टोरी के हिसाब से मैं कहूंगा कि काफी अच्छा था मेकर्स का एक सही डिसीजन था जो कि दो ही गाना रखा हुआ इस फिल्म में जो कहूंगा कि काफी अच्छा डिसीजन था मेरे अकॉर्डिंग बाकी आपका तो पता नहीं अगर आप लोग इसके ऊपर कुछ डिटेलिंग मतलब डिटेलिंग के साथ बात करना चाहते हो या फिर कुछ इन्फो देना चाहते हो तो डेफिनेटली हालांकि इस वीडियो हालांकि दोस्तों इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है डिसेबल रहेगा तो डेफिनेटली अगर कुछ बारे में चर्चा करना चाहते हो इस फिल्म के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल पर जाकर कैम्यूनिटी टैब सेक्शन पर जाकर किसी भी एक पोस्ट पर लिख सकते उस फिल्म के बारे में कि क्या आपके थॉट्स थे क्या आपके ओपिनियंस थे इस फिल्म को लेकर चलिए फिल्म की टोटल गाने की अगर बात करें तो उस फिल्म के टोटल दो ही गाने जो कि ऑलरेडी ही चुका हूँ और एक एक गाने की से टाइटल की अगर बात करें तो सबसे पहले गाने का टाइटल नाम रखा था इना मिलू। और बरीटो माइकल इस गाने को को लिखे थे राजेश और एक्टर शिवा कार्तिके ने गाया हुआ था और गाने की लेंथ की बात करें तो चार मिनट सोलह सेकंड थे दूसरी गाने की बात करें टेरिल की तो दोस्तों दूसरी गाने का नाम रखा था हे ब्रो और इस गाने को म्यूजिक दिया था ब्रिटो माइकल ने और साथ ही इस गाने को गाया था क्रितिक नेल्सन और बैन किन्शले एंड इसके साथ ही अदीफ मोहम्मद ने और गाने की लेंथ था तीन मिनट आठ सेकेंड और इसके अलावा अगर दोस्तों अगर कर बात करें उस फिल्म की प्रोडक्शन की प्री प्रोडक्शन की अगर कर बात करें हालांकि प्रोडक्शन के ऊपर बात कर चुका हूँ प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी ऑलरेडी डिटेलिंग दे चुका हूँ और बात करते हैं फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं तो दोस्तों इस फिल्म को जब रिलीज किया गया था 1 अक्टूबर साल दो को 134 मिनट रन टाइम के साथ डायरेक्ट ओ पर डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जिसको की प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया हुआ था एक एटेंडेंसमैन ने और एक एटरटेंसमैन ने बेचा हुआ था डिजनी प्लस हॉट को और उसने रिलीज किया था एक अक्टूबर को डायरेक्टली अपने ओ टी डी पर जिसको कि लोग एंड क्रेडेट की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज आए थे और मिक्स रिव्यू बोल सकती बिकॉज इक्वली ऑडियंस के तरफ से भी मिक्स आई थी और यहाँ पर क्रिटिक की तरफ से भी इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिला हुआ था और अब अगर बात करी मेरी ओपिनियन की तो अगर मैं आप सभी को ऑनेस्टली अगर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दोस्तों मैंने अभी भी इस फिल्म को नहीं देखा है जो सो आपको सुनने में कुछ अजीब फील हो सकता है बट वो जो रियलिटी है वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ मैंने इस फिल्म को अभी भी नहीं देखा हो बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज आप सभी को बताओ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता हुआ कि हमारे चैनल पर किसी दिन दो वीडियोस आती है किसी दिन तीन वीडियोस भी आ जाती है तो इसके चलते उस सभी वीडियोस को बनाने में उन सभी फिल्मों को देखने के बाद उस फिल्म को बनाने में वीडियो को बनाने में और साथ स्क्रिप्ट करना रिसर्च करना तो काफ़ी हद तक टाइम लग जाता है तो मैंने इस फिल्म को आप सभी को काफ़ी सारे यानी कि इस फिल्म के ऊपर ऑलरेडी मेरे ख्याल से तीन या चार वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ पर अभी भी देख नहीं पाया हूँ लेकिन मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि इस फिल्म को देखूँगा उसके बाद आपको एक प्रॉपर अच्छी तरह से रिव्यू दूँ और मेरे क्या ओपिनियंस थे उसके ऊपर भी बात करेंगे आने वाली वीडियो में जब इस फिल्म के ऊपर अगले वाली वीडियो आएगी तो उसके ऊपर भी आपको डेफ़िनेटली मेरी रिव्यू मिलेगी बट ऐसा नहीं कि बिना रिसर्च करके मैं आप सभी को बता रहा हूँ मैंने रिसर्च किया हुआ है और लोगों की क्रिडिक्स के रिव्यू भी, भी पढ़ा मैंने और साथ ही जो ऑडियंस के रिएक्शन थे वो भी मैंने पढ़ा हुआ तो दोनों को मिलाकर और दोनों की कंपेरिज़न करके ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस फिल्म के ऊपर रिव्यू भी, भी दे रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सही है और रिकमेंडेशन uh, भी आपको करूँगा बिकॉज लोगों ने पसंद भी किया हुआ है जो मिक्स रिव्यूज़ मिलती है तो उस फिल्म को ऐसा बूढ़ा नहीं मानी जाएगी बिकॉज़ लोगों का ओपिनियंस है लेकिन आपको पसंद आ सकता है कुछ लोगों को ना भी पसंद आया हो तो सबका नज़रिया अलग अलग है बट जो ज़्यादा मेजोरिटी की अगर बात करें तो इस फिल्म को ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया हुआ है तो इसलिए मैं आपको अगर आप लोग देखना चाहते हो देख सकते हो जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी अगर अगर आप सभी ने नहीं भेजा क्या है तो चलो उसको रिपीट कर ही देते हैं तो ओ टी टी की बात करें तो ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी और यूट्यूब की अगर बात करें और तो लियो लियो एक सालों की तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया दोस्तों लोकेश कनगराज ने और लोकेश कनगराज के डायरेक्शन के अलावा उनकी स्टोरी स्टोरी स्टोरिया स्क्रिप्टिंग राइटिंग कहानी और स्क्रीन प्ले डायलॉग्स ये सभी चीजें आपको लोकेश कनगराज की आपको देखने को मिलेगी लेकिन इस स्टोरी के अंदर आपको यहाँ पर लोकेश कनगराज के अलावा रत्न एंड वेदी की भी आपको देखने को मिलती है फिल्म की राइटिंग और साथ ही में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया मिलेगी मनोज परामर्श की और साथ में इस फिल्म को एडिट किया दोस्तों फिलिपन राज ने इसके अलावा आपको इस फिल्म म्यूजिक कंपोजिंग साउंड स्कोर एंड बीजीएम सुनने को मिलेगी अनिरुद्ध अनिरुद्ध रविचंद्र की इस फिल्म को दोस्तों स्टूडियो प्रोडक्शन बैनर के नीचे को बनाया जाए फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन आपको रेड जॉय के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है सन टीवी और सेवन स्क्रीन स्टूडियो गोल्ड यानी आपको काफी सारे ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बैनर देखने को मिलेगी कैरेक्टरी के साथ लाइक हिंदी में अलग बैनर देखने को मिलेगी इसके साथ ही तेलुगु तमिल यानी कि अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस फिल्म को फिल्म की रिलीज डेट की अगर बात करें तो दोस्तों फिल्म को रिलीज की जाएगी 19 अक्टूबर को 19 अक्टूबर को आप इस फिल्म को देख सकते हो सिनेमा घरों में और इस फिल्म को सिनेमा घरों में दोस्तों तेलुगु तमिल के अलावा को हिंदी में भी देख सकते हो जो कि हिंदी बैनर ऑलरेडी बता चुका फिल्म को हिंदी में प्रोड्यूस कर रहे या फिर हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट की रहेगी गोलमैन टेलीफिल्म के द्वारा जो कि इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर आप सभी को गोलमैन के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल चुकी है जो की आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बट अभी तक जिन्होंने इस फिल्म की हिंदी ट्रेलर को नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आप इस फिल्म को ट्रेलर

पति विजय संजे दत्षा सरजा अर्जुन गौतम अली खान प्रिया आनंद मैथ्यू थॉमस मास्टर एंथनी मनोबला जॉर्ज एंड जफर सिद्दीक इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी जैनी वनीता माया एस सन डैज स्मिथ मनोजा अनुराग केशव इसके साथ ही आपको रामा कृष्णन किरण राथुर एंड सचिन मनी भी देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कैरेक्टर्स की कौन सा एक्टर कौन सा रोल में आपको इस फिल्म में कौन सा एक्ट्रेस किस किरदार को प्ले कर रहे तो इसके देते हैं तो चलिए उसके पार्थी के रोल आएंगे आपको आपको प्ले करे इस फिल्म में शतिया यानी कि पार्थी का वाइफ रोल प्ले करे इस फिल्म के अर्जुन आपको इस फिल्म में हेरोल्ड दास के रोल में नजर आएंगे गौतम गौतम मेनू सर आपको इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे इसके साथ ही मिसकिन मंसूर अली खान प्रिया आनंद यानी कि इनके कैरेक्टर अभी कंफर्म नहीं हुआ बट आपको फिल्म रिलीज होने पर तो आपको पता चली जाएगी इसके अलावा आपको यहाँ पर मैथ्यू थॉमस का जो कैरेक्टर प्ले कर पार्थिशन के रोल में नजर आएंगे जैनी मास्टर बाबू एंथनी मोनोबला एंड जॉर्ज मरियान और यहाँ पर बात करे जफर सिद्दीक और इवाल का कैरेक्टर खत्म हो चुका है जो की पार्थि का डॉटर का रोल प्ले कर रहे है इसके साथ ही जैनी वासन माया मिस्क्रीन ऑन या शांति मायादन और इसके साथ ही बात करे तो कुछ ही ऐसे जो कैरेक्टर्स हो जाएगी। और आपको तो पता चली जाएगी कि कौन सा एक्टर किस रोल में जो की फिल्म रिलीज हो रही है उन्नीस अक्टूबर को तो उन्नीस अक्टूबर को तो आप सभी को पता चल जाएगा अगर आपको पता नहीं भी होता है तो डेफिनेटली जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन पर आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात करते तो उससे पहले फिल्म की रिलीज डेट के ऊपर बात करना चाहूंगा कि और रिलीज डेट के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ फिर से इसके ऊपर डिटेलिंग देना चाहूंगा बिकॉज आपसे भी अगर नहीं भी सुने तो फिर से सुन लीजिएगा तो जी इंडिया फिल्म है और ये फिल्म रिलीज होने जा रही है उन्नीस अक्टूबर को उन्नीस तो अक्टूबर को आप इस को देख सकते हो और यह फिल्म दोस्तों तमिल के अलावा आप हिंदी में देख सकते हो और हिंदी की अगर बात करें हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन बैनर की तो गोवर्मेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और गोवर्मेंट की अगर बात करें इस फिल्म

ऑडिट उन्हीं के पास है कि नहीं तो डेफिनेटली अभी तो फिलहाल कन्फर्म नहीं है बट आने वाले दिनों में अगर कन्फर्म होती है या फिर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली इसकी भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर तो दोस्तों अपडेट वगैरह को मिस नहीं करना चाहती हो अपडेटेड रहना चाहती हो तो डेफिनेटली कहूँगा कि आप सभी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही जो बैल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको भी ऑन कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की तमिल वर्ज़न की सैटेलाइट राइट्स की या फिर बात करें डिजिटल राइट्स की तो डिजिटल राइट्स तो ऑलरेडी आपको पता है कि नेटफ्लिक्स के पास या फिर बात करें सैटेलाइट राइट्स की तमिल वर्जन की तो जहाँ तो सन टी ने खरीदा है तो इस फिल्म को जैसे तमिल वर्जन में रिलीज़ की जाएगी तमिल भाषा में जब इस फिल्म को टी पर अगर रिलीज़ की जाएगी तो सन टी के ही सैटेलाइट टी वी चैनल पर इस फिल्म का आपको तमिल वर्ज़न का प्रीमियर आपको देखने को मिलेगी बाकी इस फिल्म की डिजिटल राइट्स और सेटेलाइट जो राइट्स है कितनी में मतलब बेचा गया इससे रिलेटेड कोई अमाउंट वगैरह रिवील नहीं किया गया मेकर्स की तरफ से पर कोई एग्जैक्ट अमाउंट को पता नहीं चला कि इतनी बड़ी फिल्म को कितनी यानी कि नंबर ऑफ़ डिजिट के साथ स्पिन को बेचा गया स्पिन की ओ टी राइट्स या फिर डिजिटल राइट्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड भी अपडेट आएगी तो इसकी भी अपडेट आपको यहाँ आप पर सबसे पहले मिल जाएगी आपको हमारी चैनल पर और बात करें इस फिल्म की एडवांस बुकिंग की तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग आज चौदह अक्टूबर है यानी कि रिलीज होने में फिल्म को पाँचे दिन बचे हैं तो अभी भी मतलब एडवांस बुकिंग की बात करें तो अभी तक पूरी तरह से एडवांस बुकिंग इस को मतलब ओपन नहीं किया गया बट कुछ सेलेक्टेड जगहों के अंदर स्पेसिफिक जगहों के अंदर यहाँ पर इस फिल्म की एडवा एडवांस बुकिंग को स्टार्ट किया गया लाइक यूएसए के अंदर भी ऑलरेडी स्टार्ट करवा दी गई थी और इसके साथ यानी कि ओवरसीज़ के मार्केट के अंदर इस फिल्म को एडवांस बुकिंग ओपन कर दिया गया बाकी इंडिया की अगर बात करें तो हालांकि चेन्नई स्टेट के अंदर कुछ ऐसे जो सिलेक्टेड थिएटर्स हैं उनके अंदर आपको एडवांस बुकिंग का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलती है तो यानी कि मतलब यानी कि ये कंफर्म है कि कुछ कुछ जगहों के अंदर इस फिल्म के एडवांस बुकिंग पूरी तरह से मेकर्स ने यहाँ पर ओपन कर दिया गया बट मे बी मुझे लगता है कि इसी वीक पर इस फिल्म की यानी कि एडवांस बुकिंग को यहाँ पर पूरी तरह से ओपन कर दिया जाएगा यानी कि रिलीज़ होने में अभी पाँच ही दिन है तो लगभग दो या तीन दिन पहले तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को स्टार्ट करवा देंगे या फिर मे भी हो सकता है कि आज डेट एडवांस बुकिंग से रिलेटेड कोई अपडेट वगैरह आ जाए तो देखते क्या होता है तो अगर अपडेट वगैरह आएगी तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा कि रिलीज़ होगी जब ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद ही आपको इस फिल्म के ऊपर और, और एक वीडियो मिलेगी उसके ऊपर आप आपको प्रॉपर रिव्यू भी मिल जाएगा कि फ़िल्म कैसा है और फिल्म के कंटेंट और फिल्म का क्या पोटेंशियल है तो आपको फिल्म रिलीज़ होने पर ही पता चलेगा और मैं भी देख लूँगा और आप भी देख लेंगे जो कि उस दिन रिलीज़ हो जाएगी बाकी यहाँ पर सोर्स की अगर बात करें तो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि केरला के अंदर इस फिल्म को यानी कि चार बजे के यानी कि ये सो मिलने वाले हैं तो देखते हैं क्या होता है ये मतलब पूरी तरह से कन्फर्म नहीं बट रूमर्स काफ़ी तक रहा है कि इसमें को केरला के अंदर सुबह चार बजे तक का मतलब सोया पर मिलने वाला है और उसी सोस के साथ मतलब चलाया जाएगा बाकी तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इसमें को नौ यानी कि नौ बजे के स... आई थिंक नौ बजे ही मतलब पहला शो मतलब लग सकती है ऐप पर तमिलनाडु के अंदर तो देखते देख हैं क्या होता है बाकी हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी की भी एडवांस बुकिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस फिल्म को हिंदी में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है गोलमेंट टेलीफ़िल्म सो तो होप सो करता हूँ कि यहाँ पर गोलमेंट के द्वारा अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन करे और अच्छे अच्छे स्क्रिल्स मिले बाकी मैं तो चाहूँगा कि अच्छे स्क्रिल्स मिले और बिकॉज इस फिल्म का हाइप काफ़ी कमाल लेवल का है और डेफिनेटली बढ़ सकने के लिए मेरी माने तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए मैं तो फर्स्ट डे शो देखने वाला हूँ इस फिल्म को बाकी अगर आप इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है तो डेफिनेटली इसके बारे में बता सकते हो और आप इस फिल्म को कैसे देखना चाहोगे थिएटर्स में विजिट करके या फिर फर्स्ट डे दे देखने वाले या फिर ओ के लिए वेट करोगे या फिर यूट्यूब या फिर सेटेलाइट चैनल पर देखना पसंद करोगे तो इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो इसके साथ ही अगर आपको इस फिल्म का टीज़र और फिल्म का ट्रेलर आपको कैसा लगा था उसके ऊपर अगर बात करना चाहते हो या कुछ अपना ओपिनियन बताना चाहते हो तो बता सकते हो आप हमारे चैनल पर जाकर कम्युनिटी सेक्शन में जाकर किसी भी एक पोस्ट पर इसके बारे में जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो तो चलिए काफ़ी सारे डिटेलिंग मिल चुके है आपको एडवांस से रिलेटेड रिलीज डेट से रिलेटेड ओ से रिलेटेड यूट्यूब से रिलेटेड भी आपको मिल चुकी है यानी कि ऑलमोस्ट सभी जानकारी मिल चुकी है तो चलिए आप बात करते हैं इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं प्री प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं तो आप इन सभी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी और इसी वीडियो में आपको आगे चल कर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट फिल्म की स्नोप्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह की प्लॉट को उठा कर या पर आपको ये कहानी देखने को मिलती है और बाकी ये भी रूमर्स था कि एक फिल्म हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है बाकी मेकर्स के द्वारा इस चीज़ को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया बट रूमर तगरा कि एक फिल्म रीमेक है बाकी देखते हैं उन्नीस अक्टूबर को ही पता चलेगी तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं फिल्म की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया था मास्टर को सक्सेस को देखते हुए जो कि अर्ली साल सौ इक्कीस में किया गया था और साथ ही ये रिपोर्ट निकल कर आया था इस्पेस लुकेश कंगराज के द्वारा कि को एक और नए स्क्रिप्ट को पर निरेट किया गया है लुकेस के द्वारा और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर तलापति विजय के द्वारा उनको प्रोजेक्ट और निरेशन और स्क्रिप्टिंग फिल्म का काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद भी आया हुआ था बिकॉज फिल्म की कहानी के अंदर पोटेंशियल था जो कि रूमर्स था जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड बिहाइंड द स्टोरी क्या था मैं वो आप सभी को बता रहा हूँ और इसके साथ ही सपोज करके यहाँ पर तलापति विजय की यहाँ पर सिक्सटी फिल्म यहाँ पर किया गया था और साथ ही यहाँ पर बात करें फिल्म की वारसी की ऑलरेडी यानी कि बेस्ट फिल्म के साथ यहाँ पर वारस फिर काम किए थे और ऑलरेडी मतलब प्लान रखे हुए थे कि इस फिल्म को यहाँ पर हम लोग साल और तेईस में ही रिलीज़ करने वाले हैं तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान यहाँ पर शूटिंग्स भी किए गए थे जो कि ऑलरेडी आप सबको बता कि वारेस फिल्म भी काफ़ी बड़ी सक्सेस रही है और इसके साथ ये भी रिपोर्ट निकल कर आई कि यहाँ पर जो कोलावर्शन देखने को मिलते हैं बी बीजेन लोकस के भी जो कि फरवरी साल और में चीज़ को कन्फर्म होते हुए थे मतलब तो मार्च तक मतलब टाइम लगा लिया गया था और टाइम लग ही गया था फरवरी से लेकर मार्च मतलब इस चीज़ को कंफर्म होने में मतलब तो काफ़ी मतलब तो टाइम लग गए थे इसके साथ ही लोकेश के द्वारा इस चीज़ को ऑलरेडी कंफर्म किया गया था कि डायरेक्ट यानी कि तला बजी विजय की फिल्म यानी कि सिक्सटी सेवन की फिल्म को डायरेक्ट की जाएगी और मई साल दो हज़ार मई में इस चीज़ को कंफर्म किया था और इंटीरियर टाइटल रखा था तलाबटी सिक्सटी सेवन और जिसको कि प्रोजेक्ट किया था जिसको कि इस फाउंडेशन या फिर एज ए प्रोड्यूसर की बात करें थे एस एस ललित कुमार जो कि सेवन स्क्रीन स्टूडियो के ओनर्स हैं जिसके के अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन एज अ को प्रोड्यूसर के तौर पर यहाँ पर मास्टर को यहाँ पर किया गया था और साथ ही विजय मैनेजर जगदीश को भी एज अ को प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म में रखा गया था और जिसको इस फिल्म को पब्लिकली की अनाउंसमेंट किया गया था तीस जनवरी साल में और जिसको कि कंफर्म किया था कि एज ए प्रोजेक्ट ऑफ ऑफिस जो टाइटल था उसको लियो रखा गया था जिसको कि रिविल किया गया था तीन फरवरी साल दो में साथ ही फिल्म की विंगनिंग बजट की अगर बात करें तो ऑलरेडी मेकर्स ने डिसाइड किया गया था और ऑलरेडी मेकर्स का प्लान था कि इस फिल्म को दो सौ से लेकर तीन 300 तक यानी कि इस फिल्म का बजट जा सकता है जो कि मेकर्स ने ऑलरेडी रिवील भी किया गया था और बाद में जो इस फिल्म का बजट था अराउंड 120 करोड़ होने वाली थी बट फिल्म की शूटिंग्स के दौरान और यहाँ पर उसी के दौरान यहाँ पर डिस्कस किया गया था इस फिल्म को कि बड़े स्केल पर बनाते हैं बिकॉज यहाँ पर बात करें इस फिल्म की तो तला विजय चाहते थे कि इस फिल्म को तमिल में ही रिलीज करना चाहते थे बट प्रोड्यूसर के कहने के दौरान ये सब चीज़ें हुआ था जो कि इस फिल्म को हिंदी में ला रहे बट ये फिल्म पहले तमिल में ही बनने वाली थी और तमिल मतलब फ्लेवर रखे गए थे जब पैन इंडिया अनाउंसमेंट किया था तो इसके चलते यहाँ पर स्क्रिप्ट पर मतलब काफ़ी हद तक चेंजेस भी किए गए थे कहानी के अंदर फिल्म की प्रोडक्शन की तो यहाँ पर तलाब विजय के द्वारा जो ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि उनको इस फिल्म को करने के लिए 120 करोड़ मिले हैं इसके साथ ही यहाँ पर इस फिल्म को यानी कि रेवेन्यू शेयर पर यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ था कि इस फिल्म के प्रोडक्शन पर यहाँ पर की जाएगी और जो भी अर्निंग होगी तो यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग के तौर पर यहाँ पर इस फिल्म के मेकर्स मतलब प्रोडक्शन हाउसेस को मिलेंगे बाकी देखते या बाकी देखते हैं कि ये खबर सच है या फिर झूठ है इसके साथ ही लोकेश के बात करें तो ये ऑलरेडी कंफर्म किया गया था अगले सालों तेज़ में कि ये फिल्म होने वाली है लोकेसनेमाटिक यूनिवर्स की और ये एक फिल्म होगी और साथ ही इस चीज़ को यहाँ पर बात करें डायरेक्टर के, के द्वारा तो अभी भी कंफर्म नहीं किया गया उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं कहा कहा कि ये यानी कि एल से कनेक्टेड है या फिर नहीं यानी कि डायरेक्टर और फिल्म मेकरस के द्वारा चीज़ को अभी भी खुलासा नहीं किया है बट रूमर्स काफ़ी तगड़ी है और रूमर्स अगर तगड़ी होती तो आप सभी को पता कि वो यानी कि सच ही होती है बाकी फिल्म तो रिलीज़ हो रही है उन्नीस अक्टूबर को उसके बाद तो सबको पता चल जाएगा बाकी यहाँ पर ये भी बीच में सुनने को मिली है कि यहाँ पर इस फिल्म के अंदर जो कोबरा कैरेक्टर यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस की जाएगी उसमें यहाँ पर प्ले करने वाले हैं रामचरण तो उसका भी आपको इस फिल्म में कैम एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी रूमर्स तो काफ़ी अच्छ मतलब काफ़ी मतलब रूमर्स काफ़ी मतलब क्लेम कर रहे हैं कि वाकई इस फिल्म का है इवन फिर इनमें पोस्टर वगैरह को भी यहाँ पर रिवील भी किया हुआ है बाकी देखते हैं कि क्या होता है फिल्म तो रिलीज़ होगी उसके बाद तो पता चल जाएगा बाकी इस फिल्म के बात करी प्री प्रोडक्शन की तो मुझे क्या जो प्री प्रोडक्शन नियरली सिक्स मंथ तक किया गया था लाइक राइटिंग और फिल्म की प्री प्रोडक्शन को किया हुआ था और राइटिंग के साथ साथ यहाँ पर लोकेश कंग्रास ने यहाँ पर रत्ना कुमार को भी यहाँ पर रखा हुआ था एज ए को राइटर के तौर पर और साथ ही इस फिल्म के अंदर जो को डायरेक्शन की बात करें तो धीनज वदली को भी रखा गया इस फिल्म में लोकेश कैमरा ने कहा था कि कम्प्लीटली अनलाइक मास्टर जो कि कंसिडर किए थे फिफ्टी परसेंट भी जैन फिफ्टी परसेंट उनका यहाँ पर इस फिल्म होने वाली है जहाँ पर इस फिल्म का मुहूर्त पूजा यहाँ पर पाँच दिसंबर दो बाईस में रखा था और इस फिल्म की जो पूजा रखा था इस चेन्नई के अंदर यानी कि एम एम बी स्टूडियो के अंदर जो चेन्नई में रखा गया था और साथ ही सात दिसंबर को रहा है इस फिल्म की प्रमोशन वीडियो भी जारी किया गया था मीट जनवरी साल और तीस को यानी कि मनोज यानी कि फिल्म के जो सिनेटोग्राफर उसको अनाउंसमेंट किया गया था और यहाँ पर लोकेश कंगराज या फिर सिनेमाटोग्राफी यानी कि मनोज की आपको यहाँ पर इस फिल्म से फर्स्ट कोलाबरेशन आपको इस फिल्म यानी कि इस फिल्म से देखने को मिलने जा रही है और यहाँ पर बात करें तलपति विजय के साथ तो मनोज ऑलरेडी तलपति विजय के साथ काम कर चुके हैं जो कि नम्बेन बीस्ट और अनुरुद्ध के साथ भी देखने को मिली है और अनुरुद्ध की अगर बात करें उनके थर्ड कोलाबरेशन आपको देखने को मिलती है और इसके साथ ही यहाँ पर लोकेश कंगराज की जो टेक्नीशियंस हैं उनके द्वारा भी रिटेन भी किया हुआ है जो कि फ़िलिपिन जो कि मूवी के एडिटर हैं उनके द्वारा एज अ टेक्नीशियन टीम के द्वारा लोकेश कंगराज के साथ री का वर्क मतलब रीयूनियन किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी उनकी काफ़ी सारी फिल्मों के अंदर काम कर चुके हैं एज ए डायरेक्टर और टेक्नीश की अगर बात करें तो फिल्म की अगर बात करें शनमग्राफी की दिनेश कुमार एज ए डांसर सिनेमेटिक कोरोोग्राफर है इस फिल्म से एंड सतीश कुमार आपको इस फिल्म में परवीन राजा के रोल में नजर आएंगे और साथ ही कस्टम डिज़ाइन के लिए यहाँ पर विजय के साथ साथ यहाँ पर रेगुलर कस्टम डिज़ाइनर पल्लवी सिंह को यहाँ पर हायर किया गया था बाकी <coughs> <coughs> प्रोडक्शन डिजाइन तो काफ़ी अच्छा जो कि आपको ट्रेलर लेवल पर हुई देखने को मिलती है और फिल्म की कास्टिंग से रिलेटेड अगर कर बात करें तो तलबी विजय इस फिल्म के लिए यानी कि इस फिल्म की हेयर स्टाइल उनकी कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी सारे ऐसे जो लुक्स थे मतलब रेडी किए गए थे लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंट लुक ट्राई करने पर यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे जिया लुक यानी कि लुक ट्राई करने पर ही मतलब फाइनलाइज़ किया गया था लुक पर और इसके साथ ही इस त्रिशना कृष्ण त्रिशा कृष्णन को एज ए फीमेल लीड हीरोइन के लिए इस फिल्म को उनको कास्ट किया था, था इस फिल्म में जैसे कि ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है तैयती विजय और त्रिषा कृष्ण की फिल्म जो कि गिल्ली चार दो हज़ार चार में आई थी थ्रिपंची जो कि साल और पाँच में आई थी अथी यानी कि आपको तैयद विजय और त्रिक त्रिषा कृष्ण की बात करते तो उनकी आपको काफ़ी सारे फिल्मों के अंदर उनकी आपको जरूरी देखने को मिली है संजय दत्त की अगर बात करें तो आपको इस फिल्म में मेन एंटेगनस यानी कि मेन बिलन रोल में नजर आएंगे और यहाँ पर संजय दत्त की पहली तामिल डेब्यू फिल्म होने वाली है इस फिल्म से और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि संजय दत्त को के जी एफ़ टू यानी कि के, के जी एफ़ चैप्टर टू से उनको काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आई उनकी कैरेक्टर खासकर बिलन के कैरेक्टर को लोगों को पसंद तो दोस्तों लियो फिल्म कैसी थी कहाँ देखने को मिलेगी कौन से ओ पर देख सकते कौन से सेटेलाइट चैनल पर देखने को मिलेगी मूवी की बजट टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिकल डिपार्टमेंट कास्टिंग और कास्टिंग परफॉर्मेंस से लेकर ऑलरेडी सभी चीज़ें जानकारी यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिल चुकी है बाकी आज के इस वीडियो के अंदर अगर बात करें तो मेरे एक्सप्लेशन का जो जो मैंने जिस तरह से बताया हुआ है तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने सही तरह से आपको आज के इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ इसके लिए सॉरी बाकी नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके का एक एक्सप्लेनेशन आपको मैं दूँ